हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप। देखो आज हमें बहुत ही प्यारे चैप्टर का रिवीजन करना है। चैप्टर का नाम है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये रिवीजन सीरीज आपकी चल रही है। इसके पहले पार्टनरशिप के अंदर में हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पूरा रिवीजन कर लिया है। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का भी प्रॉपर रिवीजन कर लिया है। आज ये पार्टनरशिप में थर्ड चैप्टर का रिवीजन है। मेरे बच्चे, जो बच्चे अभी तक इनका रिवीजन क्लास नहीं देखे इसके पहले का, मैं आपसे बोलूंगा कि पहले आप उनको देख लें, उसके बाद इस चैप्टर पे आए। खासकर जो पिछला चैप्टर था एटलीस्ट चेंज इन प्रॉफिट रेशियो अमंग पार्टनर्स, क्योंकि उसकी बहुत सारी बातें यहाँ पर रिपीट होने वाली है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों होता है, रेशियो क्यों निकालते हैं, ऑलरेडी हमने वहां पर डिस्कशन किया हुआ। हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे, अपने पास टारगेट करेंगे कि कम से कम 15-20 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराऊं। पूरे थ्योरी ये टॉपिक्स हमें कवर करना है मेरे बच्चे, कंप्लीट थ्योरी हम इसके अंदर में देखेंगे, इस चैप्टर से जो एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आपका कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, क्या क्या केसेज हो सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे। कोई भी बच्चा, आप में से कोई भी बच्चा हो, चाहे मुझसे पढ़ा हो, चाहे मेरे चैनल पे हो, चाहे कोई आपका दोस्त हो जिसने इस ट्रीटमेंट को पढ़ा हुआ है, मेरे बच्चे एक स्लाइट सा चेंज है जो आपके एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा रिगार्डिंग ट्रीटमेंट को लेकर। तो ऐसे हम लोगों ने आपके जो रेगुलर क्लासेज है उसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है, वो स्लाइड चेंज को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो बहुत ध्यान से पूरी बातें समझनी है। एंड गुडविल में जितने केसेज बनते हैं, एग्जाम में जो भी कुछ आ सकता है, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। रिजर्व्स डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, जो हमने चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में देखा था उसमें जो रिजर्व होते हैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होगा, उनके बारे में स्टडी करेंगे। अरे हाँ, हमने रिवीजन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, तो उसके भी लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे आप वो देख लेंगे। वहां पे हम यहाँ पे वैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे, हम उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे गुडविल को लेकर, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट चेंज के साथ। नाउ रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, मेमोरेंडम, रिवोल्यूशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी सीखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट्स आते हैं वो भी सीखेंगे। मैंने यहाँ पे एक अच्छा गेम खेला आपके साथ, वो गेम पता है क्या है, मैंने जितने सारे पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी होते हैं ना जो रिवोल्यूशन के अंदर आ सकते हैं, उनका मैंने दो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। आप सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, ये पूरा रिविजन लेक्चर्स देखने के बाद जो रेगुलर क्लास में आपने मेरे साथ क्वेश्चन ट्राई किए हैं, जो सॉल्व किए मेरे साथ, उन सबका नोट्स पेज पलट के आपको एक एक बार देखते चले जाना है। आपको सारी बातें फटाफट अपने आप याद हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे, हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहला टॉपिक आज क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक, आप एक काम करो, हेडिंग डाल दो यहाँ पे, हम लोग आज शुरुआत करते हैं पहले कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें मतलब क्या क्या केसेज आ सकते हैं। एक चीज और बताऊं, एग्जाम में हो सकता है मेरे बच्चे कि अब न्यू रेशियो, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल सकता है और आपको गेम के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया रहा है, सेक्रीफाइसिंग दिया रहा है, वो कहे कि ओल्ड रेशियो निकाल दो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो सारी बातें आपको दिमाग में लेके चलना है। आओ ना, मैं शुरुआत करता हूँ। आप मेरी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF नोट्स हैं, पहले आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरी रेगुलर बुक है उसके क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ये अलग से मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है ना। तो आपने क्या करना, डिस्क्रिप्शन में पहले इसके PDF को डाउनलोड कर लेना है और उस PDF को अपने पास रखना है, उसी PDF से जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पे कराऊंगा आपको मिलेगा। तो पहले वाले टॉपिक में हम शुरुआत करते हैं आपका यहां पे, पहले कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके अंदर में अब देखो, आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा सुन लो आप, कहते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। अगर जैसे मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, तो एग्जाम में मेरे तो यही 1 मार्क्स में आ गया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ। तो मेरे बच्चे, सेक्रीफाइस करने का मतलब है कि ये 100% श्योरिटी है कि पहले मुझे ज्यादा मिलता था, अब मुझे कम मिल रहा है। जब पहले से कम मिलेगा तभी तो सेक्रीफाइस किया, यानी कि इसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में न्यू को माइनस करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। अब इससे कितने भी फॉर्मूलाज आप बना सकते हैं। अगर मान लो एग्जाम में कहे कि भैया आप न्यू रेशियो बताओ, न्यू रेशियो क्या होगा, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप इसको यहां देखें,
तो भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातों को समझो, न कि मैथमेटिकली इसको देखो। तो अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो जितना हमें ओल्ड में रेशियो यानी कि ओल्ड में जितना शेयर मिलता था, इसमें से हमने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, इसमें से हमने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। तो मेरे बच्चे, ओल्ड में से जितना हमने सेक्रीफाइस कर दिया, जो बचेगा वही तो न्यू होगा, मींस ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ओल्ड रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू को मैं इस साइड लेकर आ जाऊं और सेक्रीफाइसिंग को इस साइड लेकर आ जाऊं, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग आपका ये बनेगा। बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो लॉजिकली समझूंगा। एग्जाम में कह दे कि भैया एडमिशन हुआ पार्टनर का, और मान लो आपको ओल्ड रेशियो निकालना है, मान लो आपको ओल्ड रेशियो निकालना किसी पार्टनर का, एंड क्वेश्चन के अंदर में न्यू रेशियो यानी कि न्यू शेयर उसका दिया हुआ है, तो सोचो जितना न्यू शेयर अभी है और जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया, अगर हम दोनों को ऐड करें तभी तो ओल्ड निकल के आएगा। पहले आप कितना लेते थे, जितना अब ले रहे हो मतलब न्यू, और जितना आपने सेक्रीफाइस कर दिया। तो मेरे बच्चे, न्यू रेशियो प्लस जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि सेक्रीफाइसिंग शेयर, इनको ऐड कर दो तो आपका ओल्ड निकल के आ जाएगा। एग्जाम में कोई भी दे, आप परेशान नहीं होना, आप पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, और फिर आप उसके आंसर को करना शुरू करेंगे। आओ ना, मैंने कुछ केसेज वाइज इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए आपके लिए। आप आइए मेरे बुकलेट के अंदर में, केस नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, इस टॉपिक के अंदर में केस नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन कहता है, क्वेश्चन नंबर वन में ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3। मेरे बच्चे, दो पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3 का है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। बोलता बताओ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं इनको मिटा दूं, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। अब आज जरा हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। ये लीजिए मेरे साथ, आप शुरू करेंगे, मैं इसको लिखूं यहाँ पे, आप मेरे साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर वन का। मैं हमेशा क्या करता हूँ, पार्टनर्स का नाम यहाँ पे, ओल्ड रेशियो यानी कि ओल्ड शेयर, यहाँ पे न्यू शेयर, न्यू शेयर, और यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कह दो या सेक्रीफाइसिंग शेयर कह दो, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैं ये फॉर्मेट दे देता हूँ, है ना, हमें कितना सजाना है, कैसे सजाना है, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपके रेगुलर क्लास में की हुई है। यहाँ पे समझेंगे आप, पार्टनर्स के नाम मेरे बच्चे ए बी एंड सी है, तो लिख दिया हमने यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तीन पार्टनर्स। कोई बताएगा कि इनके बीच का ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3, तो 5/8 आपका और 3/8 आपका, ये आपका ओल्ड रेशियो मेरे बच्चे, ओल्ड शेयर है, है ना। कहता कि सी को एडमिट किया गया 1/4 के लिए, यानी कि न्यू बिजनेस में सी का जो शेयर होगा ये 1/4 आपका होगा। वो कहता है कि जरा बताओ कि न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। कुछ बातें भी हम समझेंगे, ट्रिक्स जो हम लोगों ने रेगुलर क्लास में किया हुआ है, अब ध्यान से सुनते चले, ठीक है ना। पहले तो आप देखो, हमने कहा कि भैया न्यू बिजनेस में सी को इतना मिलेगा, इसका मतलब कि अगर सी का शेयर आपने 1/4 दिया हुआ है, 1/4, तो जो रिमेनिंग शेयर है मेरे बच्चे, यानी कि नए बिजनेस में सी को अगर इतना मिलेगा, तो इतना देने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बच गया। हमने कहा कि भैया टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, 1 है, 1 का मतलब टोटल होता बच्चे, 1 में से 1/4 हमने क्या किया, सी को दे दिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो 3/4 आपका बचेगा। ये 3/4 अब कौन लेगा, ए एंड बी किस रेशियो में लेंगे, तो मेरे बच्चे जिस रेशियो में बोलेगा ना उसी रेशियो में उनको देंगे। मतलब जो 3/4 का शेयर है, ये 3/4 वो किस रेशियो में इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो क्वेश्चन आपको बताएगा, आप उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताता, तो मेरे बच्चे जो इनका ओल्ड रेशियो होगा ना, उसी रेशियो में क्या करेंगे, इसको ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सर हमने फंडामेंटल में पढ़ा था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड रेशियो इक्वल होगा, बदमाश, वो पार्टनरशिप डिड ना हो तो, यहाँ डिड होने ना होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो बात की जा रही है कि भैया ये जो 3/4 बच गया इनको देने के बाद, हम आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन जो बोलेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले मेरे बच्चे, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पहले जितना इनको इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, आप उसको लिखो, यानी कि 3/4 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये 3/4 का आप कितना लोगे जी, 5/8 आप कितना लेंगे, यहाँ पे 3/8,
जरा बताओ ये कितना निकल के आ गया, 15 बाय यहाँ पे 32, कोई डाउट? और ये निकल के आ गया 9 बाय आपका 32, और ये कितना हो गया जी? तो ये तो आपका 1/4 के लिए एडमिट हुआ ही था मेरे बच्चे। आपको आपने कर लिया सब कुछ काम, लेकिन आपको पता है कि जब क्वेश्चन पूछेगा कि न्यू रेशियो बताइए, न्यू रेशियो, तो रेशियो को बताने के लिए आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि तीनों का जो डेनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम हो। आप देखो 32, 32 और यहाँ पे 4 है, इसका डेनोमिनेटर आपका सेम नहीं है जो इतना है, तो हमें क्या करना होगा जी, इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा। कैसे सीखा है हम लोगों ने कि आपने फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ा होगा कि जितना नीचे में फिगर लाना है, यानी कि हमें 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 32 आएगा। 4 8 जा, तो 8 को नीचे से तो 8 को ऊपर से भी, यानी कि 8 बाई 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, जितना ऊपर उतना नीचे, तो दिस इज 8 बाई 32 आपका। अब मैं न्यू रेशियो निकाल सकता हूँ, कितना निकल के आ गया, 15:9:8 का अमाउंट आपका, 15:9:8, ये हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया। कोई पूछ दे कि जरा बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आपसे कोई पूछे तो एक बार चेक करते हैं, जरा बताओ सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या। सेक्रीफाइसिंग का मतलब होता है कि आपने सेक्रीफाइस किया, यानी कि पहले आपको ज्यादा मिलता था ए माइनस बी, है ना, ओल्ड माइनस न्यू आपका, तो ए में बी को माइनस करके हम निकालेंगे, यानी कि 5/8 हमारा पहले हुआ करता था और अब हम ले रहे हैं 15 बाई 32, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 32 निकल के आ गया, 8 4 जा 4 5 जा 20, ये 5/32 निकल के आ गया। मैथमेटिक्स है, तीसरी चौथी क्लास में आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चे। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा जी, 3/8 माइनस 9/32 आपका, तो इसको जब करेंगे तो 3/32 निकल के आ गया, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा बन गया। जब भी रेशियो लिखना है, रेशियो, तो इंश्योर करना कि डेनोमिनेटर जो है बच्चे वो आपका सेम होना चाहिए, है ना, 32 32, ठीक है, तो रेशियो हो गया 5:3 का आपका। ये खत्म हो गई बात, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दिया। हाँ, हमें एग्जाम में जब चेक करना है हमने कोई गलत तो नहीं किया, तो याद रखना जब आप न्यू रेशियो को चेक करेंगे, न्यू रेशियो जब आपको चेक करना है, न्यू रेशियो को चेक करना है कि आपने कहीं गलत तो नहीं किया, तो उस केस में सम टोटल ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू आपका क्या जी, यहां पे इक्वल टू डेनोमिनेटर। मतलब अगर एग्जाम में चेक करना है कि हमने रेशियो सही निकाला कि नहीं निकाला है, तो याद रखना सम टोटल ऑफ न्यूमरेटर 15 प्लस 9 और प्लस 8 कितना होता है जी, 9 + 8 = 17 प्लस 15 = 32, तो इन तीनों का सम जो है ना, दैट शुड बी इक्वल टू डेनोमिनेटर, यानी कि 32 के बराबर आपका होना चाहिए। तो अगर आपने काम किया तो बिल्कुल सही किया है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो सही है कि गलत है, अगर आपको ये चेक करना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका सही है कि गलत है, तो मेरे बच्चे जितना आप लोग सेक्रीफाइस करोगे ना, जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना ही आपको इनका गेन होगा। एक्चुअली अगर देखा जाए, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो ना, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, अब आप 8/32 ले रहे हो, तो आपका ओल्ड माइनस न्यू जब करूंगा ना सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए, तो 8/32 यहां पे नेगेटिव निकल के आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग निकालते समय अगर नेगेटिव आ गया, मतलब आप क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। और हमने आपको बताया हुआ है कि ये आपका पिछले वाले रिविजन में, कि इसका मतलब कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनका टोटल दूसरे के गेन के बराबर होगा। एग्जाम में ये नहीं निकालना, एग्जाम में नहीं निकालना मेरे बच्चे, एग्जाम में क्या जी, सेक्रीफाइस इनका है, इनका गेन क्यों निकालेंगे, इनका तो न्यू रेशियो निकालना है, तो ये नहीं निकालना, बट निकाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो ना। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जो भी आप लोगों का सेक्रीफाइस होगा वो इनके गेन के बराबर होगा, गेन मतलब इनके न्यू रेशियो के बराबर। पता है मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू न्यू शेयर ऑफ सी क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि आगे हो सकता है कि जब रेशियो चेंज होता है तो कुछ लोग सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ लोग गेन करेंगे, कुछ और भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल टू फिलहाल यहाँ पे न्यू शेयर ऑफ सी, इस क्वेश्चन में मस्ट बी इक्वल टू न्यू शेयर ऑफ सी, है ना। न्यू शेयर ऑफ सी कहने का मतलब जी, मैं कहना चाहता हूं गेनिंग ऑफ अदर पार्टनर्स,
है ना, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उनका टोटल करना और जितने पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनको टोटल करना, वो बराबर होगा। जितना आप छोड़ोगे उतने ही तो मुझे मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो ये चेक करने का आपका तरीका हो सकता है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, मैंने क्या बोला कि जो न्यू पार्टनर है उसको जो शेयर देना है वो अगर ना बताया कि इन्होंने किस रेशियो में दिया है मेरे बच्चे, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस तरीके से उसका कंप्यूटेशन करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, और आपने कर लिया है मेरे साथ तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना कि आप मेरे साथ ही ये काम करेंगे, मेरे साथ ही, यानी कि जो आपको नोट डाउन करना है वो मेरे साथ ही करना है, मेरे साथ ही करना है। लीजिए मैं इसको मिटाता हूं और आपको अगले क्वेश्चन पे लेकर आता हूं। आओ ना बुकलेट का जरा इसका देखो, रिवीजन लेक्चर्स का क्वेश्चन नंबर टू क्या बता रहा है आपको, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू। कहता है क्वेश्चन नंबर टू में, एक्स वाई आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर वन फोर्थ शेयर इन वन फोर्थ शेयर, ठीक है, इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। बच्चे यहां पे क्या हुआ जी, वही चीज आपका मैं सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर टू का। ये लीजिए पार्टनर्स का नाम यहां पे लिखेंगे आप, ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो आपके पास है, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास है। पार्टनर्स का नाम जरा बताओ ना क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, इट्स एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स है। ओल्ड रेशियो क्या बता रहा है, दे आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल का मतलब हो गया टू पार्टनर्स और इक्वल है तो 1:2, 1:2, 3 पार्टनर्स होते तो 1:3, 1:3, 1:3, पहले तो ये था ही नहीं। न्यू में कहता है कि सी को एडमिट किया 1:4 के लिए, ठीक है, सॉरी सी नहीं, इट्स जेड ना, जेड को एडमिट किया उन्होंने 1:4 के लिए, सी भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था, बट कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड, तो जेड एडमिट हुआ जी 1:4 के लिए, कर दिया हमने। कहता है कि इन फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। मेरे बच्चे इसका मतलब हुआ कि जरा देखो, जेड शेयर जो आपका है, जेड शेयर इन न्यू फर्म, न्यू फर्म में जेड का शेयर कितना है जी, इट्स 1:4, 1:4। तो जरा बताओ रिमेनिंग शेयर जो बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर, क्योंकि अगर आपने फिक्स कर दिया कि आपको 1:4 तो 1:4 मिलना ही मिलना है, रिमेनिंग शेयर जो आपका बच गया फॉर फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, वो कितना बच जाएगा, तो 1 is the total शेयर, इसमें 1:4 हमने आपको दे दिया तो बच गया हमारा 3:4। कहता कि इस 3:4 को ये और ये दोनों किस रेशियो में लेंगे, मेरे बच्चे इस पर बता रहा है, वो कह रहा है कि हम इसको 2:1 के रेशियो में लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था तो जो रेशियो आपका एग्जिस्टिंग था उसी रेशियो में दे दिया। अगर वो कहता है कि नहीं जी आपको इक्वल देना है, यानी कि 1:1 में देना है आपको, माफ कीजिए क्या था, 2:1 में, तो ये जो 3:4 बच गया, 3:4, 3:4, इसका 2:1 का मतलब क्या हो गया, 2:3 and 1:3, तो जितना बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे, 2:3 इसका मैं ले लूंगा और 1:3 आप इसका ले लेना, तो अमाउंट कितना हो गया, 6:12। यहाँ पे कितना आ गया, 3:12। और बच्चे आपका ये देखो डेनोमिनेटर सेम है, इसको भी सेम में लाना होगा, तो 3:3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3:12 का अमाउंट निकल गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो कोई मुझे बताएगा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि जरा बताओ न्यू रेशियो आपका क्या है, तो क्या बताएंगे, 6:3:3, यानी कि आपका 6:3:3 का रेशियो है ना। एक बार चेक कर लेना, 6+3+3 मिलके मस्ट बी इक्वल टू डेनोमिनेटर जो हो रहा है, या फिर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 6:3:3 का मतलब अगर 3 से सबको काट दूं तो 2:1:1 का रेशियो, मीनिंग सेम आपका है। और आप जानते हैं कि अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है मेरे बच्चे, तो ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 1:2 में से आप क्या माइनस करेंगे, 6:12। यहाँ पे आप 1:2 में से क्या माइनस करेंगे, 3:12 है ना, ओल्ड माइनस न्यू, जितना पहले लेता था जितना उसका डिफरेंस। तो ये तो आप जब करेंगे तो यहाँ पे 0:12 निकल के आ गया, और यहाँ पे आपका निकल के आ गया जी कितना, 3:12। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि इस बार एक्स जो है ना वो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, जितना पहले मिलता था वही उसको भी मिल रहा है, इवन दो रेशियो आपका चेंज हो गया, बिल्कुल आपका सेम पहले जितना आपका। हाँ, फर्क क्या निकल के आया कि इनका शेयर जो आपका है 1:2
जो था आपका, अब 3/2 यानी कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जितना आप सेक्रीफाइस करोगे नो डाउट कि जेड क्या कर रहा, उतना गेन कर रहा आपका, यानी कि हमारा सेक्रीफाइसिंग ठीक है ना, जितना सेक्रीफाइस उतना इनका गेन है, इतने तो ले रहे हैं। तो फिलहाल क्योंकि एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, न्यू पार्टनर, हम कह सकते हैं कि इसका सेक्रीफाइस इनके न्यू शेयर के बराबर है, मतलब ये 3/12 आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहने का मतलब है कि या तो एग्जाम में आ जाए इस क्वेश्चन के अंदर में कि सेक्रीफाइस ऑफ वाई विल बी इक्वल टू आपका न्यू शेयर ऑफ जेड, वो भी ठीक है, या आ जाए कि सेक्रीफाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू गेन ऑफ जेड, तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, जितना आपका शेयर है उतना गेन होगा। सर कुछ अलग होता तो आप चिंता नहीं करो, अगर अलग होगा तो क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में बताएगा, मैं दिखाऊंगा भी आपको, है ना, रिविजन लेक्चर, अभी बहुत सारी बातें करनी है। थोड़ा आगे दो बढ़ो मेरे साथ, थोड़ा आगे दो बढ़ो, जरा आ जाओ यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसको मिटाऊंगा और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराऊंगा। सर आप बहुत स्पीड चल लो, कैसी बात कह रहे हो मेरे बच्चे। आपके रेगुलर क्लास में इस चैप्टर में लगभग मैंने 25-30 घंटे आपके साथ बिताए हैं, अगर आपको याद होगा तो आई थिंक 17 या 18 क्लासेज हैं और 23-24 घंटे टोटल मैंने आपके साथ डिवोट किए हैं। हम तो उसका रिवीजन कर रहे हैं, या फिर कोई भी बच्चा कहीं भी स्टडी किया हो, आपके प्यारे प्यारे सर ने उतना टाइम डिवोट किया होगा इस चैप्टर पे, तो हमें रिवीजन करना, क्विक रिवीजन, ताकि फटाफट जो चीज हम पढ़ चुके हैं पूरे साल में वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो कोई दिक्कत थोड़ी होगा। आओ ना मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ेंगे मेरे साथ। ए बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। लो मैं पहले सारी बातें यहां लिख दूं क्या, मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से दिखाना। पार्टनर्स का नाम हो गया यहाँ पे, ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया, और मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर हमेशा पार्टनर सेक्रीफाइस ही करेंगे ना मेरे बच्चे, गेन भी हो सकता है। सेक्रीफाइसिंग निकालते समय किसी का निगेटिव आ गया तो गेन हो गया, क्या टेंशन है, देख लेंगे उसको भी। ए बी सी मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3, तो 5/8 और यहाँ पे 3/8 आपका, ठीक है। न्यू में आओ ना, कहता है कि सी को हमने एडमिट किया एंड 1/5 शेयर। लैंग्वेज पे पूरा तरीके से ध्यान देना, सी को एडमिट किया और सी का शेयर मेरे बच्चे उसने बता दिया 1/5, बता दिया उसने कि सी एडमिट हो रहा 1/5 के लिए। कहता है विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, समझो मेरी बात। अब आप बड़े बच्चे हैं, सी जितने शेयर के लिए आ रहा है इसका ये अमाउंट वो ए और बी से इक्वली ले रहा है, इक्वली ले रहा है। तो यहां पर जरा मुझे बताओ, इक्वली अगर ये ले रहा है यानी कि इक्वली ये दोनों दे रहे हैं, जितना मुझे मिलेगा उतना ही तो आप दोगे, तो मेरे बच्चे सी अगर इक्वली इनसे ले रहा है मतलब ए और बी उतना दे रहे हैं, और जितना आप देते हो ना वो आपका सेक्रीफाइस होता है ना कि न्यू होता है। न्यू का मतलब जो बच गया आपके पास, जो रह गया। तो मेरे बच्चे जो ये कह रहे ना कि सी को एडमिट किया 1/5 के लिए और ये इक्वली ए और बी से ले रहा है, तो ये सेक्रीफाइस है ए बी का। कहता है कि जितना सी को मिलेगा यानी कि 1/5, इसका हाफ ए देगा और इस 1/5 का हाफ कौन देगा जी, बी देगा। तो मेरे बच्चे इन्होंने कितना दिया 1/10, इन्होंने कितना दिया 1/10, और वही इनको मिला है। अगर आपको चेक करना है कहीं हमने गलत तो नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में चेक करेंगे आप, तो आप इस बात को याद रखना जितना आप दोनों सेक्रीफाइस करोगे ना ये टोटल मस्ट बी इक्वल टू सी का न्यू मतलब सी का गेन। कोई और पार्टनर तो यहां पे है नहीं, तो आप चेक कर लो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/5, तो कोई टेंशन थोड़ा ही है फिर, ठीक है जी यहां पे आपका, है ना। और अब हमें यहां पे ओल्ड पता है मेरे बच्चे, ये आपका यहां पे न्यू पता है, माफ कीजिए न्यू नहीं पता, सेक्रीफाइस पता है, तुम न्यू निकाल सकते हैं और हमें रटने की जरूरत नहीं है। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था तो मुझे इस सब बातों को रटवाया गया था, है ना, आपको थोड़ी रटना है। आप कहना न्यू कितना, बोलना कि भैया आप जितना पहले लिया करते थे, मतलब अगर मैं कह दूं इसको कॉलम 1, इसे कॉलम 2, कुछ भी कह सकते हो, और इसे कॉलम 3, तो जितना आप पहले लिया करते थे मतलब कॉलम 1, इसमें से हमने इतना दे दिया कॉलम 3 दे दिया, तो जितना दे दिया उसको हटा दो तो वही न्यू रह जाएगा। मतलब न्यू का मतलब क्या, ओल्ड मैन सेक्रीफाइसिंग। तो मेरे बच्चे 5/8 में से हम लोग क्या करेंगे, 1/10 को हटा देंगे,
उसी तरीके से आपके 3/8 में से हम लोग 1/10 को हटा देंगे। जरा मुझे बताओ कि अब कितना निकल के आया। तो यहाँ पे आपका अगर मैं करूँ तो 40 आ जाएगा एलसीएम, 8 5 जा 25 और फिर 25 में 4 गया, यानी कि 21:40। यहाँ पे भी आप 40 लेंगे, 8 5 जा 15 15 4 ये 11 आपका आ गया। और मेरे बच्चे, न्यू रेशियो निकालने के लिए वी मस्ट हैव डेनोमिनेटर सेम एज इक्वल टू सम टोटल ऑफ न्यूमिनेटर। तो उस केस में पहले पहले तो रेशियो ना, इतना जोश में क्यों आ रहे हो आप, आओ ना न्यू रेशियो निकालते हैं। देखो इनका 40, इनका 40, तो इनको भी 40 में हमें कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्जन के लिए जितना नीचे उतना ऊपर, 8/40। तो रेशियो बन गया 21:11:8। और चेक करो कि क्या ये तीनों मिला के 40 हो रहे हैं। ये सर 40 हो रहे हैं, तो काम ठीक है, ये हो गया। और क्या आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो चेक कर लो इसके बराबर आपका अमाउंट, इसके बराबर आना चाहिए आपका जो आ रहा है यहाँ पे। सर कैसे जा चेक कर लो, आओ ना आप बदमाश हो, मैं कह रहा हूँ रिविजन क्लास है फिर भी चेक करा रहे हो। नीचे में 10 आ गया और 1/2 हो गया आपका 2/10, तो 2/10 2 1 जा 2 2 5 जा, यानी कि 1/5 हो गया इसके बराबर। सर इसके बराबर कहाँ है, अरे बदमाश, अगर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं इतना लाने के लिए, ऊपर नीचे दोनों करना होगा, तो 8/40 ये निकल के आ गया। कैसी बात कहते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। मैं फोर्थ पे आता हूं, ध्यान रखना, थर्ड में मैंने दो लैंग्वेज आपको दिया हुआ है, एग्जाम में कोई भी लैंग्वेज बोलेगा मीनिंग सेम है, पढ़ना। थर्ड में कहता है कि सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर व्हिच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। या तो इतना बोल देगा या वो बता देगा कि नहीं जी, उसने 1/10 फ्रॉम ए लिया है एंड 1/10 फ्रॉम बी लिया है। मतलब या तो वैसे बोलेगा या यही बता देगा कि हमने आपसे कितना कितना लिया है, तो भी ठीक है ना, जैसे बोल दे। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, फोर्थ पे जरा आओ, मुझे मुझे इसको मिटाना नहीं, आप लिख लेना और मैं याद रखना। अगर आप सचमुच में प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं एंड रिविजन कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप लिखेंगे, साथ साथ में आगे पीछे नहीं करेंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन पे आप आइए, ये रहा हमारा पार्टनर्स का नाम, ये रहा हमारा ओल्ड रेशियो, ये रहा हमारा न्यू रेशियो, और मेरे बच्चे यहाँ पे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई बताएगा कि पार्टनर्स के नाम कौन कौन से हैं। ये सर फोर्थ क्वेश्चन में पार्टनर के जो नाम है ए बी एंड सी, तो ये लिखा हमने ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी। मुझे बताइए ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो 3/5 आप लिया करते हैं, 2/5 आइफ आप लेते हैं सी के बारे में। सुनते हैं क्या बता रहे हैं मेरे बच्चे। कहता है ध्यान सुनना, ए सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। बोलता न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग निकालो। मुझे इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि क्या कहीं पे सी एडमिट कितने के लिए हुआ, कहीं बता रहा आपको। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि सी को हमने 1/5 के लिए एडमिट किया, उसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी सी का शेयर मैंने बताता था मेरे बच्चे। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे आपको बता रहा है क्या कि सी कितने के लिए एडमिट हुआ है। पढ़ो एक बार जरा फोर्थ क्वेश्चन दोबारा। ए बी पार्टनर्स रेशियो 3:2, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, लेकिन कहीं पर यह नहीं बता रहा कि सी का शेयर टोटल कितना है। निकाल लेंगे, अरे जितना ए देगा जितना बी देगा वही तो सी को मिलेगा, वही तो सी का शेयर होगा, बोलो ना। हाँ, तो यहां पे ए और बी देंगे और सी को मिलेगा। जरा देखते हैं कितना ए देता है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, समझना, नॉट फ्रॉम हिज शेयर। वो कहता ऑफिशियर, ऑफिशियर का मतलब होता है जितना उसका शेयर है उसका 1/5 वो दे रहा है मेरे बच्चे। यानी कि मैथमेटिक्स से 5वीं 6वीं क्लास का, आपका जितना शेयर है ना 3/5, इसका 1/5 दे रहे हो, इसका 1/5, यानी कि ये जितना शेयर है उसका 1/5 आप दे रहे हैं। और बी जो दे रहा है 2/5 ऑफिशियर, बी जितना उसका शेयर है 2/5 उसका वो आपका दे रहा है जी, कितना कितना था 2/5 आपका वो 2/5 दे रहा है, इतना है ना। यहां देखो, यहां था, यहां देखो उस ब्रैकेट में कि फ्रॉम शेयर ए इसमें से इतना फ्रॉम लिखा है, तो ए ये देगा बी इतना देगा, बट यहां कहता ऑफिशियर, ऑफिशियर में मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट को निकालते हैं। रटना कुछ भी नहीं, मैं पहले बता दूं सारी बातें लॉजिकली आपने क्लास में समझी हुई है ना बच्चे। तो यहां पे 3/ कितना हो गया 25,
और आपका कितना हो गया जी यहाँ पे 4/25। तो आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसमें कोई डाउट ना हो कि जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ही मुझे मिलेगा। यानी कि मेरा जो शेयर होगा बच्चे वो कितना होगा, 3/25 जितना ए ने दिया, 4/25 जितना बी ने दिया, तो ये कितना हो गया 7/25 आपका, ये हमारा शेयर हो गया मेरे बच्चे, इतना मेरा हो गया, है ना, इतना ही मेरा हुआ, यही मैंने गेन किया है, है ना। और अगर ए का न्यू रेशियो निकालूं तो जितना मैं लेता था, जितना मैंने लिया था पहले 3/5, इसमें से इतना मैंने दे दिया, तो जो पहले से था इसमें से जो दे दिया उसको हटा दो, फिर जो बचेगा वही तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे अमाउंट। तो 25 यहाँ पे हो गया, 5 जा 15 में से 3 गया 12 आपका, ठीक है ना। जो बच्चे मेरे से रेगुलर क्लास में नहीं जुड़े हुए मेरे बच्चे, इसके रेगुलर टॉपिक पे हर एक टॉपिक पे एक या दो मेरा फुल वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, आपके लिए रखा है मैंने, आपके लिए, आप उसको पढ़ लें उसके बाद रिविजन करें, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो खासकर ये सीरीज जो है वो दो बच्चों को मैंने टारगेट किया हुआ है, एक वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको सारी बातें यहाँ पे समझ में आ जाए, उनको दिक्कत ना हो, और दूसरा जो मेरे क्लास के रेगुलर बच्चे हैं उनका भी प्रॉपर रिविजन हो जाए। इसके बाद तीसरा चौथे बच्चे जितने सभी अच्छे बच्चे हैं, कोई भी इसको देख सकता है। तो 12/25 निकल के आ गया आपका कितना जी, 2/5 पहले से आपका शेयर था, इसमें से आपने 4/25 सेक्रीफाइस कर दिया, तो आपका कितना बच गया 25, 5 जा 5 2 जा 10, 10 में से 4 गया 6/25। और मुझे अगर चेक करना है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, तो एक बार न्यू रेशियो चेक कीजिए आपका क्या निकल के आ रहा है, 12:6:7, ये तीनों का सम टोटल मस्ट बी इक्वल टू 25, जो हमारा सही निकल के आ रहा है ना, 12+6=18 प्लस आपका 7:25 हो जाएगा। और अगर आपको ये चेक करना है कहीं सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो मेरा गलत नहीं है, तो इन दोनों का जो सम होगा मेरे बच्चे, दैट शुड बी इक्वल टू सी का शेयर या सी का गेन आपका, तो जितना शेयर उतने ही तो गेन कर रहे हो, देखो वो सेम निकल के आ जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं सर। तो अगर कहता है फ्रॉम इज शेयर, इसका मतलब कि शेयर ऑलरेडी वो दिया हुआ है, कहता है ऑफ इज शेयर, तो हमें उसको निकालना होगा मल्टीप्लाई करके, क्लियर ना। मैं इसके बाद और आगे बढ़ता हूं, ये पांचवा क्वेश्चन था, मैं सिक्स क्वेश्चन पे, फोर्थ था ना ये सिर्फ फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन पे आता हूं, जितने केसेस बन सकते हैं ना मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है कि कवर कर लें इसके अंदर में, तो अवश्य करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या बताता है। और हाँ मेरे बच्चे, मेरे साथ साथ करना है, मेरे साथ साथ, ना आगे ना पीछे, और जो लेक्चर्स आपने ऑलरेडी मेरे क्लास में पढ़ा हुआ है उनका एक बार रिविजन आपको प्रॉपर तरीके से कर लेना, इस लेक्चर को देखने के बाद सब कुछ 100 मार्क्स की तैयारी हमारी हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं क्या बता रहा है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, पढ़ेंगे आप। कहता है फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर में, एक मिनट जी ना बदमाश, फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है एवी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3, सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर, सी का शेयर दिया हुआ है, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाई ए, इसका जितना सी का शेयर है उसका हाफ किसने दे दिया, ए ने, तो ठीक है, और रिमेनिंग शेयर जो है बच्चे वो सी ने लिया है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है ना, लैंग्वेज है बस आपको समझना है, बोलता है न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें बता दो। तो फिफ्थ क्वेश्चन में मैं वही काम करूंगा, पहले हमने क्या लिखा पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और फिर आपका यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना, यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आओ ना मैं यहाँ पे बताऊं, तीन पार्टनर्स हैं, आई थिंक चार पार्टनर्स थे, ए बी सी एंड डी, तीन पार्टनर्स तो पहले से थे फिफ्थ क्वेश्चन में, ना ना ठीक है, ए भी दो ही पार्टनर्स है, ए भी दो पार्टनर्स यहाँ पे हैं और सी को एडमिट किया जा रहा है आपका। कहता है कि ए बी का जो रेशियो है इट वाज 5:3, यानी कि 5/8 और यहाँ पे 3/8, ठीक है ना, ये ए बी का पहले से शेयर है। फिर कहता है क्वेश्चन में सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, मेरे बच्चे सी का उसने शेयर बता दिया 1/5। कहता है कि ये 1/5 सी को जो नया शेयर होगा वो कौन देगा कहां से, तो कहता है कि सी इज एडमिटेड एज ए, सॉरी माफ कीजिए 3/10 है, क्या लिख दिया मैंने, सी को एडमिट किया हमने 3/10 के लिए, सी को एडमिट किया 3/10 के लिए। कहता है आगे बढ़ना कि हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाई ए, इसका हाफ पहले ए ने दे दिया, तो जरा बताओ कि
शेयर गिफ्टेड बाय, कहने का मतलब गिफ्टेड मतलब दिया ए ने, गिफ्टेड बाय बाय ए कितना निकल गया, गिफ्टेड का मतलब यहां पे क्या जी, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस्ड, जिस शेयर को ए ने सेक्रीफाइस किया वो कहता है कि जो भी आपको मिलेगा, सी को जितना भी मिलेगा उसका हाफ पहले उसने दे दिया, है ना। तो हाफ कितना हो गया, 3/20, है ना, 3/20 आपका। जरा बताओ, अगर ए ने पहले 3/20 दे दिया तो रिमेनिंग शेयर जो और भी हमें देना है, रिमेनिंग शेयर, शेयर ऑफ सी कितना निकल के आ रहा है, फिर मुझे सी को टोटल 3/10 चाहिए। इस 3/10 में से ए ने कितना दे दिया जी पहले, 3/20, तो कितना बच गया, ये बच गया आपका अभी और 3/20, है ना। आप जब चेक करेंगे तो 10/20 का एलसीएम 20 हो गया, 10 2 जा 2 3 जा 6 -3 3, तो 3/20। ये कह रहा कि एक तो 3/10 जो है, 3/20 वो ए ने पहले दे दिया हाफ, बाकी जो बच गया यानी कि ये फिर से कहता है कि ये फिर से गिवन बाय, कहता है कि ये जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर ऑफ सी दैट इज कितना जी, 3/20, ये अगेन गिवन बाय ए एंड बी किस रेशियो में, ए एंड बी ने कितना कितना दिया, कहता है कि आपका ये ए एंड बी ने दिया है, कहां चला गया, इक्वली, तो गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, तो मुझे बताइए जरा अगर ऐसा हुआ तो ए ने कितना दिया, ए का मतलब ए का एज सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस, ए का दो सेक्रीफाइस है, एक तो ये वाला और एक और भी, वो कितना जी, इसका हाफ, तो 3/20 का हाफ, इक्वली का मतलब क्या, इसका आधा आधा, यानी कि 3/40, और बी का जो सेक्रीफाइस है मेरे बच्चे, बी का सेक्रीफाइस वो भी कितना निकल के आ जाएगा, बी का सेक्रीफाइस 3/20 का 1/2, यानी कि हो गया 3/40 आपका। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, तो समझो ना मेरी बात यहां पे, यानी कि अगर कोई कहे कि जरा बताओ टोटल सेक्रीफाइस ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का टोटल सेक्रीफाइस, तो आप कहना एक तो 3/20 ये, एक तो ये दे रहा हूं और प्लस इसके साथ साथ फिर से ए ने कितना और दिया, 3/40, तो 3/40 और दे रहा हूं, तो मेरे बच्चे टोटल कितना हो गया आपका, 9/40, है ना, ये 9/40 आपका टोटल सेक्रीफाइस आ गया ए का। याद रखना ये सारी बातें ऑलरेडी क्लास में बहुत स्लोली, बहुत प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट समझाते हुए मैंने सारी बातें आपको बताई है, ऑफ का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, सेक्रीफाइस क्यों करते है, सारी बातें हमने समझा हुआ है, इट्स ए रिविजन लेक्चर, बार बार कह रहा हूं तो आपको सारी बातें समझनी है। तो ये देखो ए का टोटल सेक्रीफाइस 9/40 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 9/40, और बी का जो सेक्रीफाइस है वो कितना निकल गया, बी का सेक्रीफाइस 3/40, तो ये हमारा हो गया 3/40। और इस बात को चेक करने के लिए हमने कोई गलत काम तो नहीं किया, तो जितना आप दोनों सेक्रीफाइस करोगे वो इसके शेयर के बराबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का टोटल ऐड करना तो कितना हो जाएगा जी, 12/40, 12/40 मस्ट बी इक्वल टू 3/10 हो रहा है, यस सर, 4 3 जा एंड 4 10 जा, ठीक है, मतलब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और इसके बाद अब मैं न्यू रेशियो क्यों निकालूं, आप खुद निकालेंगे, न्यू का मतलब कि जितना मुझे पहले मिलता था इसमें से जो मैंने सेक्रीफाइस कर दिया 9/40, यहाँ पे 3/8 -3/40, और जो आंसर आएगा आप निकाल लेना, इस तीनों का जो न्यूमरेटर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी कि 40 आपका, काम खत्म हो गया। बोलो ना, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर बहुत फास्ट चल रहे हो, नहीं सर नहीं ऐसा लग रहा, आगे बढ़ो आप। एक क्वेश्चन और भी आपके पास है, 6 क्वेश्चन जो मैं ट्राई नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लेना। 6 में कहता है कि एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 6:3:1, दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, और कहता है कि आपका यहाँ पे जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो अब आपका 3:3:1, फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पे ओल्ड बता दिया है, न्यू बता दिया है, तो ओल्ड में न्यू को माइनस करके हम सेक्रीफाइसिंग निकाल लेंगे। एग्जाम में तैयार रहना कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से आने के लिए। एक मास्टरपीस क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना आपकी क्लास में भूल गया, मैं उसको यहीं पर लिख के बता देता हूँ ताकि दोनों फ्रॉम एंड ऑफ का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आए। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ।
ये लीजिए, मैं तीन चार जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनके भी कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। लिखो ना मेरे साथ, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे मास्टरपीस क्वेश्चन लिखेंगे, कि यहाँ पे मास्टरपीस क्वेश्चन। Hello, I am Mansi. I am pursuing CA Foundation. Hello, friends. My name is Umair Raza. I am a CA final student. Myself, Damini Singh, and I am currently pursuing CA Inter with COC. मैंने class 11th में local tuition classes लिए थे and मेरे concept बहुत poor थे। मैंने एक दिन YouTube पे संतोष सर का video देखा था, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैंने decide किया कि मुझे classes उन्हीं से purchase करना है। Then I purchased classes from COC Education and scored very good marks. And वो काफी अच्छी तरीके से पूरे syllabus को cover करते हैं। For me, COC Education is the one step solution to clear all my doubts and my concepts. Oh, thanks to COC के और मैं अभी target कर रहा हूँ Kerala. Thank you so much, Santosh sir. Thank you. Thanks to COC. Masterpiece question. सर इसका मतलब लिखो तो पहले, आप लिखेंगे आप यहां पे, कहता है कि ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स, ए बी सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट, एंड लॉसेज, इन द रेशियो, ऑफ 3:2:1। ये कहता है कि एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट रेशियो आपका ये दिया हुआ है। कहता है कि डी इज एडमिटेड, एज न्यू पार्टनर, कितने के लिए एडमिट हुआ नहीं बता रहा हूं। वो कह रहा है कि ए गिव्स, वन थर्ड ऑफ हिज शेयर, एंड बी गिव्स, वन बाई सिक्स फ्रॉम हिज शेयर, या फिर मैं आप कहो तो इसको 1/12 कर देता हूं, 1/12 फ्रॉम हिज शेयर, किसको जी, इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में, माफ कीजिए वो बदमाश नया कौन है, डी ना, इन फेवर ऑफ डी। तो ए गिव्स वन थर्ड ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 1/12 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। कहता है कि सी वुड रिटेन, हिज ओरिजिनल शेयर। आप समझ रहे होगे, खासकर वो बच्चे जो मेरे रेगुलर बैच के बच्चे हैं, वो स्माइल पास कर रहे होंगे कि मैं समझ गया सर, आपने क्लास में ये दो तीन क्वेश्चन में कराया था, तो दो तीन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपने क्लब करके आप रिवीजन हमें करा रहे हो, कराओ ना सर, कराओ ना। ये देखिए पार्टनर्स, ये रहा हमारा पार्टनर्स, ये रहा आपका ओल्ड रेशियो, ये रहा आपका न्यू रेशियो, और मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सुनो जरा, पार्टनर्स के नाम यहाँ पे ए बी सी एंड डी है, चार पार्टनर्स यहाँ पे। देखो ओल्ड रेशियो पहले से आपको कहता है कि 3/6 है, 2/6 है, 1/6 है, ये डी पहले था ही नहीं। जरा क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि डी एडमिट कितने के लिए हुआ है, कहीं कुछ बता रहा है क्या? वो कहता है कि डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, बट कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ वो नहीं बता रहा। तो मेरे बच्चे हमें निकालना है, और हम जानते हैं कि डी कितना लेगा जी, जितना बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। क्वेश्चन ने फिर कहा कि ए गिव्स वन थर्ड ऑफ हिज शेयर, ये देखो आपका ऑफ हिज शेयर, बहुत ध्यान से, ए अपने शेयर का वन थर्ड देगा, मतलब फ्रॉम नहीं है, ऑफ है। जब ऑफ कहेगा तो ए का जितना भी शेयर है, मतलब 3/6, इस 3/6 का कितना देगा, वन थर्ड, इट्स ए सेक्रीफाइस मेड बाय ए, है ना, वो देगा। तो जितना हम देते वही तो सेक्रीफाइस होता है मेरे बच्चे, यानी कि कितना आ गया जी, 1/6 निकल के आ गया, 1/6 आपका। बी कहता है कि विल गिव 1/12, एक काम करे क्या, मतलब ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, इसको भी 1/6 कर दो, है ना। कहता है कि बी गिव्स 1/6 फ्रॉम हिज शेयर, बहुत ध्यान से, अगर वो कहता कि फ्रॉम हिज शेयर, मतलब वो इतना देगा मेरे बच्चे, वो इतना देगा, यानी कि बी कितना देगा, 1/6 देगा।
इसका था ऑफ ही शेयर, तो हमने क्या किया उसके शेयर से आपका ये 1/3 को मल्टीप्लाई करके हमने निकाला कितना सेक्रीफाइस होगा। लेकिन जब कहता है बी 1/6 फ्रॉम ही शेयर, तो ये सेक्रीफाइस ही बता रहा है, फ्रॉम का मतलब वो लिख दिया। और सी कितना देगा जी, कहता है कि सी जो बदमाश है वो कहता है कि हम कुछ भी नहीं देंगे, अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेंगे। ओरिजिनल शेयर को रिटर्न करने का मतलब कि जितना मैं पहले लिया करता था उतना ही आज भी लूंगा, मैं नहीं कोई सेक्रीफाइस करने वाला, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो मेरे बच्चे सिर्फ ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जितना ए बी सेक्रीफाइस करेंगे वही तो यहाँ पे डी को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सेक्रीफाइस ही मैं गेन करता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, 1/6 आपने दिया एंड 1/6 आपने दिया, तो जरा बताओ टोटल कितना हो गया, ये हो गया 2/6 आपका, इट्स 2/6, तो खत्म हो गई बात। इनका शेयर 1/6 हो गया, इनका शेयर 2/6 हो गया, आपका कितना जी हमें ओल्ड पता है 3/6, इसमें से जितना आपने सेक्रीफाइस कर दिया हटा दो तो रह कितना गया 2/6, है ना बच्चे। आपका पहले से 2/6 था, आपने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/6, तो कितना बच गया 1/6 आपका निकल गया मेरे बच्चे न्यू रेशियो। अगर कोई पूछते कि जरा बताओ न्यू रेशियो आपका क्या है, तो आप उनको बहुत प्यार से समझाना 2-1-1-2, और उनको कह देना कि आप चाहो तो चेक कर सकते हो, हमारे सर ने बताया कि हम चेक कैसे करते हैं, इन चारों को जब मैं ऐड करूंगा दैट मस्ट बी इक्वल टू आपका 6, 2+1 3+1 4+2 6 के बराबर है, एंड बहुत कुछ बातें। तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लैंग्वेज को पढ़ना होगा, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना होगा और आंसर को आपको निकालना होगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे धीरे धीरे आपको बहुत आगे लेके चलना है, इस चैप्टर का पूरा रिविजन कराना मेरे बच्चे। हम सेकेंड टॉपिक पर एंट्री करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और याद रखना सारे बच्चे, पूरे दुनिया के बच्चे, जो चीज बताऊंगा अब उसी को इसमें फॉलो करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, है ना। मेरे जो रेगुलर बच्चे हैं उसमें एक जो मैंने क्लास में आपको समझाया था बच्चे, पहले कुछ अलग एक एजम्पशन चलता था, उस एजम्पशन को अब चेंज कर दिया है हमारे बोर्ड ने, तो हम उस अपने इंस्टीट्यूट के मुताबिक अब जो चीजें हैं उनको एक बार दोबारा देखेंगे। और हमारे रेगुलर क्लास में कुछ भी अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको भूल के इसी को फॉलो करना होगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको कराऊंगा। एक स्लाइड सा चेंज है 1% का, आओ ना। पहले मैं आपको बता दूं यहां पे हेडिंग आपका है अगला आज का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। शुरू करते हैं हम लोग, लिखिए मेरे साथ, आज का टॉपिक आपका अगला है मेरे बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। आइए जरा देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। बच्चे जितने केसेज इसके बन सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको उसका रिवीजन कराऊं। और मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसमें एक स्लाइड सा चेंज है, तो आपको जो मेरे खासकर रेगुलर बच्चे हैं या कहीं से भी आपने पढ़ा हुआ या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बहुत ध्यान से आप यहाँ पे सुनेंगे। और जो मेरे क्लास के रेगुलर बच्चे हैं उनको क्या करना है, एक छोटा सा स्लाइड सा चेंज है वो भी आप यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ, है ना, उसको समझेंगे और यहाँ की बातें ही आपको फॉलो करनी है। इसे मैंने क्लास में डिस्कशन किया हुआ है बट एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे चेंज के साथ भी बता दूं मैं आपको। पहले मैं थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करा दूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा हुआ है। जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिविजन लेक्चर में देखा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे उसी पे लेकर आऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। मान लो दो पार्टनर्स पहले से ए एंड बी, समझेंगे इस बात का 2 मिनट में कॉन्सेप्ट आपका। इनका रेशियो आपका 3:2 का है, इनका रेशियो 3:2 का है। यहां पे मेरे बच्चे सी को हम एडमिट करते हैं 1/4 के लिए कि भैया आप आओ फ्यूचर में क्या करना, 1/4 आप शेयर लेना। तो अब इसके बाद जब नया रेशियो निकालेंगे दैट विल बिकम 9:6:5, कैसे निकलता आप निकाल के देख लेना, हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। तो ये नया रेशियो जो होगा ना वो ये आपका हो जाएगा। आज के पहले जो भी हम लोगों ने मेहनत किया उसको हमने 3:2 में डिवाइड किया, इसके बाद जो मेहनत होगा हम 9:6:5 में डिवाइड करेंगे। मतलब जो प्रॉफिट इसके पहले हुआ है हम लोगों ने आपस में इस रेशियो में डिवाइड किया, इसके बाद हम लोग जो मेहनत करेंगे उससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट हम तीनों की हिस्सेदारी होगी, हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने
पास्ट में एफर्ट डाला, पास्ट में जो मेहनत किया और उससे जो हम लोगों ने कस्टमर्स बनाए वो फ्यूचर में, यानी कि आज के बाद भी तो आएंगे वो कस्टमर, और उस फ्यूचर में आपको उनसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट कौन लेगा? ए बी एंड सी तीनों लेंगे। किस रेशियो में? 9:6:5। मेरे बच्चे उस केस में सी को एक अननेसेसरी फायदा हो जाएगा। जिसपे हम लोगों ने सिर्फ मेहनत किया है, उन कस्टमर का फायदा जो फ्यूचर में आएगा उसमें सी मिलेगा, वो ठीक नहीं है। आज के बाद जो कस्टमर बनेंगे, जो मेहनत होगा उसमें तो लोग समझ में आ रहा है, लेकिन पहले का क्यों? इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुडविल को वैल्यू करते हैं, फर्म की गुडविल, कि फर्म की गुडविल कितनी है। मतलब हमने कहा कि भैया आप लोगों ने जो पास्ट में मेहनत किया और जो फ्यूचर में बेनिफिट के रूप में आएगा, हम उसकी वैल्यू को पता करते हैं। गुडविल का मतलब मैंने यही बताया कि पास्ट में जो एफर्ट डाला उसे फ्यूचर में कितना बेनिफिट आएगा। मान लो मेरे बच्चे गुडविल की वैल्यू यहां पे 1,20,000 निकाली गई, 120। तो ये 120 जो आपका गुडविल निकला, ये 120 पे मेहनत किसने किया है? सिर्फ ए बी ने। और इस ये प्रॉफिट के रूप में जब फ्यूचर में आपके पास आएगा तो ये कौन कौन लेगा? ए बी सी तीनों लेंगे। किस रेशियो में? 9:6:5। हमें इस झगड़े को खत्म करना है। कैसे खत्म करते हैं, जरा सुन लो कॉन्सेप्ट, फिर फटाफट रिवीजन पे आता हूं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप एक काम करना, इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए तीनों का नाम लिखना, जितने पार्टनर्स लिख रहे हैं, और पहले बोलना कि ये जो 1,20,000 का अमाउंट है, इस 120 पे किसने किसने एफर्ट डाला था? तो ए बी ने। किस रेशियो में? 3:2 में। यानी कि जिस रेशियो में आप लोगों का एफर्ट था, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम इसे क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब सिर्फ फिलहाल अभी इतना समझना कि ये आप लोगों का क्या है जी, जितना आपकी हिस्सेदारी इसमें थी, आपका मेहनत, आपको कितना मिलना चाहिए था, हम वो करेंगे। तो मेरे बच्चे 120 को 3:2 में करते हैं तो 72,048 का अमाउंट निकल के आ जाएगा, है ना, ये आपका निकल के आ। लेकिन सी के आने के बाद अब जो फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा तो तीनों इस रेशियो में विड्रॉ करेंगे। यानी कि फ्यूचर में क्या होगा, जितने भी न्यू पार्टनर्स मतलब ए बी सी एंड तीनों, ये न्यू रेशियो में आपस में क्या करेंगे जी, विड्रॉ करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। डेबिट का मतलब क्या, फ्यूचर में कितना घर लेके जाओगे, फिलहाल ये मतलब समझना। तो मेरे बच्चे अगर हम 1,20,000 को इस रेशियो में डिवाइड करें तो कितना आ गया, 120 डिवाइड बाई 20 × 9, ये आ गया 54,000। यहां कितना, तो डिवाइड बाई 9 × 6, ये आ गया 36,000। और यहां कितना, तो 30,000। अभी इसके आगे ना पता नहीं कैमरा कैसे बंद हो गया था, रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो मुझे दोबारा करना पड़ रहा है। आप क्या बताओ, एक ही में 5-5 बार करता हूं मैं, बट एनीवे कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो अब यहां पे आपको समझना होगा, एक्चुअली मैंने बोर्ड मिटा दिया था, बहुत आगे रिकॉर्डिंग चली गई थी, बट फिर मैं बैक कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा फर्क दिखेगा, बट कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए कि आप मुझे बताओ कि जो मेहनत ए ने किया था इस 120 में से, आप मुझे बताइए कि अगर सी एडमिट ना होता तो ए को कितना मिलता? ए को मिलता 72। मेरे बच्चे इस मेहनत में आउट ऑफ 120 की जो गुडविल वैल्यू है, इसमें ए का जो शेयर है ना, हिस्सेदारी, वो 72,000 है। आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि इन एनी सर्कमस्टांसेस ए को 72 से कम ना मिले। बट हमें क्या दिख रहा है, सी के आने के बाद अब यहां पे ए को फ्यूचर में जब ये डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट के रूप में तो सिर्फ 54,000 मिलेगा बच्चे। तो सोचो ना, जहां पे हमारा शेयर 72,000 था, सिर्फ एक पार्टनर के एडमिट के होने से हमें यहां पे 54,000 सिर्फ मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि 72,000 माइनस 54,000, ये देखो बैठे बैठे 18,000 का यहां पे एक लॉस हो जाएगा फ्यूचर में। किसको जी? ए को। मेरे बच्चे ए को फ्यूचर में लॉस होगा 18 का। पता है क्यों? 72 उनका शेयर था, लेकिन अब जब न्यू रेशियो में ये प्रॉफिट के रूप में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना? सिर्फ 54 मिलेगा, 18,000 का लॉस होगा। यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि फ्यूचर में
एक लॉस होगा 18,000 का मिस्टर ए को, याद रखना, अगर इसको कुछ भी लॉस हुआ ना, कोई भी लॉस हुआ आपके रहते रहते, तो समझ लेना कि ये पार्टनरशिप चलने वाली नहीं है मेरे बच्चे। पार्टनरशिप में कदम कदम पे कांटे होते हैं, कब पार्टनर्स का दिमाग कहाँ चला जाए किसी को नहीं पता, और उस केस में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आपको इस बात, क्योंकि आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपको पता है इस बात को, आपको इस बात को इंश्योर करना होगा कि ए को इन एनी सर्कमस्टांसेस 72,000 जो एस्टिमेट था उतना उसको मिलना चाहिए। कैसे सर, वो देखेंगे आगे, हम बात करेंगे। बी पे आ जाओ, 48 इसका शेयर था, लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सिर्फ इसको 36 मिलेगा मेरे बच्चे। इनको भी फ्यूचर में 12,000 का एक लॉस होने वाला है, ये दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। और सी बदमाश बैठे बैठे गेन करने वाला है, एक रुपए का मेहनत नहीं। आप देखो सी का आपका क्या है, जीरो है, एक रुपए का मेहनत नहीं, लेकिन बैठे बैठे उसको 30,000 फ्यूचर में मिल जाएगा। ये वो अमाउंट है जिस पे हम लोगों ने मेहनत किया था, सिर्फ हमने, और आपके आने के बाद जब ये प्रॉफिट के रूप में कस्टमर कन्वर्ट होंगे तो सी को भी क्या होगा जी, इसमें 30,000 मिल जाएगा मेरे बच्चे। इसको बैठे बैठे यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, कोई मेहनत नहीं किया था, आज मैं आया, आगे प्रॉफिट मैं भी लूंगा तो 30 मुझे मिल जाएगा। आपके रहते अगर ऐसा हुआ तो मेरे बच्चे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। इस बात को इंश्योर करना होगा आपको कि किसी तरीके से दिक्कत ना हो, मतलब किसी पार्टनर को नजायज फायदा या नजायज घाटा नहीं होना चाहिए। सर कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो आपने, मैंने आपको क्या पढ़ाया, या फिर पूरे साल अभी तक क्या पढ़ा आपने, मेथड वन, मैं इसका क्या करूंगा, मुझे बताओ सी को कितना फायदा होने वाला है 30,000। मेथड छोड़ो ना, सिंपल सी बात है, सी को फ्यूचर में कितना फायदा होगा 30,000। अगर आप चाहते हो कि ये डिस्प्यूट फ्यूचर में ना हो तो आपको सी को बोलना होगा कि सी जो फ्यूचर में आपको बैठे बैठे 30,000 का फायदा होने वाला है, आप वो पैसा लेकर आओ। वो पैसा भी आपको घर से लाना होगा जिस दिन आप एडमिट हो गए। तो मेरे बच्चे अगर वो पैसा लाता है तो हम क्या करेंगे जी, बिजनेस में कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना 30,000 का अमाउंट आपका, 30,000 कैश हमारा डेबिट हो गया, 30,000 आपका। और ये पैसा कौन लेकर आया, सी ना, तो हम बोलेंगे क्या यहाँ पे, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 कैश आया और सी लेकर आया, तो हमने क्या किया, सी के अकाउंट को 30 से बढ़ा दिया। सर सर अभी मत सोचो, भूल जाओ दुनिया में किसी को, कोई भी जो जिसका आपके दिमाग में बात आ रही है सब भूल जाओ, बस सुनो मेरी बात, मैं आपकी सारी बातें समझ गया क्या बोलना चाहते हो। तो पहले आप कहना कि ठीक है जी, फर्म में 30,000 कैश आया तो कैश बढ़ाया, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी वो पैसा लेकर आया है। मेरे बच्चे इमीडिएटली ये जो सी पैसा लेकर आया है वो सी के अकाउंट में नहीं रहेगा। सी से ये पैसा हमने क्यों मंगाया है, इनको देने के लिए, जितना जितना इनको लॉस हो रहा है, जितना जितना ये सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगली एंट्री में फर्म क्या करेगी, सी के कैपिटल अकाउंट से, सी के कैपिटल अकाउंट से हम लोग 30,000 यानी कि जितना गुडविल का पैसा था वो आपने उनके अकाउंट को डेबिट कर दिया, और वो पैसा आपने एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, लीजिए टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 में ए को कितना देंगे जी, 18,000, जितना उसको फ्यूचर में लॉस होगा ना हम आज उसको कंपनसेट कर देंगे, और बी को कितना, 12,000, झगड़े खत्म हो गए मेरे बच्चे। अब कोई झगड़ा नहीं है, मैं आपको प्रूफ करता हूं कैसे, जरा मुझे बताओ, आज जिस दिन सी एडमिट हुआ उस दिन हमने ए को कितना दे दिया, 18,000, उसके अकाउंट में 18,000 ऐड कर दिए, और फ्यूचर में जब आपका ये गुडविल जब प्रॉफिट के रूप में आएगा तो उसमें से आपको रेशियो में इतना तो पैसा मिल ही जाएगा। तो 54 और 18 मिलके आपका 72, जितना आपने सोचा था कि हमें मिलेगा वो पक्का उतना आपका हो गया। सेम चीज बी के साथ, ये देखो 12,000 आज दे दिया, 36 आपको फ्यूचर में मिल ही जाएगा, तो टोटल आपका 48 हो गया। और सी से भी कोई अब ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा, सी पे कोई गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि सी जितना फ्यूचर में गेन करेगा उतना पैसा वो लेकर आ गया है। तो मेरे बच्चे झगड़े का कोई मतलब ही नहीं बनता, यही आपका एंट्री यहां पे किया जाता है। अब आप जब छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, आपके जैसे बच्चे होते हैं, तो इसी को ना एक दूसरे तरीके से आपने सिखाओ, मैं इसको ना दे देता हूं मेथड वन। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसी भी एंट्री करता है तो दुनिया के कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आधे नंबर भी काट ले। कॉन्सेप्ट है, लॉजिक से।
लेकिन आप प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे होते हो तो आपको एंट्री कैसे सिखाया जाता है, इसी को मैं दिखाता हूं। ऐसे मेथड टू देखो आप क्या करते हैं। पहली एंट्री में आप बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस में हमने कैश मंगाया ना, तो 30,000 कैश हमारे पास आया। और सी का नाम लिखने के बजाय आप बोलते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, सर गुडविल का पैसा यहाँ पे आपने ये क्यों लिख दिया? मैंने कहा ना, या तो सी लिखो या कह दो प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये पैसा सी ही लेकर आया, सबको पता है। तो मैं नरेशन में आपको बता दूं, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। वहां भी नरेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नरेशन पे नहीं जा रहा, पहला एंट्री। और दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, जब आपने सी लिखा था तो सी को डेबिट किया था, अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल आप इसको डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपका डेबिटेड। एंड टू आप क्या करेंगे जी, यहां पे किसको दिया जा रहा है, ए को, तो टू एज कैपिटल अकाउंट। एंड दूसरा टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, बीज कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 30,000। आप मुझे बताइए ए को कितना मिलेगा, 18,000, तो ए को आपका 18, और बी को कितना मिलेगा, 12,000, तो बी को कितना हो गया, 12,000, खत्म हो गई बात। आप ऐसे एंट्री करो चाहे ऐसे एंट्री करो, क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन जनरली हम लोग के बुक्स में क्या होता है कि ये तरीका फॉलो होता है, तो आप ऐसे कर लेना। सर अगर गुडविल का पैसा लेकर ना आए तो बात की बातें हैं, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो ना। मैं तो दो दिन क्वेश्चन में पूरे गुडविल का ट्रीटमेंट का आपका रिवीजन करा दूंगा, और जो अमेंडमेंट है वो भी देख लेंगे, पर फिलहाल कॉन्सेप्ट को तो समझिए आप। तो मैं कहता हूं कि ऐसे एंट्री करूं चाहे ऐसे, मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसी को प्रेफर करना जब तक कि मैं उसके बारे में ना बताऊं कि कहां फॉलो करना है। बट एनीवे मैं एक बात बताना चाहता हूं मेरे बच्चे, इस एंट्री को अगर हम समझे तो पता है क्या हो रहा है, सी इज गेनिंग पार्टनर। तो यहां पे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड, जो पार्टनर गेन करेगा हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और ए बी को लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जो हम लोगों ने आपका पढ़ा था ना चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में, सेम चीज यहां भी आ गया, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जितना गेन करोगे उतना से आपको डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उतने से हम उनको क्रेडिट करेंगे, तो क्या दिक्कत है। यहां पे अगर आपने मान लो सी का नाम नहीं लिखा तो भी जो प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा वो कितना, जितना वो गेन करेगा, जितना गेन करेगा मेरे बच्चे, और आप लोग को क्या हो, जो मिलेगा जितना आप सेक्रीफाइस करोगे, बोथ हैव गॉट द सेम मीनिंग, आप जैसे करना चाहे, बट ये प्रेफरेबल आपका होता है, बट मीनिंग मैंने समझा दिया। मैं चाहता नहीं कि आपको ज्यादा समय बर्बाद करूं, और मैं चाहता हूं कि जितने केसेस एग्जाम में बन सकते हैं, पैसा लाया तो क्या करेंगे, नहीं लाया तो क्या करेंगे, ये वो बहुत सारी बातें, उन सबको आपके सामने रखता हूं 7th क्वेश्चन के साथ। बट ये आपको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और मेरे बच्चे यहां पे क्योंकि हमें ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस टेबल को आपको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बिना टेबल के काम करना चाहते हो तो पता क्या करना होगा, हमें इनका पहले पता करना होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता कर लेना और उसको दे देना, और ये गेनिंग रेशियो इनका दिखाता हूं अभी क्वेश्चन के अंदर में, दिखाता हूं मैं आपको कैसे निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आप ये काम कर लेंगे, मैं इसको मिटाता हूं और मैं आपको मेन चीज पे लेकर आता हूं। चलो ना जरा आ जाओ मेरे साथ, आप बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 7 देखें। मैं तो आज क्वेश्चन करा ही नहीं रहा, मैं तो आपके अंदर में शक्तियां भर रहा हूं, शक्तियां इस चैप्टर का, देखता हूं कि कौन ऐसा होगा एग्जामिनर जो आपके आधे नंबर भी एग्जाम में काट ले, उसकी हिम्मत नहीं होगी। आप मेरे बच्चे समझ लो, ये शक्तियां इतनी सारी आपके अंदर आज भर रहा हूं, इवन आज घर से बाहर निकलना ना, आप इसको पढ़ने के बाद घर से बाहर निकलना, अगर सूरज भगवान होंगे, अगर सूर्य आपको दिख रहे होंगे ना आसमान में, उनकी जो आपके वो क्या बोलते जी चांदनी, मतलब क्या उनका जो प्रकाश है ना, वो भी आपके सामने धूमिल हो जाएगा, मतलब आपका प्रकाश चमकेगा, उनको सोचना पड़ जाएगा कि यार इस बच्चे के अंदर में इतनी सारी शक्तियां कहां से आ गई कि मुझसे ज्यादा चमक रहा है। वो शक्तियां आपके इस रिविजन की है मेरे बच्चे। आओ ना मैं 7th क्वेश्चन कराता हूं, सोल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का, सारी बातें समझेंगे एक एक करके। ये जो कॉन्सेप्ट बताया वो दिमाग में बैठा कर रखना। कहता कि ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1,
ऑन 1 अप्रैल 2021 डी वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर. मेरे बच्चे तीन पार्टनर से पहले से ए बी एंड सी, इनका रेशियो कहता है 3:2:1. कहता है कि आपने यहाँ पे डी को एडमिट किया एंड 1/7 शेयर के लिए, तो आगे जब न्यू रेशियो आप निकालोगे ना, न्यू रेशियो इनका नया रेशियो आ जाएगा 3:2:1:1. सॉरी, कैसे निकाल दिया आपने, हमने पढ़ा हुआ है आपके रेगुलर क्लास में ट्रिक्स कैसे होता है क्या होता है, फिर भी शॉर्ट में आपको बता दूं. क्या बताना, आप जानते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो जब आप यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एबीसी का 3:2:1 ही आ जाएगा. सर ऐसा क्यों, ये भी हमने बताया, एक बार शॉर्ट में रिविजन करा देता हूं, कि जब भी ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया रहे एंड न्यू पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो आपको ये बता दे, न्यू पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो ये बता दे, और आगे कोई चेंज ना बताए, तो मेरे बच्चे इसका मतलब कि जो ओल्ड रेशियो होगा ना वही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा. आप चेक कर लेना, क्योंकि 1/7 हम आपको इसी रेशियो में दे रहे हैं, तो हमारा सेक्रीफाइस भी वही निकल के आएगा. आप चेक कर लेना, वही निकल के आएगा, ठीक है ना. और इस पर ज्यादा अभी गेम नहीं खेलना, खुद न्यू रेशियो निकाल लेना. फिलहाल सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2:1 आ गया. क्लियर, अब मैं शुरू करता हूं. कहते हैं कि डी को एडमिट किया गया 1/7 के लिए, ही हैज टू ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल. मेरे बच्चे हमने डी को कहा कि भैया आपको कैपिटल का अमाउंट, ऑब्वियस बात है बिजनेस में ओनर के रूप में आओगे तो कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, तो 2 लाख रुपीज हमने कहा कि कैपिटल का पैसा लेकर आओ. यही नहीं, ध्यान से पढ़ना, 35,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. हमने डी को कहा कि भैया आपको ना गुडविल में शेयर ले रहा होगा 35. याद रखना ये फर्म की गुडविल नहीं है, ये उसका शेयर बता रहा है कि उसको कितना लाना होगा. तो हमेशा हम कितना उससे मांगते हैं जी, हम किसी से कितना मांगेंगे, जितना वो गेन करेगा, जितना वो गेन करेगा, और गेन कितना करेगा 1/7, क्योंकि आपको पता है कि ये जितना शेयर इसका न्यू है मेरे बच्चे, वही डी का आपका गेन भी होगा. तो गेन कितना हो जाएगा, अगर अगर डी का शेयर 35,000 है, हमने कितना मंगाया जी, 35 ना, ये सर, तो 35 1/7 के बराबर है. इसका मतलब कि मेरे बच्चे अगर आपको जानना है, ऐसे कोई इसके रिक्वायरमेंट नहीं, बट मान लो गुडविल ऑफ फर्म कितना है, अगर आपको यहां पता करना है, तो 35,000 × 7/1 रिवर्स करते हैं ना, है ना, 35,000 1/7 के बराबर है, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी रही होगी आपका, 35,000 × 7, ये हो गया 2,45,000. तो कुछ ऐसा रहा होगा, मैं अब आपको पूरी कहानी बता रहा हूं क्या हुआ होगा. यहां पे फर्म की गुडविल 245 वैल्यू किया गया होगा. हमने डी को कहा होगा कि डी भैया आप तो फ्यूचर में बैठे बैठे 1/7 गेन कर लोगे, तो जितना गेन करोगे उतना पैसा आपको लाना पड़ेगा. वो कितना लेकर आएगा, 245 का 1/7 यानी कि आपका 35,000. वही बता रहा आपको कि डी शेयर जो है ये कितना गेन था, 1/7 था. तो डी से हम कितना मंगाएंगे जी, एक तो कैपिटल मंगाएंगे, और उससे जो हमने शेयर मंगाया है इन गुडविल, इन गुडविल वो कितना, इस 245 का पूरे फर्म की जो गुडविल है उसका हमने 1/7 यानी कि 35,000. पता मैंने ये क्यों बता दिया आपको, कभी कभी ये दिया रहेगा कि भैया फर्म की गुडविल 245 है, उसमें से वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेकर आया, तो कितना लेकर आएगा, जितना गेन करेगा. वो गेन कितना करेगा, जितना उसका शेयर है, पहले तो जीरो था ना बच्चे, तो सारा का सारा क्या उसने गेन ही तो किया, उतना पैसा लेकर आएगा, तो हार्डली मैटर. कहता है मेक एंट्रीज इफ, केस नंबर 1. अब शुरू करता हूं मैं, ये समझा दिया, नाउ विल स्टार्ट केस नंबर 1. पहला केस यहां पे कहता है, केस 1 में ही पेड प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर्स. मेरे प्यारे बच्चों यहां पे केस 1 का मतलब हुआ कि जो ये जो 35,000 है ना, 35,000 जो हमने उससे गुडविल का पैसा मांगा, प्राइवेटली देने का मतलब होता है कि बिजनेस में उसकी कोई एंट्री पास नहीं होनी, फर्म को उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना. सर ऐसा क्यों, ये होता प्राइवेटली मतलब क्या, वो घर बाहर ही बाहर सेटल कर दिया, बाहर ही बाहर सेटल करने का मतलब कि फर्म के बुक में उसकी अकाउंटिंग नहीं करना है. तो गुडविल के ट्रीटमेंट की विल नॉट मेक एनी एंट्री. सेटलमेंट हुआ है, जितना आपको फायदा होगा ना 35, उतना क्या करोगे जी, आप एबीसी को लाकर दोगे, लेकिन उसके हमें एंट्री पास नहीं करे क्योंकि बाहरी बार उन्होंने सेटल कर दिया. तो उस केस में, केस 1 में पहला एंट्री गुडविल का नहीं बट कैपिटल का तो करूंगा, यानी कि पहला एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू आपका क्या नाम है, डीज कैपिटल अकाउंट.
है ना, डीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बट जो कैपिटल का पैसा आप लेकर आए हम सिर्फ उसकी एंट्री पास करेंगे। सर कोई नोट की रिक्वायरमेंट एग्जाम में? कोई नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना बोल देना बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय डी। सर एग्जामिनरेशन लिखना होता है बच्चे, लेकिन मैंने पहले बताया हुआ, दोबारा बता दूं कि पहले क्वेश्चन में टारगेट होता है पूरा आंसर कंप्लीट करना। आप आंसर कंप्लीट करना ना, लास्ट में जब बच जाएगा पूरा रिवीजन करने के बाद, तब नरेशन लिखना, सजाने के काम करते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ये सब लिखना है ना, स्टार्टिंग में टाइम पे बात नहीं करना। तो कैश टू डीज कैपिटल अकाउंट, तो ये केस वन खत्म हो गया। यहाँ पे नो ट्रीटमेंट मैं आपके लिख रहा हूँ नोट, है ना, रिविजन में हेल्प करेगा। नो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, कुछ भी नहीं करना हमने, क्यों? क्योंकि ये प्राइवेटली पे किया गया है। प्राइवेटली मतलब बिजनेस में कोई एंट्री करने के लिए मना कर रहा है आपका, वो घर ही घर में सेटल कर लिया, तो ठीक है। केस नंबर टू पे आप आइए। केस नंबर टू के अंदर में हमें क्या करना है, वो कहता है क्वेश्चन के अंदर में जी कि ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश अलॉन्ग विथ हिज कैपिटल। वो पैसा लेकर आया और 80% शेयर कहता है इन गुडविल वेर विड्रॉन बाई पार्टनर्स। तो मैं पहले पैसा लाने की एंट्री कर दूं, पहली एंट्री इसमें नंबर ए। एक तो कैश या बैंक आप कोई भी डेबिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैश या बैंक कुछ भी, बैंक ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन ना बैंक से ही होते हैं, बट कैश में कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू, सीज कैपिटल अकाउंट और जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा वो लिख देना टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना, क्योंकि आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं और आपको यही फॉलो करने के लिए बोला जाता है, तो आप ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, मुझे बताओ कितना पैसा आया। तो बैंक में मेरे बच्चे टोटल अभी यहाँ पे 235 आ जाएगा, 2 लाख रुपीज कैपिटल का, 35 गुडविल का, टोटल 235। इस 235 में 2 लाख जो है वो कैपिटल का अमाउंट है एंड 35,000 प्रीमियम का अमाउंट है। नाउ बी, अगली एंट्री सुनना, ये पैसा जो प्रीमियम का आया यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कौन लाया है? डी। तो ये पैसा जरा बताओ डी किसके लिए लेकर आया है, किसको देने के लिए? एबीसी टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। मुझे कोई बताया कि एबीसी को ये जो अमाउंट मिलेगा 35 किस रेशियो में मिलेगा? सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जितना जितना उन्होंने लॉस किया है, जितना जितना सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। अलग बात है कि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग है, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा नहीं होगा, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना होगा। तो 35,000 को 3:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करो ना, 35,000 को डिवाइडेड बाई 6 × 3, ये आ गया आपका 17,500, है ना। फिर आपको क्या करना जी, 17,500 डिवाइड बाय आपका 3 × 2, तो ये आ गया 11,667, और फिर आपका यहाँ पे आ गया 58,5833 का अमाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एबीसी, ये आपका एंट्री हो गया। ये हमने एबीसी को किस रेशियो में दिया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जितना जितना आपने सेक्रीफाइस किया। और अगर आप मुझसे इसका प्रूफ मांगोगे, तो प्रूफ आपको दे रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं करना। प्रूफ के लिए मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये बिल्कुल सही एंट्री किया। प्रूफ देखो, आप पार्टनर्स का नाम बताइए, ABC & D। मुझे ये बताओ कि जो पास्ट में हम लोगों ने मेहनत किया है और जो फ्यूचर में बेनिफिट आएगा वो टोटल अमाउंट कितना है? 245। तो हम लोग क्या करते हैं जी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम इसे करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है कि भैया आपकी कितनी कितनी हिस्सेदारी बनी। तो देखो ना जरा, 2,45,000 को 3:1 में डिवाइड कीजिए, तो 2,45,000 डिवाइडेड बाय 6 × 3, ये आ गया 122,500, है ना। फिर आपका डिवाइड बाय 3 × 2, यहाँ पे आ गया 81,667, और फिर यहाँ पे आपका आ गया 40,40,833। ये तो पहले से थे ही नहीं। अब फ्यूचर में क्या होगा, तो जितने भी न्यू पार्टनर्स वो न्यू रेशियो में आपस में क्या करेंगे जी, गेन करेंगे, मतलब फ्यूचर में, सॉरी, गेन नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नया रेशियो क्या बन गया? 3:1
यानी कि 2,45,000 डिवाइड बाय कितना 7 इंटू आपका 3, ये आ गया 1,05,000. फिर आपका यहाँ पे डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये आ गया 70,000, ये आ गया 70,000 और ये आ गया 35,000. मैं प्रूफ कर रहा हूं कि एक्चुअली सेम चीज निकल के आ रहा है मेरे बच्चे, वही घाटा फायदा डिस्कवर, कुछ खास नहीं. 122,500 आपकी हिस्सेदारी थी, लेकिन 122,500 में से अब फ्यूचर में 122,500 में अब फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 1,05,000. इसका मतलब कि 17,500 रुपीज का आपको फ्यूचर में क्या होगा, लॉस होगा. इनको उतने का लॉस होगा, हमें इनको देना पड़ेगा. देखो उतना ही दिया गया, इनका लॉस कितना निकल के आ रहा है 11,667, इनको इतने का लॉस होगा, तो देखो उतना दिया गया. आपका लॉस आ रहा है 5, लो कुछ गलती कर दिया क्या, यही तो दिक्कत है. 3:2:1, क्या रेशियो था, 3:2:1, बदमाशी 35 है, 35,000. आपको लॉस कितना हो रहा जी, 5,833 का है ना, ये भी आपको लॉस हो रहा है. और इनको देखो गेन हो रहा है 35,000 का. तो जितना गेन हो रहा है वही हमने आपसे मंगाया, और इनको जितना जितना सेक्रीफाइस हुआ उसको दे दिया, यानी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और कुछ है नहीं बच्चे. ये समझाने के लिए बता दिया, आओ एग्जाम में आपको ये सब काम करना है, कोई डाउट नहीं सर. तो ये तो समझाने के लिए था. अब ए बी के बाद सी एंट्री क्या होगा जी, कहता है कि जो पार्टनर्स को जितना जितना गुडविल का हिस्सा मिला, वो बोलते कौन बिजनेस में छोड़ेगा, घर लेके चले जाओ. आपकी मर्जी, बिजनेस में छोड़ना है बिजनेस में छोड़ो, घर लेके जाना घर लेके चलाओ. वो कहता है कि 80% जो है वो विड्रॉ कर लिए, तो इनके अकाउंट से 80% निकलेगा जितना जितना इनको मिला. तो एज कैपिटल डेबिट हो जाएगा, बीज कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और सीज कैपिटल मतलब जितना उनको मिला वो विड्रॉ कर रहे हैं, एंड टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक या टू कैश, बट बैंक ज्यादा अच्छा होता है. तो इसका 80%, 17,500 का 80% ये विड्रॉ करेंगे, 11,667 का 80% ये विड्रॉ करेंगे. क्वेश्चन बोलेगा तभी विड्रॉल की एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं, बिजनेस में रहेगा. 5,833 का 80% आप विड्रॉ करेंगे, एंड टू बैंक, तीनों का मिला के खत्म होगी बात. इसमें क्यों कराऊं मैं, दो केस खत्म हो गए. एक प्राइवेटली में वी डू नॉट पास एनी एंट्री फॉर दैट गुडविल, बट यस बिकॉज सिंस कैपिटल हैज बीन ब्रॉट इनटू द बिजनेस, तो उसकी एंट्री पास करेंगे, बट गुडविल कोई ट्रीटमेंट नहीं. और यहाँ पे सब काम होगा. केस वन खत्म, केस टू खत्म, केस थ्री पे हम आएंगे. केस थ्री पे जरा देखते हैं केस थ्री क्या बोल रहा है. यहाँ पे मैं इसको पहले मिटा दूं, क्लीन कर लूं, और फिर मैं आपको केस थ्री दिखाता हूं. ये लीजिए, आप समझ लो ना कितना मजा आ रहा है. इसको छोड़ दूं मैं, ये प्रूफ वाले को. केस नंबर थ्री पे आप आइए. थ्री में कहता है ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सुनना मेरी बात, हमने कहा कि भैया आपको इतना कैपिटल का, इतना गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा. वो कहता है कि मैं कैपिटल का पैसा तो लाने को तैयार हूं, गुडविल का पैसा लेकर नहीं आऊंगा. जो अमेंडमेंट है अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा. हमने कहा कि ठीक है, यहां पे केस नंबर थ्री के अंदर मेरे बच्चे ध्यान रखना, जब हमने कहा कि पैसे लाओ, वो ये पैसा लाने को तैयार है, ये पैसा लाने को तैयार नहीं. बदमाश है वो गेम खेल रहा है कि नहीं जी हमें बैठे बैठे फायदा मिल जाए. तो ठीक है, पहले क्या करो ना कि जितना पैसा वो लाया वो तो एंट्री करो कैश या बैंक. मैं बैंक ही लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी डी है ना, डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट. अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाया तो 2 लाख जो कैपिटल का वो तो पैसा लेकर आया. ठीक है, ये काम हमने कर दिया. दूसरी एंट्री में मेरे बच्चे ध्यान रखना, आप मुझे ये बताओ डी को क्या 35,000 गेन मैं ऐसे ही छोड़ दूं क्या? आप मुझे बताओ, क्या डी बोलता कि यार मैं गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो? और आप कहोगे ठीक है जी, मतलब एबीसी ने कहा कि हम तो दानवीर हैं, कोई बात नहीं, ये लॉस हम आपके लिए छोड़ देंगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे. आप क्या करोगे, एक तो जितना पैसा लेकर आया ठीक है, अगली एंट्री में हम क्या करते हैं, डी के कैपिटल अकाउंट से, डी के कैपिटल अकाउंट से मेरे बच्चे वो 35,000 तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे. याद रखना, अगर गुडविल का पैसा ला दे तब तो प्रीमियम लिखूंगा, वो नहीं लाया तो कोई बात नहीं. अगर आप नहीं लाया तो भी हम आपके अकाउंट से वो 35 निकालेंगे, यानी कि 2 लाख जो कैपिटल लेकर आए थे उसमें से 35 हम निकालेंगे, और वो पैसा हम किसको दे देंगे जी, एज कैपिटल अकाउंट
एज कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट, है ना, बेस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब झगड़े तो खत्म करने ही करने, आप पैसा लाओ चाहे ना लाओ, और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आपको अनड्यू एडवांटेज आपको मिले। तो जितना पैसा लेकर आए ना वो लेकर आओ, बाद में हम उसी में से 35 निकाल कर एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 17,500, 16,667, यानी कि जितना जितना आप सेक्रीफाइस करो, एंड 5,833। सर ये गुस्सा नहीं होगा, होने दो, आ गया बिजनेस में, जो चीज है वो करना पड़ेगा, जो सच्चाई है बच्चे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया, यही मैंने क्लास में सिखाया। बट पता है अब हमारा एक छोटा सा चेंज आया हुआ, वो चेंज क्या बोलता है कि देखो अगर डी पैसा लेकर नहीं आता ना, अगर डी पैसा लेकर नहीं आता तो कैपिटल, ये जो एंट्री आप कर रहे हो वो कैपिटल अकाउंट के जगह पे आप डीज करंट अकाउंट लिख दो, डीज करंट अकाउंट, चाहे कोई भी मेथड से आपको अकाउंट बनाना है, आपको फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट सॉल्व करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से करना है, फर्क नहीं पड़ता, आप एक काम करना यहां पे डीज कैपिटल एंड डीज करंट अकाउंट कर देना। सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मेरे बच्चे, जब बैलेंस शीट बनेगा ना, जरा समझना, यहां पे जब बैलेंस शीट बनेगा, यही छोटा सा चेंज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब बैलेंस शीट बनेगा तो क्या होगा जी, बैंक में कितने रुपए है, 2,00,000 रुपए, है ना, और ए बी सी एंड डी। पहले क्या होता था कि डी का कैपिटल कितना हो जाता, 2,00,000 - 35। आप बोलते हैं कि नहीं, जब कैपिटल के नाम पे पैसा लाया तो कैपिटल के नाम पे ही छोड़ दो, 2,00,000 रुपए ही छोड़ दो, है ना, और ए में कितना ऐड कर दिया, 17,500, इसमें 16,667 और इसमें कितना, 5,833। डी का एक करंट अकाउंट यानी कि डीज करंट अकाउंट आप डेबिट में कर दो, यानी कि इस साइड में कितने का, 35,000 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इससे क्या फायदा हुआ कि आपके कैपिटल का पैसा कैपिटल में रह गया, और जो पैसा नहीं लेकर आया हम आपके करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट कर दिए, बाद में जब प्रॉफिट कुछ होगा तो हम यहां से माइनस कर देंगे। समझ मेरी बात यहां पे। और कर को वाले को बिजनेस बंद होता है तो हम आपको कितना देंगे जी, ये माइनस ये, मतलब है इम्पैक्ट वही, लेकिन वो कहते कि नहीं जी आप इस एंट्री में जो पैसा लेकर नहीं आ पाए उतने पैसे उसके करंट अकाउंट को डेबिट कीजिए, तो करंट अकाउंट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कैपिटल का पैसा कैपिटल अकाउंट में ही दिखे। अब आप ये मत क्वेश्चन में ढूंढना कि यार कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या फ्लक्चुएट, सभी में ये काम करना है, सभी में करंट अकाउंट उसका खोल देना है, ठीक है ना, और कुछ खास चेंज नहीं है। अभी हम क्वेश्चन के साथ भी देख लेंगे अभी। तो ये हमारा कौन सा केस था आपका, केस नंबर 3 था, इफ ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम ये काम करेंगे। चेंज क्या देखा बच्चे, कि जहां पे डीज कैपिटल था वहां पे डीज करंट अकाउंट लिख दिया। हाँ, एग्जाम में साफ साफ कह दे कि नहीं भैया आपको डीज करंट अकाउंट को डेबिट करना है, माफ कीजिए कि जो एंट्री करना है वो डी के कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करते हुए करना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना बोले तो आप उसके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर? यस सर। फोर्थ केस में आइए, केस 4 कहता है ही कुड ब्रिंग ओनली 70% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब देखो यहां पे क्या, मैं इसको मिटा दूं, ये लीजिए, आपको झगड़े तो खत्म करने ही करने हैं, वो पैसा लाया चला लाया क्या फर्क पड़ता है। केस फोर इस पर कहता है कि मैं 70% ही ला पाऊंगा, बदमाश है वो, कहता है कि मैं ये तो पैसा पूरा लाने को तैयार हूं लेकिन इसका मैं कितना लेके आ पाऊंगा, 70%। तो पहले ना आप क्या करो कि जितना पैसा वो लेके आता पहले ले लो आप, फिर दिखाते बदमाश को कि क्या चीज होता है बदमाशी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपने क्या बोला जी, डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, और वो गुडविल का जो पैसा लेकर आएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। समझ लो मेरी बात। यस सर। तो आप मुझे बताइए कि एक तो कैपिटल का पैसा 2,00,000 लेकर आया, प्रीमियम जो हमने उससे 35,000 मांगा था लेकिन वो कितना लेकर आ पाया, सिर्फ 70%, है ना, 70% सिर्फ लेकर आ पाया। तो पहले जितना लाता ना उससे ले लो, उसके बाद बताता हूं मैं उसको, ये 70% है ना, ये सर, तो वो लेकर आ पाया 24,500, यानी कि बैंक में आ गया टोटल 2,24,500 का अमाउंट। अगली एंट्री मेरे बच्चे, ये पैसा जो आया था प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो नो डाउट कि पैसा एबीसी के लिए आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर दो, कितना जी, 24,500। एक बात बताओ कि डी फ्यूचर में 35,000 का फायदा लेगा और वो 24,500 लेकर आया, तो क्या सिर्फ 24,500 ये लेंगे क्या, क्या इनको बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्या
आप लोगे फ्यूचर में 35 और हमें दे रहे हो 24/5, गलत होगा ना बच्चे? क्या आप इस गलती को होने दोगे क्या? नहीं सर। क्या ये पाप आपके हाथ से हो सकता है क्या? नहीं सर। तो आप एक काम करना, उस बदमाश के यानी कि डी के करंट अकाउंट को आप डेबिट कर देना, डीज करंट अकाउंट डेबिटेड, डी के करंट अकाउंट को डेबिट कर देना। और किससे डेबिट कर देंगे? जितना पैसा नहीं ला पाया, मतलब 35,000 का 30%। एनी सर्कमस्टांसेज आप पैसा लाओ, आप पैसा नहीं लाओ, 70% लाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो पूरे पैसे भैया हमें चाहिए। तो 35,000 का 30%, ये हो गया 10,500। और ये टोटल अमाउंट मेरे बच्चे किसको दिया जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट में। नीचे में करंट अकाउंट मत खोल देना, सिर्फ जो डी है ना, जो इनकमिंग पार्टनर है और जितना पैसा नहीं लाया उससे सिर्फ करंट अकाउंट खोलेगा। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट है ना, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो मेरे बच्चे यहां पे आपका क्या करेंगे हम लोग, आपका ए में हमने क्या किया, 17,500, वो तो इतना ही मिलेगा जितना सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिल रहा है जी। और यहाँ पे 5833 का अमाउंट है ना। सीबीएसई और जो आईसीएसई बोर्ड है और जो बाकी बच्चे हैं, बड़े बच्चे, वो इसको फॉलो करेंगे। जो किसी, अगर मान लो कोई 12 क्लास का बच्चा है किसी और बोर्ड का है, तो एक बार आपने बुकलेट जो है ना बच्चे, आपके जो स्कूल के मास्टर जी होंगे उनसे एक बार चेक कर लेना, उनसे चेक कर लेना, जो बोलेंगे यहाँ पे कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट, करंट तो करंट अकाउंट, वही फॉलो करना। मतलब सिर्फ झगड़ा कहाँ है कि कैपिटल होगा कि करंट अकाउंट होगा। तो जितने बड़े बड़े बच्चे हैं या सीबीएसई के 12 क्लास के बच्चे होंगे या फाउंडेशन के बच्चे हैं या सीएमए इंटर के बच्चे हैं, वो तो यही काम करेंगे है ना। जो बच्चे बाकी हैं किसी और बोर्ड के 12 क्लास के बच्चे होंगे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे डीज कैपिटल अकाउंट होगा कि करंट अकाउंट होगा, आप अपने सर से पूछ लेना, जो बोलेंगे उसी को लिख देना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है आपका, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फोर्थ केस भी हमने खत्म किया, मैं फिफ्थ केस में आता हूँ। पांचवें केस में मैं इसको मिटा दूं, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि आपको दिमाग में बैठ गया है। तो मैं पांचवा केस यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिफ्थ केस पढ़ेंगे आप। कहता है कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ होम। ये पांचवा केस बहुत ही खास मैंने आपके लिए बनाया है, केस नंबर फाइव। ये देखो मैं पहले आपको समझा दूं, यहाँ पे पहले से पार्टनर कौन था, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो क्या था जी, 3:1। यहाँ पे डी को एडमिट कितने के लिए किया, 1/7 के लिए। अब नया रेशियो ए बी सी एंड डी के बीच में क्या हो गया, तो 3:2:1:1। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा क्या निकल के आया हुआ है, 3:2:1, ठीक है ना। ये यहां तक मैंने लिख दिया सर, क्यों दोबारा बताता हूं मैं। कहता है कि आज हमने जो गुडविल फर्म की वैल्यू की है वो कितना वैल्यू किया है, फर्म की गुडविल 245। ध्यान रखना गुडविल ऑफ फर्म की बात की जा रही है, 2,45,000। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूं। गुडविल ऑफ द फर्म कितना, 245। कहता है कि आपके इस केस में, केस नंबर फाइव में, कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो पैसा गुडविल का नहीं ला पाया। तो ठीक है, जब नहीं ला पाया तो मैं वो कैपिटल का पैसा तो ले लूं पहले, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट है ना। कितना जी, 2,00,000 रुपीज कैपिटल का पैसा लेकर आया हमने, उसकी एंट्री पास कर दी। कहता है कि आगे कि ही कहां गया, फिफ्थ में, कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल का पैसा नहीं लेकर आ पाया। तो मेरे बच्चे अभी तक हमने क्या देखा कि अगर वो गुडविल का पैसा लेकर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे जी, डीज करंट अकाउंट, डी के करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे और टू, सर रेड से क्यों लिख रहे हो अभी बताऊंगा, टू ए टू बी कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपका, डी से कितना डेबिट करेंगे, जितना वो गेन करेगा यानी कि 35। एबीसी को कितना, जितना जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे, 17,5, 16,667 और 5,833। ये एंट्री यहां पे बन गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। बच्चे डेज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एबीसी, ये हमारी एंट्री निकल के आ गई, ये हमारी एंट्री निकल के आ गई। पता है क्वेश्चन कहता है कि आपको
ये एंट्री नहीं पास करना, ये एंट्री होना ही था मेरे बच्चे, बट वो कहता है कि नहीं पास करना, वो कहता है नहीं सेटलमेंट करना, इंस्टेड ऑफ कहता है पार्टनर्स डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ होम, कहता है कि इसको करने के बजाय हमने कहा कि भैया आप नहीं ला रहे हो ना, कोई बात नहीं, फर्म की गुडविल कितनी है 245, तो गुडविल को हम बुक में दिखा देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना 245,000, ये दिखा देंगे। मुझे ये बताओ कि ये गुडविल जो 245 का है, अगर हमारे बीच में अभी समझौता नहीं हुआ मेरे बच्चे, वो कहता है कि झगड़ा ऐसे नहीं निपटाया जाएगा, वो कहता है गुडविल को रेज कर दो, मतलब अगर डी पैसा लाने को तैयार नहीं है कोई बात नहीं, ये गुडविल जो 245 है किसने कमाई है, हमने कहा एबीसी ने, इन्होंने तो कमाई है, डी तो था ही नहीं, किस रेशियो में कमाई है, तो 3:2:1 में, तो कहता है कि गुडविल को आप क्या करो जी, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट में आप यहां पर दिखा दो 3:2:1, तो कितना कितना हो जाएगा 2,45,000 डिवाइड बाय 6 × 3, ये आ गया 1,22,500, यहां कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 3 × 2, ये आ गया 81,667, और यहां पे कितना आ गया जी, तो आपका आ गया 4,40,833, ये है बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक ऑफ फर्म, इन द बुक ऑफ फर्म गुडविल को हमने क्या किया, बुक में रेज कर दिया। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे, बहुत ध्यान से मेरे बच्चे, अगर ऐसा होता है तो पता है अब क्या होगा, अब मैं यहां दिखा देता हूं कि इस केस में अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट अब कैसा दिखेगा, बैलेंस शीट में जरा बताओ बैंक में बस इतनी एंट्री का इंपैक्ट दिखा रहे हैं, बैंक में कितने रुपए आ गए 2,00,000 रुपीज, बैंक में 2,00,000 रुपीज आ गए, गुडविल आपने बुक में कितना दिखा दिया 2,45,000, और फिर ए बी सी एंड डी, डी का कैपिटल कितना रह गया 2,00,000 रुपीज, और ठीक है अगर डी शेयर देने को तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं जी, हमारी गुडविल हमारे बुक में हमारे बीच में दिखेगी, तो ए के बुक में 122,500, बी के बुक में 81,667 और सी का 40,833, अगर आप शेयर देने को तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारी चीज हमारी रहेगी, तो गुडविल हम क्या करेंगे बुक में दिखा देंगे और एबीसी में क्रेडिट कर देंगे, ये इसका ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है इस पॉइंट के मुताबिक। लेकिन मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रीटमेंट यानी कि ये पूरा प्रिंसिपली इट इज इनकरेक्ट, ये गलत है प्रिंसिपली, मतलब अगर मैं AS 26 को पढ़ूं, प्रिंसिपली इट इज इनकरेक्ट एज पर AS 26, जब हम अकाउंटिंग 26 पढ़ते हैं जो गुडविल को डील करता है, वो पता है क्या बोलता है, हमने आपको सिखाया भी है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है हम उसको बुक में नहीं दिखा सकते। अरे ये तो गुडविल आपका क्या है बच्चे, सेल्फ जनरेटेड, अरे हमने किसी से परचेज थोड़े किया है, अपने फर्म की गुडविल को वैल्यू किया, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है ना, दैट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मेरे बच्चे पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर Case 5 आपको दिख जाता है, अगर Case 5 दिख जाता है तो Case 5 में ना चाहकर भी दिमाग को शांत करके अपने 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 आत्मा को मारकर आपको इसके बाद ये एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जब कह दिया कि गुडविल को रेज करना है बुक में, इसका मतलब ये होता है कि भैया फिर सेटलमेंट हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम अकाउंट से नहीं निकालना चाहते, फिर क्या करेंगे जी, हमारी गुडविल है हम अपने बुक में दिखा देंगे, तो ओल्ड गुडविल, ये बीइंग ओल्ड गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, अब यहां पे ये ओल्ड रेशियो है क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ये हमारी है तो हमारी जिस रेशियो में होगा वही, ये अलग बात है कि यहां पे ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग है, बट हम क्या कर रहे हैं ओल्ड रेशियो में काम कर रहे हैं, क्लियर ना, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, रिविजन लेक्चर है इसका, रीजन कॉन्सेप्ट मैंने सब आपको पहले बताया हुआ है, उस बात को समझेंगे, तो याद रखना प्रिंसिपली लॉजिकली हमारी आत्मा से हमारे अकाउंटेंसी हमारे AS 26 के मुताबिक ये केस पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, ये केस पॉसिबल नहीं है,
लेकिन ये केस ना पोस्टपोन होते हुए भी अगर एग्जाम में एग्जामिनर गलती करेगा, अगर क्वेश्चन ऐसा बनाएगा तो हम क्या करेंगे, हम आंसर उसी तरीके से कर लेंगे। सर नोट लिखना होगा, कोई नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब एग्जामिनर गलत है तो हम वहां पर झगड़ा थोड़े करेंगे, हम तो उसी के हिसाब से आंसर कर देंगे जी। बट हाँ, आप क्वेश्चन में पढ़ना क्या बोल रहा है कि ही कुड न्यू पार्टनर्स कुड नॉट ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पार्टनर्स डिसाइड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ होम, तो फिर हम ये काम करेंगे। याद है ना, मैंने डिस्प्यूट खत्म किया, प्रिंसिपली इट इज इनकरेक्ट, बट एग्जाम में हम एग्जामिनर की बात करेंगे और उसको ऐसे सॉल्व करके आएंगे। एग्जाम में ऐसे इसका आने के चांसेस ना के बराबर है, बट देखा गया कि कई बार ऐसे बदमाश लोग होते हैं जो पूछ देते हैं। कोरोना का केस के कोरोना के बाद तो और भी लोगों का दिमाग पता नहीं कैसा कैसा हो गया है, तो फिर पूछ देंगे, तो फिर कोई बात नहीं, हम ऐसे कर देंगे। केस सिक्स बन सकता है, सिक्स बता देता हूं। केस सिक्स देखो क्या है, मतलब ये अच्छा है पॉइंट, कहता है ही कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश, वो गुडविल का पैसा नहीं ला पाया। तो मैं काम करता हूं पहले यहां तक का फर्स्ट एंट्री, अगर गुडविल का पैसा नहीं ला पाया तो कैपिटल का पैसा तो लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये तो एंट्री पहले कर लो। और कैपिटल का पैसा वो कितना लेकर आया है, इट्स 2 lakh rupees का अमाउंट, तो 2 lakh rupees से हमने ये एंट्री पास कर दिया, बैंक टू डीज कैपिटल अकाउंट। नाउ आगे कहता है He could not bring his share of goodwill in cash, case 6 पढ़ रहे हैं आप, and partners decide to raise and then return off goodwill from the books of firm. कहते हैं कि वो partners ने decide किया raise करने का, जैसे ही कहा ना raise करने का तो मेरे बच्चे फिर मैं गुस्से में आ गया। raise का मतलब क्या, वो फिर से कह रहा है वो entry pass करने के लिए goodwill account debited to आपका एज capital account टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, टू सीज कैपिटल अकाउंट, मतलब वो कहता है कि डी पैसा लाने को तैयार नहीं है जी, और कहता है कि भैया जो गुडविल का गुडविल है ना, जब भी हम रेज करेंगे तो पूरे गुडविल से, यानी कि 245 ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में रेज हो जाएगा, बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक of firm among old partners in their old ratio, तो वही एंट्री 1,22,500 और 81,667 एंड 40,833 ये हमने एंट्री पास कर दिया, ठीक है ना, सेकंड एंट्री। मतलब बच्चे यहां पे जब एंट्री किया तो प्रिंसिपली क्या ये इनकरेक्ट है, ये ठीक नहीं है ये एंट्री, क्योंकि इस एंट्री के बाद क्या होगा, गुडविल बुक में दिख जाएगी। एग्जामिनर को ध्यान आ गया, अरे हमने गुडविल तो रेज करने के लिए बोल दिया जबकि S26 तो रेज करना अलाउ नहीं करता, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे आगे पढ़ लेना, आगे पढ़ लेना, आगे क्या बता रहा है, आगे कहता है कि he could not bring his share of goodwill in cash, partners decided to raise and then return off goodwill from the, मतलब raise किया, raise करते हैं उनको समझ में आया कि मैंने पाप कर दिया, AS 26 को follow नहीं किया, तो कहते हैं हटा दो फिर goodwill को to goodwill account, कितना जी 2,45,000 है ना पूरे से, लेकिन ये जो हटाना होगा वो all partners old ratio में, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इसका रीजन मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको बताया हुआ है, अगर पूरा बताना शुरू करूं तो बहुत लंबी क्लास चल जाएगी, ये रिवीजन हम लोग का है, तो आपको बस समझ लेना है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। और ये एंट्री क्या होगा जी, ये न्यू रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में, तो बीइंग आपका गुडविल रिटर्न ऑफ among all partners, मतलब including the, in their new ratio, हम उसको write off कर देंगे आपको, है ना, तो ये आपका आप कर लेना new ratio में 3:2:1:1 में इसको write off कर लेंगे। और जब ये दोनों entry का ultimate impact देखा जाएगा, ultimate impact, तो आपका यही impact जो था ना, ये आपका ये वाला निकल के आ जाएगा, आप देख लेना इसी को, मैंने बताया हुआ, बट मतलब कहने का मतलब क्या है जी, हम गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा केस 1, 2, 3 से करेंगे, 1, 2, 3, 4 तक,
फाइव केस पॉसिबल नहीं है, बट एग्जाम में बोल देगा तो हमें करना पड़ेगा और फिर गुडविल को बुक में दिखाना पड़ेगा। सिक्स केस में उन्होंने गलती किया बट बोला फिर सुधार दो, तो फिर हमने सुधार दिया। यानी कि ओल्ड गुडविल को पूरे ये जो रेज किया जाएगा ये आपका गुडविल ऑफ फर्म से, पूरे फर्म की गुडविल से याद रखना है ना। और ये इन किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। और यहां पे हम क्या करेंगे जी, आपका ये न्यू पार्टनर्स मतलब इंक्लूडिंग डी, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में ये राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करते हैं, गुडविल खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट आपस में एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा कौन सा था, केस नंबर सिक्स, और इस क्वेश्चन को हमने खत्म किया। सेवन क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मैं एट क्वेश्चन कराने के पहले ना मैं सोचता हूँ थोड़ा लंच कर लूँ, मुझे भूख लगी हुई है ना, और मेरा ये जो ना सूख गया कपड़ा भी, तो बस अभी गया अभी आया, तब तक आप भी चाहो तो लंच कर सकते हो, लंच करके आओ और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 से 10 सेकंड में लंच करके आता हूँ, ठीक है? थैंक यू, अभी आता हूँ। थैंक यू क्या? Hello, I am Mansi. I am pursuing CA Foundation. Hello friends, my name is Umair Raza. I am a CA final student. Myself Damini Singh and I am currently pursuing CA Inter with COC. मैंने क्लास 11th में लोकल ट्यूशन क्लासेस लिए थे एंड मेरे कंसेप्ट बहुत पुअर थे। मैंने एक दिन यूट्यूब पे संतोष सर का वीडियो देखा था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्लासेस उन्हीं से परचेज करना है। Then I purchased classes from COC Education and scored very good marks. And वो काफी अच्छी तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। For me, COC Education is the one-step solution to clear all my doubts and my concepts. Oh, thanks to COC के और मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ KRA Bangalore. Thank you so much, Santosh sir. Thank you. Thanks to COC. हाँ जी बच्चों, मैं आ गया प्रॉपर लंच करके, और आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी किया होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे, इसी बीच में सो जाए थोड़ा टाइम सेव कर लूँ। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया आपके, एक शॉर्ट रिवीजन उसका यहाँ पे, अगर पेड प्राइवेटली उसकी कोई एंट्री नहीं होगा, कैपिटल के एंट्री होगा, गुडविल का नहीं होगा, ब्रॉट इन कैश हो जाए तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है? नॉट ब्रॉट इन कैश तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अगर पैसा लेकर नहीं आएगा तो जो गेनिंग पार्टनर्स है उसको डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे एक डिस्प्यूट है, एक डिस्प्यूट है, मैंने अभी कुछ बोला भी था इसके पहले, उस डिस्प्यूट को खत्म करूं। वो डिस्प्यूट क्या है, कई एक है आपका सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है बच्चे और रिविजन है, सबके लिए रिविजन करा रहा हूं ताकि किसी भी लेवल के बच्चे हैं तो जरा समझेंगे बात, कि ये एक सीबीएसई बोर्ड है और उसके बाद अदर बोर्ड्स। इसके बाद ये टॉपिक आपका सीए फाउंडेशन में भी कवर होता है, ये टॉपिक आपका सीएमए इंटर में भी कवर होता है, एंड बस बीकॉम में होगा तो बीकॉम में भी किसी बच्चे का कवर होगा। मैं आपको बता दूं, डिस्प्यूट सिर्फ ये जो गेनिंग पार्टनर होगा ना, उस पार्टनर का हम लोग यहां पे करंट अकाउंट लिखे, करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट लिखे, इस पर लेकर एक आपका डिस्प्यूट है ना। अगर गुडविल का पैसा नहीं लाता तो मैं किसका नाम यहाँ पर लिखूं? देखो, इस डिस्प्यूट को मैं पहले खत्म कर दूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो करंट अकाउंट लिखने का जो आपका काम है, ये किसके लिए है जी? सीबीएसई बोर्ड के लिए, करंट अकाउंट। वो कहते हैं कि भैया अगर पार्टनर पैसा गुडविल का नहीं लाता, और जितना पैसा नहीं लाता अगर हम उसको डेबिट उसके अकाउंट से निकालते हैं तो आप उसके करंट अकाउंट से निकलो। मेरे बच्चे, जो दूसरे बोर्ड के बच्चे होंगे वो पहले आस्क योर स्कूल टीचर या अपने जो बोर्ड में जो बुक आपका पब्लिश होगा उसमें देखिए कि क्या वो कैपिटल अकाउंट यूज कर रहे हैं कि करंट अकाउंट यूज कर रहे हैं। जो बोलेंगे उनके हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो मेरे सीए सीएमए या बीकॉम के बच्चे हैं, इनके लिए अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही यूज करना है, मतलब जो लेक्चर्स जो आपके पास गए हैं ना बच्चे, उसी तरीके से काम करना है। तो आपके लिए क्या होगा जी, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होगा, मतलब आपको करंट अकाउंट यूज नहीं करना। वो पता नहीं क्यों सीबीएसई वाले बोलते हैं कि ऐसा करो, तो उनके बच्चों को वही पढ़ना होगा। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के अंदर में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर होगा वो आपका करंट अकाउंट होगा, बाकी जितने सारे बड़े बच्चे हमारे हैं उनको क्या कैपिटल अकाउंट ही लिखना है, मतलब जो लेक्चर्स आपके पास गए उसके मुताबिक। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अगर करंट आएगा वो डिपेंड करता है कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर फ्लक्चुएटिंग तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, और फिक्स्ड होगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपका
करंट अकाउंट होगा, बस इतनी सी बात है। मतलब डिस्प्यूट सिर्फ यहाँ पे है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो होंगे वो करंट अकाउंट लिखेंगे, बाकी दूसरे बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे अपने स्कूल से पूछ लेना, टीचर से जो बोलेंगे वो आप उसके सब से कर लेना। दोनों तरीके से मैंने करा दिया। इनको तो कैपिटल अकाउंट ही लिखना, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। वो कोई जो बोलते वो लॉजिकल नहीं है तो हम क्यों उसकी बात करें, बट एनी वे ठीक है ना। तो ये, और अगर कहता है गुडविल टू बी रेज्ड किसी भी बच्चे को, तो आपने क्या किया जी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड है ना, गुडविल को आपने डेबिट किया टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, है ना, इतना करके छोड़ दिया और न्यू बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा। लेकिन ये एज पर AS 26 गलत ट्रीटमेंट है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो सेल्फ जनरेटेड है हम उसको नहीं दिखा सकते। बट एग्जाम में आ जाए तो वहां झगड़ा तो करना नहीं है, कोई भी बच्चा हो फिर आप वो काम कर देना। गुडविल को रेज करना और राइट ऑफ करना है, तो पहले तो एंट्री आपका ही हो जाएगा जी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, दूसरी एंट्री आपका ऑल पार्टनर्स, मतलब जो जितने भी न्यू पार्टनर्स होंगे, ऑल पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स होंगे इंक्लूडिंग न्यू, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, और कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में, है ना। इसका लॉजिक जो है मैंने आप लोगों के रेगुलर क्लास में कराया हुआ है, उतना डिटेल में नहीं जा सकते, तो इसका मतलब होता है। तो ये हमने काम खत्म किया इसको लेकर। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और चेंज है गुडविल के ट्रीटमेंट पे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लीजिए, ये एक शॉर्ट रिविजन था जो अभी तक हमने पढ़ा, उसको एक जगह मैंने आपको दिखा दी। छोटी छोटी बातें चैप्टर के अंदर में, उनको समझ लेते हैं फिर कुछ बचता ही नहीं है, है ना बच्चों। तो ये लीजिए, अब देखो गुडविल पे जो अगला केस बनता है वो है आपका अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप, एट्थ क्वेश्चन क्या बता रहा है, एट्थ क्वेश्चन है ना। एट्थ में कहता है कि एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2, दे अग्री टू एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने जेड को एग्री किया, एडमिट किया जी 1/5 के लिए। जेड एक्वायर्स हिज शेयर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:3, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000। जेड ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड 2 lakhs एज हिज कैपिटल थ्रू चेक। वो जितना गुडविल का शेयर है वो पैसा लाया है और चेक भी के थ्रू कैपिटल भी लाया है। पास एंट्रीज एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फिक्स्ड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब ट्रीटमेंट आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना है। केस वन में कहता है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 20,000 एंड साइलेंट है उसके आगे। बस मैं आपको पहले केसेज दिखा दूं इसका मतलब क्या हुआ। एक बैलेंस शीट है बच्चे पहले से, और उस बैलेंस शीट में यहां पे एक गुडविल दिख रहा है, और इस गुडविल की वैल्यू पहले से ही बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 20,000। ये आपका बिफोर, ये बिफोर एडमिशन, ये बिफोर एडमिशन ऑफ क्या नाम है उसका, जेड, जेड के एडमिशन के पहले का बैलेंस शीट है, और गुडविल यहां पे कितना है जी आपका 20,000 का। कोई डाउट इसमें नहीं सर। अब होता क्या बच्चे, मैं आप डायग्राम पे दिखाऊं कि पहले से दो पार्टनर थे एक्स एंड वाई, और इनका रेशियो था 3:2। यहां पे नया पार्टनर कौन आ गया आपका, जेड, कितने के लिए आया 1/5। इसका शेयर बता रहा है कि ये एडमिट हुआ 1/5 के लिए। इसके बाद तीन पार्टनर हो गए एक्स वाई एंड जेड, न्यू रेशियो हमें निकालना है, निकाल लेंगे। कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म, ध्यान देना फर्म की गुडविल, आज गुडविल जो वैल्यू किया गया ऑफ फर्म वो कहता है 50,000 है ना, 50,000 ठीक है। जेड ब्रिंग्स कहता है कि 2 lakhs कैपिटल एंड थ्रू चेक मेक एंट्रीज, मतलब जेड क्या लेकर आया जी, जेड जो है एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आया है, और कैपिटल का अमाउंट कहता है कि 2 lakhs rupees है, और शेयर इन गुडविल भी लेकर आया है, हमने गुडविल में जो शेयर मांगा होगा वो भी पैसा वो लेकर आया है, ठीक है जी। मैं शुरू करता हूं, देखो क्या करेंगे मेरे बच्चे। पहले तो मैं यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ, पहले मैं केस शुरू करने के पहले कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकाल लूं यहां पे,
ठीक ना, जिसके में रिक्वायरमेंट आएगी। तो पार्टनर्स के नाम एक्स वाई एंड जेड, ओल्ड रेशियो यहां पे पहले से आपका 3/5 एंड 2/5 है, ठीक है। न्यू रेशियो में या न्यू शेयर में जेड आया है 1/5 के लिए, ठीक है। यहां पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी, आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। कहता कि जेड एक्वायर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई, जेड जो आया 1/5 के लिए, ये एक्स एंड वाई से 2:3 के रेशियो में उसने लिया। तो मेरे बच्चे जितना उसको शेयर मिला ना वो 2:3 में इनसे लिया, मतलब उतना उतना इन्होंने दिया और जितना दिया वो सेक्रीफाइस है, तो इनका जो शेयर है उसका 2/5 और जो इनका शेयर है उसका 3/5। तो ये हो गया आपका 2/25, ये हो गया 3/25, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए जो है आपका, ये हमारा हो गया। न्यू रेशियो निकालते हैं, 3/5 माइनस 2/25 कितना हो गया जी 25, 15 माइनस 2 13/25, 2/5 माइनस 3/25 25, 7/25 और इसको 5/5 से आप करेंगे तो 5/25, ये आपका न्यू रेशियो निकल के आ गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मैं पहले से इस बात को आइडेंटिफाई कर लूं कि हमारा जो न्यू रेशियो है वो आपका 13:7:5 है और जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आपका 2:3 का है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। और गेनिंग इसका 1/5 या 5/25 कह दो। केस वन मेरे बच्चे, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं केस नंबर वन को। केस वन में कहता है कि गुडविल अपीयर्स, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे एक स्लाइड सा चेंज है। गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट एट ₹20,000। ये बैलेंस शीट का मतलब कि ओल्ड बैलेंस शीट मेरे बच्चे, ये बैलेंस शीट आपका है ना, एडमिशन इसके आने के पहले, इस दिन के पहले गुडविल 20,000 दिख रहा था। देखो गुडविल बैलेंस शीट में अगर आज दिख रहा है तो ये तभी होगा जब हमने गुडविल को परचेज किया होगा। अभी बताया था मैंने कि सेल्फ जेनरेटेड गुडविल को हम बुक में नहीं दिखा सकते। तो मेरे बच्चे यानी कि गुडविल पहले से बैलेंस शीट में 20,000, यानी कि कभी हमने गुडविल परचेज किया होगा, किसी फर्म को परचेज किया होगा, वो गुडविल दिख रहा है। पहला काम क्या होगा? इस गुडविल को हटा देना। सर क्यों हटा देना? क्योंकि देखो ये 20 और 50, आपके गुडविल 70 नहीं बचे, आज गुडविल इतना वैल्यू किया गया है। तो अगर आज गुडविल इतना वैल्यू किया गया है तो टोटल 50 है, तो 20 भी रखो 50 भी रखो ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस गुडविल को पहले हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या होगा, पहला एंट्री, ये गुडविल आपके पुराने बैलेंस शीट में है ना, पुराना बैलेंस शीट में कौन था, एक्स एंड वाई, तो आपको उन्हीं के बुक बीच से हटाना पड़ेगा। यानी कि एक्सेज और कैपिटल नहीं मेरे बच्चे, करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों? अरे फिक्स कैपिटल मेथड है। एक्सेज कैपिटल करंट अकाउंट डेबिटेड, वाइज करंट अकाउंट डेबिटेड, वाइज करंट अकाउंट डेबिटेड एंड टू गुडविल अकाउंट। ये जो पहले से बैलेंस शीट में थे गुडविल, आप उसको हटा देंगे। कितना? 20,000। इसको हम कहते हैं ओल्ड गुडविल, पहले से जो आपका होगा। तो नरेशन में दे देता हूं ताकि रिविजन में दिक्कत ना हो। बींग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जो भी कुछ पहले का था जब उसको हटाते हैं तो हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2, यानी कि आपका 12,000 और 8,000। अब ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि सर यहाँ करंट अकाउंट क्यों, इसलिए क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो एक्सेज कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट ही करता, इसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर मेरे बच्चे बी पे आप आ जाइए, बी पे, बी पे क्या करेंगे, अब उसके बाद वो पैसा लाया है, वो पैसा लाया है, तो जब पैसा लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आपका क्या नाम है उसका, जेड कैपिटल अकाउंट। पैसा तो कैपिटल के नाम पे लाया है, जेड कैपिटल अकाउंट, और जो पैसा गुडविल का लाएगा वो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है ना।
तो कैपिटल का कितना पैसा मांगा था? 2 लाख, एक तो वो पैसा लेकर आया। और गुडविल का पैसा कितना? तो कहते हैं कि गुडविल आज वैल्यू किया गया 50,000। 50,000 में जितना आप गेन करोगे, आप कितना गेन करोगे? 1/5, है ना, क्योंकि जितना न्यू है वही आपका गेन है, तो इंटू 1/5 यानी कि हो गया आपका कितना, 10,000। तो ये हो गया 2,10,000 का अमाउंट। और सी, अगली एंट्री में क्या करेंगे जी? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट डेबिटेड 10,000। ये हम किसको देंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? एक्स एंड वाई। तो टू एक्स इज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, एंड टू वाई इज करंट अकाउंट, है ना बच्चे? तो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 हो गया, तो 4,000 और यहां पे 6,000 लिख देता हूं। बीइंग गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ भी लिखे, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कहना ठीक नहीं रहेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। खत्म हो गई बात, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो यहां पे हमने क्या किया, आपका गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर होगा तो पहले जितना गुडविल होगा पहले उसको हटा दीजिए ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और फिर जो नॉर्मल ट्रीटमेंट आप करते हैं, मतलब बैंक टू ये, और फिर आपका ये एंट्री। आप पढ़ो फिर से दोबारा केस नंबर 1, पढ़ेंगे आप केस नंबर 1। एग्जाम में क्वेश्चन बोल दे गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 20,000 और फिर उसके बाद साइलेंट है, देखो मैंने वहां फुल स्टॉप लगाया है, मतलब कि क्वेश्चन सिर्फ इतना बोल दे और आगे कुछ भी ना बोले, इसका मतलब कि पहले जो बैलेंस शीट में अपीयर होगा उसको हटा देना, क्योंकि गुडविल आपका टोटल 50 है मेरे बच्चे, और 50 से ही ट्रीटमेंट करना, ये 20 पहले से जो उसको हटा देंगे, राइट ऑफ कर देंगे और फिर काम करेंगे। या फिर केस 1 में ही पढ़ो आगे ब्रैकेट में, एग्जाम में ऐसा बोल दे गुडविल अपीयर्स इन द बुक एट 20,000 एंड पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ होम, तब भी हमने वही किया कि नॉट टू शो, मतलब जो परचेज गुडविल बुक से दिख रहा था हमने क्या किया जी, उसको हटा दिया, उसको हटा दिया, मतलब परचेज गुडविल जब बैलेंस शीट में पहले से होगा हम क्या मानेंगे, परचेज गुडविल है, हमने पहले परचेज किसी से किया होगा तभी बैलेंस शीट में दिखा रहा, अदरवाइज अलाउड ही नहीं दिखाना, तो वो गुडविल को हम पहले क्या करेंगे, हटा देंगे, और कुछ भी चीज जो पुराने बैलेंस शीट से हटाने का होगा तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, फिर जो हम काम करते हैं उसी तरीके से, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। लेकिन अब ध्यान देना केस नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझेंगे सारे बच्चे, सबके लिए एप्लीकेबल है मेरे बच्चे, केस नंबर 2 मैं इसको मिटा देता हूं। केस नंबर 2 ध्यान रखना, वो जो करंट अकाउंट लिखना है कि नहीं लिखना है वो तो सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चे के लिए बाकी है। सर क्या सबके लिए पार्टनरशिप सेम है? नहीं बच्चे, लेवल सबका अलग है, और आपको पता है कि जो आपके पास क्लासेज गई हुई है उसमें हमारे सीए वाले बच्चों में अलग लेवल है, सीएमए वाले बच्चों में और अलग लेवल है, आपका 11-12 क्लास में छोटा लेवल है, तो सबके अपने अपने होते हैं, बट रिविजन लेक्चर्स में तो मैंने उसमें सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कराया हुआ है, कॉन्सेप्ट एक्चुअली है, ठीक है ना। नाउ केस नंबर 2 देखेंगे आप, यहाँ पे केस नंबर 2, बैलेंस शीट पहले से गुडविल कितना है? 20,000। आज कितना क्या है वैल्यू? अब पढ़ो केस नंबर 2 में क्या बता रहा है। गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट इन द बुक 20,000, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो गुडविल इन द बुक ऑफ होम एट इट्स बुक वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भोले बच्चों, गुडविल पहले से बैलेंस शीट में 20,000 था, और जेड के एडमिशन के बाद भी जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें गुडविल को हमें इस 20 पे दिखाना है, मतलब जो परचेज गुडविल है वो एज इट इज आपका दिखते चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उस केस में जो आपका वहां पे नंबर ए एंट्री पास किया था गुडविल को राइट ऑफ करने का, अब वो एंट्री यहां पे पास नहीं होगा। क्यों राइट ऑफ करेंगे? वो कह रहे हैं भैया बुक में दिखते रहना चाहिए, तो ठीक है जितना था उतना दिखते रहेगा। उस केस में बच्चे बी में जब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एजेड कैपिटल अकाउंट, बहुत ध्यान से बात समझना, एजेड कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो उस केस में क्या होगा, एक तो कैपिटल का 2 लाख रुपया बिना किसी डाउट के, प्रीमियम का पैसा वो कितना लेकर आएगा, बहुत ध्यान से बात सुनना, हम प्रीमियम का वो पैसा लेकर आते हैं जिसका जो पास्ट में हम लोगों ने क्रिएट किया है, हमने क्रिएट किया और फ्यूचर में उसका बेनिफिट आएगा। वो टोटल गुडविल कितना बड़े बच्चे 50, तो 50,000 की जो गुडविल आज वैल्यू की गई उसमें से पहले से गुडविल कितना 20, ये अब हटाया नहीं जा रहा है। तो मेरे बच्चे इस 50 में इस 20 को माइनस कर देना, जो परचेज गुडविल है 20 वो एज इट इज बैलेंस शीट में दिखेगा। आपने जो क्रिएट किया ना मेहनत से, मेहनत से, वो कितना है सिर्फ 30,000, 50 हो गया ना जो पहले 20 था, तो 30,000 आपका यहां पे गुडविल बढ़ गया। और इस 30,000 में जितना वो गेन करेगा, जेड कितना गेन करेगा जी 1/5 वही मंगाया जाएगा। दोबारा समझ लो, अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है और क्वेश्चन कहता है कि वो बुक में अपीयर करेगा, तो ठीक है, जितना आज की गुडविल होगी ना रिवैल्यूड 50,000, इस 50 में से वो 20 को छोड़ दो, पहले भी था अभी भी रहेगा, आपने उसकी वैल्यू कितने से बढ़ाई, 30,000 से 20 इंक्रीज टू 50,000, तो उस 30,000 जो आपकी मेहनत है ना उसी में से आप उससे शेयर मांगोगे। तो आप एक काम करना, वो 30,000 और जितना वो गेनिंग शेयर है, जितना वो गेन कर रहा है ना गेनिंग शेयर, तो मैंने इसलिए दोनों को एक साथ करा दिया, 30 का 1/5 कितना हो गया 6,000 का अमाउंट, तो बैंक में कितना आ गया 2,06,000। और सी अगले एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल आपका डेबिट कितना 6,000, और ये किसको मिलेगा जी, आपका एक्सेज करंट अकाउंट एंड वाइज करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट है ना, ये बात समझेंगे आप। तो 6,000 में कितना हो जाएगा, जो हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ है मेरे बच्चे, इसको हमने सेल्फ जनरेटेड मानते हुए पढ़ा हुआ है, ये भी एक केस आप पढ़ लेंगे, एग्जाम में आ सकता है। तो हम अभी मान लें कि परचेज है, अगर ये 20 को बोलता है कि हमें कुछ नहीं बोलता है तो हम इसको पहले राइट ऑफ कर देंगे और फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट। अगर कहता है कि इस गुडविल को हमें बुक में दिखाना है तो फिर हम उसको राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, जो प्रीमियम का पैसा आपसे मांगेंगे, जितना आपने गुडविल बढ़ाया, मतलब 50 - 20 30 का 1/5, और वही आपको गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग रेशियो क्या था इनका, लो मैंने मिटा दिया शायद, 2:3 था, तो यहाँ पे 2400 और यहाँ पे 3600 है ना, 3600, तो आपका यहाँ पे बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये एक केस आपका निकल के आया, मतलब अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में होगा तो दो ही केस आएगा, या तो क्या जी गुडविल को हटा दो या फिर मत हटाओ, अगर कुछ ना बोले तो भी हटा देना है, तो हटाने के केस में हम ये काम करेंगे। और कहते हैं नहीं जी गुडविल को हमें उसी वैल्यू पे दिखाना है, तो फिर क्या करेंगे जी, इस तरीके से जितना था उतना ही छोड़ देंगे, नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें भी 20,000 आएगा, और जितने से गुडविल बढ़ गया उसी में से शेयर लेकर आएगा। क्लियर? एक दिमाग में और सवाल आ सकता है कि सर मान लो गुडविल यहाँ पे 50 के जगह पे 10 हो गया, फिर तो फिर लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। लाने के बाद तब होगी जब वैल्यू बढ़ गया, तब तो हमने कुछ मेहनत किया है, जब मेहनत किया नहीं तो फिर क्या उसमें पैसा मांगाना, वो केसेज नहीं बनेगा, इतने केसेज निकल के आएंगे। ये हमने 8 क्वेश्चन के रूप में आपको दोनों केस करा दिए, ठीक है। आइए जरा 9 क्वेश्चन भी मैंने एक रखा आपके लिए, अच्छा सा है गुडविल को ही समझने के लिए, ये हटा दूं मैं, 9th केस आप आएंगे, इसको मैं मिटा दूं, ये लीजिए, इसको मैंने हटा दिया यहां पे। 9th में चेक करेंगे क्या बता रहा है, कहता है कि एबीसी और पार्टनर्स रेशियो 4:3:2, 1 अप्रैल को डी एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर 1/4, ही हैज टू ब्रिंग 2 लाख कैपिटल 25 फॉर गुडविल, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, मेक एंट्रीज। आप कर जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स है या कर दूं मैं क्या 9th, एक्चुअली यहां पे एक अच्छा पॉइंट इसलिए मैंने रखा हुआ है। ये देखो पार्टनर्स के नाम
क्या नाम है जी पार्टनर्स के, एबीसी, ए बी सी एंड डी, ओल्ड रेशियो में मेरे बच्चे यहाँ पे क्या बता रहा आपको, 4-3-2, 4/9, 3/9, 2/9 और ये खत्म। न्यू रेशियो में क्या बता रहा है क्वेश्चन, कहता है कि डी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, तो 1/4 आपका, और कहता है कि रिमेनिंग दे डिसाइडेड लास्ट टाइम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब जब इक्वली करेंगे तो चार के बीच में क्या 1/4 ही आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ये दो तरीके से बता दिया, डी का शेयर नहीं भी बताता, कहता है कि दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, तब भी वही निकल के आता, तो बस कंफ्यूज करने के लिए। आइए अब हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, है ना, तो 4/9 माइनस 1/4 ओल्ड माइनस न्यू कितना हो गया जी, 36, 16 माइनस 9 तो 9/7 हो गया। यहां पे 3/9 माइनस 1/4 36 है, 3/36 आ गया, और यहां पे 2/9 माइनस 1/4 है, 36 आ गया, माइनस 1 आ गया। ओहो, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया था, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना, सेक्रीफाइस, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है मेरे बच्चे, ये गेन, नो डाउट कि ये भी गेन कर रहा है ना, जीरो था, अब इतना ले रहा है तो इसका गेन कितना हो गया 1/4, तो ये भी गेन कर रहा है ना। इसको लिखने कोई जरूरी नहीं, बट मैंने बता दिया अगर हुआ तो। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसको इसलिए दिया था कि आपको बातें समझ में आए, है ना, ये भी एक केसेज बनता है ना, हमने कई सारे क्वेश्चन इस पे किए हुए क्लास के अंदर में, तो वो भी देख लेते हैं। ये लो, चेक करेंगे, यहां पे आपका पहला एंट्री वो क्या क्या मांगा था जी, हमने कैपिटल का 2 लाख रुपीज और गुडविल का 25, कुछ ना बोले तब तो सारा पैसा लेकर आ गया, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जो गुडविल का पैसा है वो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहां पे 2 लाख रुपीज कैपिटल का, और जरा चेक करो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, इट्स 25,000, तो 25 आपका ये, यानी कि टोटल अमाउंट हो गया 2,25,000। सेकेंड एंट्री में आइए, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, मतलब जितना गेन किसने किया था, डी ने, वो हमने उसके उससे पैसा मंगाया और गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना जी, 25,000, है ना, जितना आपने गेन किया आप लेकर आए, आप भी तो गेन कर रहे हो सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट, है ना, उनके कैपिटल अकाउंट से, है ना, कितना, तो 1/36। मेरे बच्चे जानना होगा पहले कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, जरा बताओ, है ना, जो जितना गेन करेगा गुडविल ऑफ फर्म में से, फर्म की गुडविल कितनी है। हमने डी को कहा था कि आप लेकर आना 25,000, मांगा था ना डी से 25, 1/4 के लिए जितना आप गेन करो, मतलब न्यू रेशियो, तो 4/1 पूरा गुडविल कितना हो गया 1 लाख। तो जरा बताओ आपका सीज गेन, सीज शेयर इन, सॉरी, सीज गेन कितना हो जाएगा, तो 1 लाख पूरे फॉर्म की गुडविल है और आपने कितना गेन किया 1/36, है ना, आपने 1/4 गेन किया तो उतना लेकर आएंगे पूरे का, ये 36 तो इन डिवाइड बाय 36 आपका हो गया मेरे बच्चे 2778। जो जितना गेन करेगा वो देगा 2778, और किसको मिलेगा, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो गया जी, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 7:3। जब भी जिसके बीच में रेशियो चेक करोगे उसका डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो ठीक है 7:3।
तो ये टोटल अमाउंट जो है ना, ये टोटल अमाउंट यानी कि कितना 27778 आप इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 7:3 के रेशियो में. क्वेश्चन खत्म हो गया. क्लियर ना? कोई दिक्कत इसके अंदर में? नहीं सर. ठीक है, ये भी काम खत्म हो गया. एक बनता है बच्चे कि गुडविल का पैसा मान लो काइंड में लेकर आए, ये भी एक केस बनता है. अभी तक जो क्वेश्चन किया, गुडविल का पैसा लाया फिर नहीं लाया, अगर लाया तो कैश में लेकर आया, बट काइंड में लेकर आए. काइंड का मतलब होता है कि गुडविल का पैसा वो आपका कैश में ला के कोई दूसरा एसेट्स लेकर आ जाए, फिर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही ट्रीटमेंट चलेगा, है ना. ये देखिए आप आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 10 के पास. 10th क्वेश्चन कहता है, 10th में एक्स वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. 1st April को दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/13 शेयर इन द प्रॉफिट. न्यू रेशियो 5:3. ओल्ड भी बता दिया, न्यू भी बता दिया. जेड कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल. मतलब कैपिटल गुडविल के लिए ये सब कुछ लेके आ रहा है. स्टॉक, अभी तक सिर्फ कैश ला रहा था, स्टॉक ला रहा है, डेटर्स ला रहा है, लैंड ला रहा है, प्लांट मशीनरी ला रहा है. ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन गुडविल कहता है कि 1040 वैल्यू किया गया. मैं डायग्राम पे आपको दिखा दूं, पहले से दो पार्टनर एक्स एंड वाई, इनका जो रेशियो था मेरे बच्चे पहले से 3:2 का था. यहाँ पे हम लोगों ने जेड का एडमिशन लिया है और जेड का एडमिशन 3/13 के लिए, 3/13 कहता कि इसके बाद एक्स वाई जेड का जो रेशियो है वो भी बता रहा आपको कि 5:5:3. मतलब अब जो रेशियो होगा 5:5:3 का होगा. कूल, ठीक है. ओल्ड रेशियो बता दिया, न्यू बता दिया. कहता कि गुडविल जो फर्म की वैल्यू की गई है, यहाँ पे फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल, वो कहता है कि 10,40,000. तो जरा बताओ कि जेड शेयर, अगर फर्म की गुडविल इतनी है तो जेड शेयर इन गुडविल जो उसे हम मंगाएंगे वो कितना? 1040 का 3/13, जितना शेयर वो आगे लेगा उतने तो मंगाऊंगा. तो मुझे बताइए कितना हो गया, 1,40,000 का इंटू 3/13, 2,40,000. मेरे बच्चे वो 2,40,000 उसको गुडविल का पैसा लाना था. एक बात चेक करते हैं यहाँ पे, ये वर्किंग नोट्स नंबर 1 हो गया आपके लिए. वर्किंग नोट्स नंबर 2 चेक करो, क्या क्या लेकर आया है जी. जेड क्या क्या लेकर आया, चेक कीजिए. स्टॉक लेकर आया है जेड, जो है ना वो स्टॉक लेकर आया है 80,000, मतलब कैश के बजाय अब ये सब चीज लेके आ रहा है. डेटर्स भी ला रहा है 120 का, वो डेटर्स लेके आ रहा है 1,20,000 का. और क्या लेके आ रहा है, लैंड लेकर आया अपना वो 2 लाख रुपए. मतलब उसके पास ये सब कुछ था, बोला कि यार बिजनेस में मैं ही डाल देता हूँ कैश के बजाय. फिर आपका प्लांट मशीनरी 1,20,000 प्लांट मशीनरी 120. इसके बाद और कुछ नहीं सर. तो टोटल कितना हो गया, तो 5,20,000. टोटल एसेट्स ब्रॉट इन बाय डी, सॉरी क्या नाम है, जेड, वो हो गया आपका 520. तो पक्का है ये दो चीज के लिए लाया होगा, या तो कैपिटल के लिए लाया होगा या फिर शेयर इन गुडविल. तो शेयर इन गुडविल कितना था उसका, 240. यानी कि इसमें से 240 का गुडविल का शेयर है और कैपिटल कितना हो गया जी, फिर 520 माइनस 240, यानी कि आपका 520 में से अगर इसको मैं माइनस करूं तो 2,80,000. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अभी तक जो क्वेश्चन में हमेशा वो कैश लाया करता था बैंक से पैसा, मेरे बैंक बच्चे बैंक के बजाय, अच्छा मैं एक काम करूं, पहले वर्किंग नोट्स नंबर 3, क्योंकि हमें गेनिंग रेशियो चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो वो भी देख लें, क्योंकि पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी देख लें, है ना. पार्टनर्स का नाम एक्स वाई जेड. ओल्ड रेशियो बताइए 3/5 एंड 2/5. न्यू में 5:5:3, 5/13, 5/13 एंड 3/13. ये पार्टनर्स ओल्ड न्यू. नाउ कम टू सेक्रीफाइसिंग.
ओल्ड माइनस न्यू 3/5 माइनस 5/13 कितना हो गया, तो ये 65 हो जाएगा नीचे में, 39 माइनस 25 14/65 ठीक है, इसका कितना आ रहा है 2/5 माइनस 5/13 65 26 माइनस 25 1/65 और ये तो गेन कर रहा है। तो मेरे बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपका निकल के आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही लिख देता हूं, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया एक्स एंड वाई में 14:1 का, ठीक है ना, तो 14:1 और जेड उतना गेन कर रहा है। तो अब एंट्री कीजिए शुरू, जर्नल एंट्रीज। क्या पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है? नहीं है, होती तो मैं उसको राइट ऑफ कर देता है ना, कुछ ना बोले तो, और बोलता कि भैया उस पर दिखाना है तो फिर हम ट्रीटमेंट आपको बता ही चुके, और तीसरा कोई केस बनेगा नहीं तो छोड़ दो आप। अब देखो अभी तक हम बैंक को डेबिट करते थे, अब इनको डेबिट करेंगे जो जो चीज वो लेकर आया। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 1,20,000, जो भी एसेट्स बिजनेस में लेकर आया है। लैंड अकाउंट डेबिटेड आपका 2 lakh rupees का अमाउंट, फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड कितना जी 120 का अमाउंट, एंड टू क्या बोलेंगे जेड कैपिटल अकाउंट, इसमें कुछ पैसा कैपिटल के नाम पे है एंड कुछ जो एसेट्स है वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जेड कैपिटल का इसमें पैसा है 2,80,000, हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, और गुडविल का पैसा है 2,40,000, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, बाकी सारी बातें सेम होगी, बस बैंक की जगह पे ये लेके आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 240 जितना आपने गेन किया, और किसको दे देंगे एक्सेज कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल जो 2,40,000 है वो इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 14:1। तो मेरे बच्चे आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 ये आ गया 2,24,000, और ये आ गया आपका 16,000, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये समझना होगा बैंक की जगह पे ये सारे एसेट्स आ गए, क्या दिक्कत है इसमें, हो गया आपका ये सर। इसके बाद तो अब एक हिडन गुडविल समझ लेते हैं, और उसके बाद तो फिर बस आपका रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर मस्ती है। और रिवोल्यूशन में मैंने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाए ना आपके लिए कि मजा आ जाएगा, मतलब सबका रिविजन एक साथ मजा होने वाला आज। ये लो मैं इसको मिटा दूं, और जल्दी से एक बार हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। हिडन गुडविल कुछ नया चीज नहीं है, इसमें क्या होगा क्वेश्चन से समझते हैं। 11 question देखिए, 11 question हिडन गुडविल मतलब गुडविल है बट क्वेश्चन में छिपा हुआ, उसको निकालने के लिए बोलेगा आपको। अब है बीना आर पार्टनर्स, दे एडमिट चेतन एज ए पार्टनर फॉर 1/4 share इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। चेतन ब्रिंग्स 2 lakhs एज हिज कैपिटल, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 540 है एंड टोटल लायबिलिटी कहता है कि 1 lakh rupees है। ऑन दैट डेट गिव एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन, ऑल्सो शो वर्किंग नोट्स। मेरे बच्चे यहां पे हम क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट आपको समझाने के लिए, ये आपको समझाने के लिए क्वेश्चन में नहीं करना, कहता है कि एसेट्स जो है यहां पे टोटल एसेट्स वो 5,40,000 के, और जो लाइबिलिटीज यहां पे हैं लाइबिलिटीज वो कितना बता रहा आपको 1 lakh rupees है ना, पहले से जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन की बात कर रहा है। तो मतलब कैपिटल ऑफ वो दो पार्टनर अभय एंड बीना, अभय एंड प्लस बीना, इन दोनों का मिला के आपका कैपिटल कितना है जी, अभय और बीना का कैपिटल आपका, अभय बीना का जो कैपिटल है कितना बता रहा है, अच्छा वो तो बैलेंसिंग से निकलेगा बदमाश, 540 माइनस 1 4,40,000,
ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, ये आपको पहले से है सिचुएशन। अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहां पे गुडविल निकालने के लिए, निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। इसका मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है न्यू पार्टनर का, चेतन्स कैपिटल। मतलब जो चेतन का कैपिटल है, हमने 2 लाख रुपीज मंगाया है 1/4 के लिए, तो पूरे फॉर्म के लिए रिवर्स करते हैं। रीजन मैंने क्लास में आपको समझाया जी, 8 लाख रुपीज का अमाउंट ये हो गया। फिर इसमें से हम लेस करते हैं आपका एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन के डेट पे जो भी आपके कैपिटल है वो कितने कितने, तो इसमें अभय का, बीना का और तीसरा चेतन, इनका भी मिला के टोटल कैपिटल देखा जाएगा। तो अभय बीना का इकट्ठा करके तो 440 आ गया और चेतन का 2 लाख रुपीज जो अभी लेकर आया, तो ये कितना हो गया 660। तो जो डिफरेंस आया वही यहां पे गुडविल कहा जाता है। ऐसे हमने वैल्यूएशन गुडविल पढ़ा था ना, कैपिटलाइजेशन मेथड, वही आपका है 140 का अमाउंट है ना बच्चे, गुडविल निकल के आ गया। अगर मान लो यहां पे क्वेश्चन में आपका रिजर्व कुछ बताता, तो सब कुछ इसमें प्लस माइनस करने के बाद, मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल होता है हम उसके बेसिस पे काम करते हैं। हम लोगों ने क्लास में इसका डिस्कशन किया हुआ है। तो ये भी हमारा काम खत्म हो गया। अब हम आगे अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में और रिवॉल्यूशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मेरे बच्चे रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो हमने पिछली क्लास में समझ लिया है, आपका वो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो का जो हमने रिविजन क्लास किया था उसमें कॉन्सेप्ट बता दिया है, बट मैंने वहां पे ज्यादा टिपिकल एडजस्टमेंट्स की बातें नहीं की थी। तो वो जो जितने टिपिकल एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है ना। और यही नहीं, वो जो आपने रिजर्व का ट्रीटमेंट जो वहां सीखा था, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे है, सेम ट्रीटमेंट आपका है वर्कमैन कंपनसेशन का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व का या प्रोविडेंट फंड का, एवरीथिंग इज सेम। हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। आइए ना एक क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग, देखेंगे आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12 से। इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे मैंने कहा ना रिवीजन है, मैंने इसमें क्या किया है बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। और हमारे जो बड़े बच्चे हैं खासकर सी ए सी एम ए वाले, वो देखते हैं कि मैंने कितने टफ टफ क्वेश्चन आपको क्लास में कराए हुए हैं, तो वो केसेज वहां से पढ़ लेंगे, शॉर्ट रिविजन आप मेरे साथ यहाँ पे कर लेंगे। 12 क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का, सुनिए ध्यान से क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्वदेश एंड स्वराज वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, संभव इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/5 शेयर, ठीक है 1/5 के लिए आ रहा है। देयर बैलेंस शीट कहता है एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज कैश बैंक डेटर्स लेस प्रोविजन स्टॉक फर्नीचर मशीनरी लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट 40 मार्केट वैल्यू से। इतने सारे पॉइंट, सारे मैंने कहा ना, मैंने अच्छे अच्छे पॉइंट्स इकट्ठा किए। देखो तो पहले इधर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, कैपिटल अकाउंट दोनों का बता रहा है। संभव विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव विल बी विदड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज, मतलब विदड्रॉ कर लेंगे। प्रोविजन कहता है कि शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 14,000 वेयर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 2.5%, आगे पढ़ेंगे। स्टॉक भी वैल्यूड एट 23, कैशियर मिस अप्रोप्रिएट, बदमाश कैश लेके भाग गया 4,000। लैंड बिल्डिंग कहता कि अप्रिशिएट करना 20% से, इन्वेस्टमेंट कहता कि 2,000 विच डिड नॉट अपियर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। An item of 600 included in sundry creditors is not likely to be claimed, hence should be written off. There was an unrecorded equipment 40,000 car now estimated at 28,000 out of the amount of insurance premium which was debited to profit loss account 5,000 to be carried forward to the next year. Liability on account of workmen were estimated at 12,000. Record necessary entry and prepare balance sheet. Entries कह रहा है।
तो मैं तो अकाउंट बना देता हूँ, एंट्री पूछेगा तो एंट्री कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। आओ ना ट्वेल्थ में हम लोग क्या करेंगे जी, झगड़े खत्म करने हैं। तो जितने भी एसेट्स लायबिलिटी में चेंज आ रहा है उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए वी प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, है ना। हमने बहुत 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 सारे क्वेश्चन इसके ऊपर में किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो वो हमारे दिमाग में बैठे होने चाहिए। ये लीजिए, ये हमारा यहाँ पे आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट। और फिर यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थोड़ा स्पीड बनाएंगे हम लोग, फास्ट फास्ट काम करेंगे। कितने पार्टनर्स है क्वेश्चन के अंदर में, दो पहले से एक नया, तीन पार्टनर्स हो गए, तो विल ओपन थ्री कॉलम्स। ये हमारे पास थ्री कॉलम्स यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। इधर भी हमने थ्री कॉलम्स रेडी किया यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के लिए, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है जी, यहाँ पे देखो कैश है, बैंक है, और आपको नहीं बता रहा कि ट्रीटमेंट किससे करना है, तो बेटर होता है कि कैश बैंक दोनों को इकट्ठा कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, कैश बैंक दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ, या फिर आप कहो ना तो मैं सारे ट्रीटमेंट जो है ना इसमें सारे ट्रीटमेंट मैं यहाँ पे किसी, चलो कोई बात नहीं, कैश और बैंक दोनों को इकट्ठा कर लो, तो विल प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट। एग्जाम में अगर कुछ ना बताए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एंट्री किसके थ्रू हो रही है, तो हम लोग कैश बैंक इकट्ठा भी करके दिखा सकते हैं, हम चाहे तो सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू एंट्री दिखा सकते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश एंड बैंक अकाउंट में दोनों यहाँ इकट्ठा दिखा दूंगा, परेशान मत होना आप यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो, मतलब समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बैंक से एंट्री सिर्फ दिखा सकते हो, आप कैश से एंट्री सिर्फ दिखा सकते हो, आप दोनों इकट्ठा करके दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। बैलेंस शीट तो बाद में बना लेंगे, पहले बैलेंस शीट में जितने नाम है उनको लिखना शुरू कीजिए। पहले कैपिटल अकाउंट तो लिखो ना यहाँ पे, अब पार्टनर का नाम बताइए पहले क्या है, स्वदेश स्वराज, एक हो गया स्वदेश, ठीक है, एक हो गया स्वराज, ठीक है। और नया पार्टनर कौन था जी, जो एडमिट हुआ था, इट वॉज संभव, मेरे साथ साथ करना मेरे बच्चे, है ना। ये कई अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ आपके लिए, स्वदेश यहाँ पे, स्वराज, स्वराज, और फिर आपका संभव, संभव यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो बाई बैलेंस बीडी, है ना, बाई बैलेंस बीडी, इनके कैपिटल को सब कुछ एडजस्ट करना होगा जो चीजें हमारे पास। तो स्वराज का, स्वदेश का 60,000 कैपिटल है लिखिए, और इनका कहता है कि 40,000 का अमाउंट है, पहले से इनका था नहीं। इसके बाद कहता है, आप देखो बैलेंस शीट में कौन कौन से नाम है, जैसे कैश एंड बैंक, तो मैं दोनों इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पे, जब दोनों का इकट्ठा कर लिया तो टू बैलेंस बीडी एसेट से डेबिट बैलेंस होता है, कैश एंड बैंक कितना हो गया 40,500। अगर कोई डिस्प्यूट है तो जो आपने क्लास में रेगुलर किया उसी तरीके से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप जरा देखते हैं बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, कोई लॉसेज है जो हमें राइट ऑफ करना है जी। तो हमारे पास लायबिलिटी साइड में दिखा क्या, कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है, ठीक है। एसेट साइड में कोई नाम आपको लॉस इस सब का नहीं दिख रहा है, ठीक है सर। वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये उसका देखेंगे अभी, आप आइए नीचे में। पॉइंट नंबर वन कहता है कि संभव 20,000 कैपिटल का और 5,000 गुडविल का लेकर आएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आपने क्या किया, टू संभव कैपिटल, है ना, संभव कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल का बता रहा आपको यहाँ पे, संभव कैपिटल कितना है 20,000, ये 20,000 आपका कैपिटल का हो गया। और फिर लेके आ रहा है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जरा बताओ गुडविल का कितना अमाउंट, 5,000। आप क्या करते हो, ये जो कैपिटल का अमाउंट है यहां चला गया बाय बैंक अकाउंट, है ना, बाय बैंक अकाउंट। तो मेरे बच्चे यहां पे आपका 20,000 संभव के कैपिटल में चला गया, और ये जो प्रीमियम का पैसा आया है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, आप जानते हैं कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग क्या करते हैं जी, स्वदेश एंड स्वराज को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो ऊपर में स्वदेश स्वराज का ओल्ड रेशियो 1:1 है, नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, और कहीं भी रेशियो में चेंज नहीं बता रहा है कि आगे इनका रेशियो कोई चेंज होगा। तो आप जानते हैं कोई चेंज ना बताए तो ओल्ड ही आपका सेक्रीफाइसिंग बन जाता है, यानी कि 1:1। तो मेरे बच्चे 2500 इनके हिस्से में, 2500 इनके हिस्से में, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर वन खत्म,
है ना, गुडविल अमाउंट संभव ने जो संभव लाया वो स्वदेश एंड स्वराज ने विड्रॉ कर लिया. अगर विड्रॉ कर लिया तो इतना पैसा इनके अकाउंट से निकल गया, टू बैंक अकाउंट, है ना, टू बैंक अकाउंट. आपने 2500 विड्रॉ कर लिया, आपने 2500 विड्रॉ कर लिया, और कैश बैंक में क्या बोलेंगे, बाय स्वदेश, स्वदेश कैपिटल अकाउंट, और बाय आप यहां बोलेंगे स्वराज, स्वराज कैपिटल अकाउंट. कितना जी, 2500. मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल है, बढ़ना इंक्रीज करना क्रेडिट होगा और डिक्रीज करना डेबिट करेगा. बैंक है, पैसा बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं सर. आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े, बस ये ध्यान रखना प्रॉपर एंट्री हो, डबल एंट्री आपका, ठीक है ना. पॉइंट वन खत्म. पॉइंट टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है बी ब्रॉड अप टू 5% ऑन डेटर्स. तो समझो ना मेरी बात, डेटर्स बैलेंस शीट में 20,000 है, 20,000 का 5% जो है दैट बिकम्स 1,000. अब कहता है कि प्रोविजन आपका 1,000 होना चाहिए, ब्रॉट अप टू मतलब उतना रखना है, 500 का प्रोविजन ऑलरेडी है, 1,000 रखना है तो 500 से प्रोविजन को बढ़ा देंगे, प्रोविजन बढ़ेगा मेरे बच्चे. और आपको मैंने बताया हुआ है कि जितने भी आपके घाटे होंगे या जो डाउट है कि मतलब घाटे होंगे सब इधर और फायदा यहाँ पे, ये घाटा फायदा एग्जाम में मत लिख देना, ये ट्रिक है समझने के लिए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट होने से हमें एक लॉस हो रहा है, एक एक्सपेंस हो रहा है, और 500 से वो इंक्रीज कर रहा है तो 500 से बढ़ा देंगे, है ना बच्चे. पॉइंट नंबर थ्री पे आइए, कहते हैं कि डेटर्स हुज ड्यू ऑफ 14,000 वेर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर. पीछे के वर्षों में एक डेटर था जी जिसका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया था और वो 10,000 आपको दे के चला गया. पहली बार कि ये 14,000 का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट में नहीं है, है ना. तो बैलेंस शीट में नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जरा बताओ वो उससे रिकवरी कितना हुआ, हमारे पास कैश कितना बढ़ा, 10,000, तो 10,000 का फायदा हो गया. अरे कैसे बताऊं, जो आपका 10,000 रुपीज आपने रिकवर्ड किया है तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट होता है ना बच्चे. तो यहां पे कोई हम इनकम सबको तो नाम नहीं लिख रहे हैं, हमें क्या करना है कि अगर एसेट्स बढ़ गया हमारे पास, कैसे कंपेयर करते हैं, जो आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है ना, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट आप चेक करना वो अमाउंट कितने का है और उसकी वैल्यू कितना घट रहा बढ़ रहा है. तो मुझे पॉइंट नंबर थ्री पढ़ के बताओ कि जो डेटर्स को हम क्लोज कर चुके हैं बैडर्स लिख के, क्या वो डेटर्स मेरे बैलेंस शीट में है, नहीं है, पहले से कुछ भी नहीं था, और उससे रिकवरी कितना हुआ, 10,000, तो 10,000 का फायदा हो गया. बैलेंस शीट में जो वैल्यू जीरो था उसके बदले में आपको 10,000 मिला है. तो मेरे बच्चे एक तो रिवेल्यूशन अकाउंट में फायदा रिकॉर्ड करना होगा, तो बाई कैश या बाई बैंक आपकी मर्जी, बैंक से एंट्री कर लो, 10,000 रुपीज की हमने यहाँ पे एक फायदा दिखाया और बैंक हमारा बढ़ जाएगा. बैंक में क्या बोलेंगे, टू रिवेल्यूशन अकाउंट, है ना. अब आप कहोगे कि सर आप समझाओ रीजन क्या है, तो आज तो बस इतना ही समझा सकता हूँ क्योंकि रिविजन क्लास है, कि आपके एग्जिस्टिंग जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है आप चेक करो उसमें पॉइंट नंबर थ्री का अमाउंट कितना दिख रहा है, जीरो, क्योंकि वो 14,000 आपके बैलेंस शीट में है नहीं, आप उसको खत्म कर चुके हैं. तो जो बैलेंस शीट में नहीं था बच्चे उसके बदले में 10,000 की रिकवरी हुई है, तो 10,000 का फायदा हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट में जो फिगर है उसी से हम घाटा फायदा कंपेयर करते हैं. तो 10,000 के फायदे को रिकॉर्ड कर लिया और पैसा है बैंक में बढ़ा दिया. फोर्थ पॉइंट बड़ा ही अच्छा है, मशीनरी इज अंडर वैल्यूड. बहुत ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना, कहता है कि मशीनरी जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में मशीन कितना है जी, बैलेंस शीट में मशीन सर वो 18,000. मेरे बच्चे बैलेंस शीट में जो मशीन आपका 18,000 का दिख रहा है वो कहता है कि इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब इसकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी नहीं है, वो 10% से कम है. तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, याद रखना 18,000 जो है ना, ये मेरे बच्चे अगर इसका जो करेक्ट बैलेंस था, करेक्ट बैलेंस मान लो अगर 100 था तो लेस वैल्यूड, लेस कितना वैल्यू किया गया है इसमें, 10%, यानी कि 10. तो जो वैल्यूड है अभी जो दिख रहा है वो कितने पे दिख रहा है, 90 पे. यानी कि ये जो 18,000 आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है ये अंडर वैल्यूड है. लैंग्वेज पढ़ो, यानी कि ये जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी ना उससे 10% कम पे दिख रहा है मेरे बच्चे. यानी कि ये जो वैल्यू है ना आपका वो 90 के बराबर है, 90 के बराबर. तो अगर मैं इसकी सही वैल्यू दिखाऊं तो कितना, 100,
यानी कितना हो गया आपका 20,000। मतलब जो मशीनरी 18,000 का बैलेंस शीट में दिख रहा है एक्चुअली उसकी वैल्यू 20,000 रुपीज है। तो हमें क्या करना होगा, वैल्यू को 2,000 से बढ़ाना होगा, है ना, रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो आप यहां क्या करेंगे, फायदे साइड में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी है कि मशीनरी है, मशीनरी, तो आप जो नाम लिखा होगा वही लिख देना, बाय मशीनरी, है ना। और आप यहां पे क्या करेंगे जी, 2000 से इंक्रीज कर देंगे, लैंग्वेज ध्यान देंगे ना, अंडर वैल्यूड है, मतलब वो कम पे दिख रहा है, तो सही कर देंगे जी। यहीं पे कहता है कि फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम करना है, तो कम करना है मतलब घाटा रिकॉर्ड किया जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। जरा बताओ ना कि 12.5% से अगर मैं कम करता हूं तो फर्नीचर हमारे बैलेंस शीट में कितना है, 10,000, यस सर, तो उसका 12.5% 1250 का अमाउंट हो जाएगा, ये 1250 हो गया, है ना। अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया आपको रिविजन के लिए आएंगे। फिफ्थ पॉइंट, स्टॉक की वैल्यू कहता है कि स्टॉक बी वैल्यूड एट 23, यानी कि स्टॉक की वैल्यू 23 पे दिखानी है। स्टॉक पहले से बैलेंस शीट में कितना, स्टॉक दिख रहा है 20 पे, तो 3000 से वैल्यू को बढ़ा दो, और अगर वैल्यू बढ़ गया तो फायदा हो गया स्टॉक 3000 का। मेरे बच्चे, मैंने कहा है कि आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें चेक करो वैल्यू कितना है और कितना किया गया, तो उसी के घाटा फायदा हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद कहता है वो, देखो बदमाश कितना अच्छा पॉइंट एक दिया है, कैशियर हैज मिस अप्रोप्रिएटेड कैश 4000, जो कैशियर था ना आपका, वो बदमाश आपका कैश 4000 लेके भाग गया, मिस अप्रोप्रिएटेड मतलब कि चोरी करके भाग गया, तो कैश 4000 से कम हो गया। एक तो हमारा एसेट्स कम हो रहा है, घाटा हो गया, आप बोलेंगे टू कैश अकाउंट, और कितने से घाटा हुआ, 4000 से, क्योंकि कैश अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो इसका कोरस्पोंडिंग एंट्री यहां चला जाएगा, बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। कैश के सिवाय और कोई अकाउंट नहीं बना रहे, अगर हम बिल्डिंग अकाउंट बनाते प्लांट मशीनरी तो उसके अकाउंट में उसकी एंट्री करते, बट कैश अकाउंट बना रहे मेरे बच्चे तो वहां पे हम उसको दिखा रहे हैं, कोई डाउट इसमें नहीं सर। चोरी करके भाग गया बदमाश, तो कैश कम हो गया, घाटा हो गया। लैंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड, लैंड बिल्डिंग को हमें एप्रिशिएट करना है 20% से। जरा बताओ लैंड बिल्डिंग आपका बैलेंस शीट में कितने का था, 70,000, एंड 20% से अगर एप्रिशिएट करना है तो फायदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा लैंड बिल्डिंग 14,000 का। अब लैंड बिल्डिंग अकाउंट बनाता रहा तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग करता, जैसे कि कैश बैंक का कर रहा हूं, उसका थोड़ी बनाना, फिर तो जिंदगी एक ही क्वेश्चन में कट जाएगी जी अकाउंट बनाते बनाते। उसके बाद आइए आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट नंबर 8 पढ़ रहे हैं, 2000 विच डिड नॉट अपियर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। मेरे बच्चे 2000 से इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में नहीं है उसको लाना है, लेकर आओ ना, फायदा रिकॉर्ड हो गया। एक इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 2000 का और आना चाहिए, वो कहता है कि बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सब में अकाउंट लगा हुआ है, मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, है ना, 2000 से हमने अप्रिशिएट कर दिया। और फिर कहता है 8 पॉइंट को पढ़ना, An item of 600 included in sundry creditors is not likely to be claimed. एक क्रिएटर था 600 रुपए का, वो अब हमसे पेमेंट नहीं मांग रहा, तो फायदा हो गया जी, है ना, बाय क्रिएटर्स, हमें पेमेंट नहीं करना है, अगर पेमेंट नहीं करना तो इट्स बेनिफिट फॉर अस, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। और फिर कहता है 9th पॉइंट में, सर बहुत फास्ट चलो, मत बोलो ऐसी बातें, गंदा लगता सुन के, अरे रिवीजन क्लास है, सारे पॉइंट्स करा चुका हूँ, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को एक क्वेश्चन में इकट्ठा किया, ऐसे मत बोलो गंदा लगता है, पढ़ो 9th पॉइंट क्या बता रहा है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 40,000, नाउ एस्टिमेटेड एट 28,000। पहली बात, इक्विपमेंट अनरिकॉर्डेड है, तो ये जो 40,000 बता रहा है मेरे बच्चे, याद रखना अनरिकॉर्डेड है, यानी कि इस बैलेंस शीट में जीरो का है, बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दिया उसमें वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, और आज उसकी वैल्यू कहता है कि 28,000, तो वो उसकी कॉस्ट 40 है, 50 है, 10 है, 2 है, मतलब ही नहीं बनता, हमें तो जीरो जो बैलेंस शीट में है ना उसको अब 28,000 पे दिखाना है, तो इक्विपमेंट पे जो आप फायदा रिकॉर्ड करेंगे दैट विल बी ओनली 28,000 इक्विपमेंट अकाउंट। वो तरह तरह से आपको परेशान करेगा, लेकिन मेरे बच्चे आप उसके जाल में नहीं फंसना, जो बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड है मतलब जीरो पे था, उसकी वैल्यू आज 28,000 होगी, इतना ही मतलब समझना और कुछ नहीं, आगे बढ़ो।
टेंथ में कहता है आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पिछले साल का जो प्रॉफिट लॉस बना था उसमें हमने क्या किया था जी, सारा प्रीमियम इंश्योरेंस का हमने डेबिट किया, मतलब खर्च के रूप में दिखा दिया था। लेकिन कहता है कि उसमें से 5000 आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अभी कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब 5000 एक तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस है। अरे प्रीपेड इंश्योरेंस जो अभी अगले साल का है वो कहता है कि 5000 का आपको दिखाना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो करो ना, बैलेंस शीट में वो जीरो पे था, अब उसको मैं 5000 पे दिखाना है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, है ना, कितना जी 5000 का अमाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आगे बढ़ना, कहता है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन वेर एस्टिमेटेड एट 12000। मेरे बच्चे सुनना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है क्या? ये सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30000 है मेरे बच्चे, और 30 में कहता है कि 12000 की लाइबिलिटी एस्टिमेटेड है कि बनेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, जितना एस्टिमेट है 12000, तो ये 12000 से एंट्री हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो 30000 था उसी में से 12000 मेरे बच्चे दूसरे नाम से कन्वर्ट हो रहा है, पहले वो इस नाम से था, अब इस नाम से वो यहां पे नहीं जाएगा। पढ़ाया हमने आपका पिछले वाले चैप्टर के रिवीजन में, दोबारा क्यों बताऊं। लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो बाकी का 18000 है उसका क्या? तो रिजर्व है उसका कोई यूज भी नहीं है, हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18000, रेशियो क्या है इक्वली, तो 9000 9000, और हाँ इसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट का जितने घाटे फायदे जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट कुछ भी बोलेगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30000 है उसमें से 12000 तो नए बैलेंस शीट में अब प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी के नाम पे रहेगा, और बाकी 18000 जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से चेक कीजिए बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट के अंदर वो 40000 का था, कहता कि उसकी मार्केट वैल्यू अब 22 हो गया, ये इन्वेस्टमेंट अलग है मेरे बच्चे, ये तो बुक में था ही नहीं जो हम लेकर आए हैं, अब कहता कि बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट 40000 का था उसकी वैल्यू अब आपको 22 दिखाना है, यानी कि 18000 से हमें उसकी वैल्यू कम करना है। मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18000 से कम कर दूंगा क्योंकि मुझे उसको अब रिवैल्यूएशन करना है, 18000 से कम कर दूंगा, लेकिन अगर इसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा तो वहां से एडजस्टमेंट होगा, और अगर वो नहीं होगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि मेरे बच्चे यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है, और कितना दिख रहा है 15000, तो ये जो 18000 की वैल्यू गिरेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करूंगा 15000, और बाकी 3000 का जो और वैल्यू गिर रहा है वही कहा जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में, है ना, हमने पढ़ा हुआ है मस्त तरीके से। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या बोलेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आपका हो जाएगा जी, इट्स ओनली 3000 का अमाउंट, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप और क्या बता रहा है? बस सर कुछ नहीं बचा। तो आप देखो ना, अब सारे एडजस्टमेंट्स के पॉइंट खत्म हो चुके, बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व लॉस होता तो मैं उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता, एक बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड है बट वो लायबिलिटी होता क्योंकि इम्प्लॉय का पैसा होता, वो रिजर्व नहीं होता, हम उसका कुछ नहीं करेंगे, बाकी सारे नाम लायबिलिटी सब दिख रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया मेरे बच्चे। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन कराना इसलिए पूरा करा रहा हूँ। 12, 3, 15, 19, 29, 31, 31600, फिर से ठीक है, और 28000 इसमें ऐड किया और प्लस 5000 हमने ऐड किया, तो ये आ गया 64600 का अमाउंट। 64600 में से आपने कितना माइनस किया यहां पे जी, तो 7000, और आपने माइनस किया 1250 और माइनस किया 500 का अमाउंट, बच्चे 55850 का अमाउंट, ये हमारा क्या निकल के आ गया, इट्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
ये जो प्रॉफिट आपका निकल के आया वो किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को. स्वदेश एंड स्वराज किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. स्वराज क्यों ओल्ड रेशियो में? क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट का कुछ भी चेंज करना उसमें घाटा फायदा. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. रेशियो मेरे बच्चे इक्वली है तो डिवाइड बाई टू, यानी कि 27925. और जल्दी से ये प्रॉफिट लॉस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में लेकर आएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना. फायदा कैपिटल को बढ़ा देगा. इट विल कम टू हियर. तो 27925 एंड 27925, इसमें कोई डाउट आपको? नहीं सर, सब कुछ खत्म हो गया. एक बार चेक कर लो आपके पास कैश बैंक, अब आपके पास बाई बैलेंस सीडी कितना है, क्योंकि जो अपडेटेड चीज होगा वही बैलेंस शीट में जाएगा. तो 40,500 प्लस 20,000 का अमाउंट प्लस 5,000 का अमाउंट प्लस आपका 10,000 का अमाउंट, इसमें से माइनस किया 4,000 और एक 5,000, दोनों का मिलाकर मेरे बच्चे 66,500. अगर कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा होगा तो आप मुझ पर चिल्लाना नहीं, हुआ आपका काम है. मेरा काम कॉन्सेप्ट सिखाना है, वही सिखा रहा हूँ और कुछ भी नहीं. तो जल्दी से आप एक काम करो, इनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनको भी अपडेट करो और चेक करो कि अब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल का. तो आओ ना एक बार चेक करते हैं इनका कैपिटल का बैलेंस. यहाँ पर टू बैलेंस सीडी हो जाएगा. तो पहले मैं स्वदेश का देखो, 62,500 ऊपर का दो प्लस करके, फिर 9,000 का अमाउंट और फिर आपका 27925, इसमें से मेरे बच्चे 2500 रुपीज आप माइनस करेंगे तो 96925. कोई डाउट इसमें? नहीं सर. फिर वहां पे आइए, 42,500 का अमाउंट, 9,000 का अमाउंट एंड 27925, इसमें से आप माइनस करेंगे 2500, तो ये आ गया 76925 का अमाउंट, 76925. और वहां पे 20,000 में कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो 20,000 का अमाउंट, खत्म होगी बात. बैलेंस शीट बनाऊंगा आफ्टर एडमिशन, अपडेट किया हुआ. बताओ इन सब चीजों को मेरे बच्चे क्यों नहीं बना पाएंगे? सर जर्नल एंट्री पूछ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? जर्नल एंट्री पूछेगा तब भी अकाउंट बनाना पड़ेगा. बिना अकाउंट बनाए बगैर आप प्रॉफिट लॉस पता नहीं कर पाओगे ऑन रिवॉल्यूशन. तो बनाना है इसको, वर्किंग में बना लो कोई बात नहीं, बट बनाओ फिर एंट्री करना. एंट्री क्या होगी जी? सॉरी, एक ही एंट्री करना. रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन टू फर्नीचर टू कैश टू इन्वेस्टमेंट. दूसरी एंट्री, बैंक मशीन स्टॉक लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट क्रिएटर्स इक्विपमेंट प्रीपेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट. तीसरी एंट्री, रिवॉल्यूशन टू स्वदेश स्वराज, खत्म होगी बात. चौथी एंट्री कैपिटल प्रीमियम लाने का, पांचवी एंट्री प्रीमियम का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, छठी एंट्री पैसा विड्रॉ करने का, सातवीं एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, आठवां इन्वेस्टमेंट का, खत्म हो गई बात. क्यों नहीं मेरे बच्चे कर पाएंगे जी? बैलेंस शीट पे आओ जल्दी से, मुझे बताओ ना. अब देखो बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक जो था हमने उसको इकट्ठा कर दिया, तो अब यहाँ पर कैश एंड बैंक ही लिखेंगे इकट्ठा करते हुए. अमाउंट कितना जो अब हो गया 66,500. इसके बाद मेरे बच्चे आपका डेटर्स, डेटर्स जो 20,000 का था उसमें कहीं कोई चेंज नहीं, 20 ही रहा. लेकिन हाँ, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो अब आपका 1,000 हो चुका, क्योंकि 5 पहले से था, 5 और बढ़ाया था, तो 1,000 और ये 19,000 का अमाउंट रह गया. अभी एक और अच्छा क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है इसको समझाने के लिए, कुछ और अच्छे पॉइंट्स के लिए. अभी आगे बढ़िए. फिर आपका स्टॉक जो 20,000 का था मेरे बच्चे वो 23,000 हो गया. तो स्टॉक की वैल्यू आपके 23,000 से इंक्रीज किया था. फर्नीचर जो 10,000 का था उसको हमने डेप्रिशिएट किया था 1250 से. तो 10,000 में अगर मैं 1250 माइनस कर दूँ तो 8750. बड़ा डर लगता है साहब गलती करने से, कहीं बच्चे मेरे हंसने शुरू ना कर दे, इसलिए मैं थोड़ा साफ साफ सोच समझ के लिख रहा हूँ. मशीनरी जो 18,000 का था अंडर वैल्यूड था, हमने उसको सही किया था, 2,000 से बढ़ाया था. नाउ वैल्यू बिकम इक्वल टू आपका 20,000. वो लैंड बिल्डिंग जो 70,000 का था मेरे बच्चे, उसकी भी वैल्यू हमने लैंड बिल्डिंग का 14 से बढ़ाया. नाउ ये आपका 84,000 का अमाउंट हो चुका है. और वो इन्वेस्टमेंट जो आपका 40 का था, वो इन्वेस्टमेंट जो आपका 40 का था उसकी वैल्यू हमने 18,000 से कम किया था. तो 40,000 का इन्वेस्टमेंट हमने 18 से कम किया और फिर यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को भी हमने यहाँ पे 2,000 से रिकॉर्ड किया. तो आपका कितना हो गया? 24,000 का अमाउंट.
हुआ ना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा हो गया जी। इसके बाद मेरे बच्चे कोई नया एसेट्स आपके पास आया हो, मैं यहां देख लेता हूं नया कोई एसेट्स। नहीं सर, इक्विपमेंट था बदमाश, इक्विपमेंट 28,000। तो इक्विपमेंट जो आपका था अनरिकॉर्डेड था और उसको हमने 28,000 पे रिकॉर्ड किया। अब तुम सब सही करेंगे ना, एक प्रीपेड इंश्योरेंस था तो उसको भी आप लेकर आइए, है ना। जब अब हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, घाटा फायदा, तो उसको बैलेंस शीट में लाना होगा। ये 5,000 का अमाउंट है और कोई नाम नहीं सर, क्रिएटर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट लैंड बिल्डिंग सब हो चुका आपका। आओ ना लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड में क्रिएटर्स जो आपके 50,000 के थे उसमें से 600 रुपीज कम हो गया तो 49,400 वो था ना कि जो नॉट लाइकली टू बी पेड आपका, तो उसको हटा दिया हमने। बिल्स पेबल में कोई चेंज हुआ नहीं, 15,000 था आज भी 15,000 है, रख दिया हमने यहाँ पे। कहते हैं कि आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 थे, कोई चेंज किया नहीं तो हमने 3,000 ही छोड़ दिया। जिसमें चेंज होगा उसमें चेंज करूंगा ना, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे बच्चे खत्म कर चुका हूं। हाँ, उसमें से प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी वो कितना 12,000, क्योंकि वो अमाउंट जो कि आपका 30,000 का था, आप याद कीजिए 30,000 में से आपने क्या किया था जी, कि आपका लायबिलिटी कितना ग्रेड किया था, 12,000 था ना वो पॉइंट नंबर आपका नाइन्थ में, 12,000 वही रख दिया, बाकी तो हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड खत्म हो चुका है मेरे बच्चे, प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी एज इट इज है, प्रोविडेंट फंड है ना वो आपका 5,000 पे दिख रहा है, एज इट इज आपकी लायबिलिटी है। और फिर हमारा वो कैपिटल अकाउंट तो हो चुका, उसके बाद और कुछ यहाँ पे कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हुआ नहीं सर, सब कुछ खत्म। ये सर कैश बैंक लिख दो ना, सही वाला लिख दिया सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बता दो अब फिर कि कितना कितना रहा। पहला यहाँ पे स्वदेश, स्वदेश, दूसरा स्वराज और तीसरा यहाँ पे संभव, संभव। तो स्वदेश का आपका अमाउंट हो गया 96,925, और इनका आपका 20,000 का अमाउंट। चेक करो, अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो टैली करना चाहिए 49,400। अगर टैली नहीं किया तो मैं टैली नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम कॉन्सेप्ट सिखाना था, कहीं कुछ गलती किया होगा तो आप उसको सुधार लेना। 5,000 का अमाउंट, 96,925 और प्लस आपका 20,000, मेरे बच्चे 2,78,250 का अमाउंट। वहाँ चेक करते हैं 66,500, 19,000, फिर आपका 23,000 का अमाउंट 8,750, 20,000 का अमाउंट 84,000 का अमाउंट, 24,000 का अमाउंट, 28,000 का अमाउंट, एंड फिर आपका लोट टैली कर ही गया। इसको भी डर लगा कि कहीं ये बच्चे जो ये बदमाश बच्चे हैं, ये बदमाश बच्चे आपके जैसे कहीं सर पे हंसे नहीं, इसलिए वो टैली कर गया और सर को मतलब बुरी नजरों से बचा लिया। ये खत्म हो गया मेरे बच्चे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मुझे और एडजस्टमेंट में आपको कराना है। एक तो मैं अगर कैपिटल, ये तो फ्लक्चुएटिंग था जी, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तो क्या करेंगे, है ना। करंट अकाउंट के थ्रू सारे एडजस्टमेंट होंगे, उससे भी एक क्वेश्चन करा देता हूं और कुछ और अच्छे पॉइंट्स, लेकिन उसके पहले मेरी बात सुनेंगे। यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट भी होता है, है ना, कैपिटल एडजस्टमेंट भी एग्जाम में आ सकता है। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनका कैपिटल एडजस्टमेंट इस बार के लिए हटा दिया गया है, इस सेशन के लिए, मतलब जो एग्जाम आपका 21 में हो रहा है, इसके बाद के सारे सेशन में रहेगा। और हमारे जो बाकी सीएमए सीएस और जो डिफरेंट कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए सब आपका एडजस्टमेंट है। तो मैं यहीं पे समझाता हूँ कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स आ सकता है। हम लोगों ने क्लास में प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है, बस मैं समझा रहा हूँ 5 मिनट के अंदर में, सुनिए मेरी बात। कैपिटल एडजस्टमेंट, मेरे बच्चे एक क्वेश्चन कह सकता था कि ये जो कैपिटल आपका निकल के आया, इन तीनों का जो टोटल है, मतलब किया ना हम लोगों ने 96,925 प्लस आपका 76,925 प्लस आपका 20,000, वो कह सकता था कि जो टोटल कैपिटल निकल के आया 1,93,850, ये पार्टनर्स के बीच में क्या करो कि आप इसको उनके प्रॉफिट रेशियो में कर दो, तो न्यू रेशियो 2:2:1, वो कह सकता था। तो हम लोग क्या करते जी, इनको यहां नहीं लिखते,
वर्किंग में पता कर लेते हैं कि तीनों का अमाउंट कितना है, तीनों को ऐड करते हैं, 2 to 1 में अमाउंट जो आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं कम ज्यादा 2 कैश या बाई कैश। हमेशा एडजस्टमेंट आपको 2 कैश या बाई कैश ही करना है, कैश यानी कि कैश या बैंक कुछ भी आपका। हो सकता है वो कह दे कि एडजस्टमेंट आप करंट अकाउंट के थ्रू करो, तो फिर बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो करंट अकाउंट कर लेंगे और करंट अकाउंट बैलेंस शीट में चला जाएगा जहां भी बैलेंस निकल के आएगा। ये तो बात होगी। वो इसके सिवा और क्या कह सकता था? वो कह सकता था जी कि आपको इनका जो कैपिटल है, मैं अब बता रहा हूं ध्यान रखना, ये जो है इसको छोड़ देते हैं, वो कह सकता था कि संभव के बेसिस पे इनका कैपिटल निकालिए। तुम लोग क्या करते जी, नया रेशियो निकालते, संभव का कैपिटल कितना निकल के आ रहा, यहां देखते हमेशा यहां पे कैपिटल कितना है, तो 20,000। ये 1/5 के लिए, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। रिवर्स करते हैं, फिर इस 1 लाख में आपका शेयर कितना, तो 2/5, आपका शेयर कितना, 2/5। जितना जितना निकल के आता उसको हम यहां लिखते, फिर कम ज्यादा 2 कैश या बाई कैश। और क्वेश्चन कहता है कि नहीं जी आप करंट अकाउंट से करो, तो फिर हम करंट अकाउंट से करते, अदरवाइज हमेशा हम कैश बैंक से एडजस्टमेंट करते हैं। यही तो पढ़ा हमने। हो सकता है मेरे बच्चे कि वो संभव कितना कैपिटल लेकर आएगा ना बताए, वो कहे कि इनके बेसिस पे निकालिए, तो फिर हम क्या करते हैं, इनका जो, इनको प्लस करके माइनस करके जो अमाउंट यहां और यहां निकल के आता, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। मान लो इन दोनों को ऐड, ये हमें नहीं पता, इन दोनों को ऐड करके सपोज कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट निकल के आ जाता, तो अगर इन दोनों का कैपिटल, तो इन दोनों का शेयर कितना शेयर हो गया, 2+2 4/5, तो ये जो है ना कैपिटल इन दोनों का मिला के वो 4/5 के बराबर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5/4। रिवर्स करते हैं, जितना कैपिटल निकल के आएगा उसमें 1/5 यानी कि इसके शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका कैपिटल निकल के आता, बाई कैश की एंट्री वहां पे जो यहां थी वो यहां पे आ जाती और वही उसका 2 बैलेंस सीधी हो जाता। इट्स वेरी सिंपल। अरे कैपिटल एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत है थोड़े, वो तो लैंग्वेज को पढ़ के समझना होगा। वो कह सकता है इन सब से हट करके, नहीं भैया ये सब छोड़ो, कैपिटल जो टोटल जो होगा पूरे फर्म का वो 5 लाख रुपीज होगा और 5 लाख रुपए इक्वली होगा, उनके प्रॉफिट रेशियो होगा, जो बोलेगा उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों, ये तो बहुत सिंपल बातें हैं। और कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया हुआ है, ऐसे क्यों देखते हो। खैर मैं आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 13 क्वेश्चन, उसको भी देख के फिर आज का काम खत्म करते हैं। इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है, मैं आपके अंदर में ऐसी ऐसी शक्तियां भर चुका हूं कि मैं क्या बताऊं। मुझे खुद विश्वास नहीं है कि इतने कम समय में इतने बड़े चैप्टर का रिवीजन कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे कसम से बोल रहा हूं मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन आपने वो कर दिखाया, आपने कर दिखाया है ना। अब आने दो ना एग्जामिनर को, आने दो ना एग्जाम को, हम डरते थोड़े ही हैं, जो पूछ दे सब हमें आता है ना। लेकिन याद रखना, अगर इस लेक्चर को देखने के बाद जो आपने क्लास में स्टडी किया है मेरे साथ रेगुलर क्लास में, अगर उसका प्रॉपर नोट्स को नहीं पलटा आपने, अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं किया मेरे बच्चे, तब तो काम खराब होगा, अदरवाइज आपको अब कोई नहीं रोक सकता, रिवीजन भी फटाफट हो गया हमारा। ये लो, ये लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, 13 क्वेश्चन पे आप आइए। 13 क्वेश्चन, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको समझने का। मैं इसी में आपको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा, ऑलरेडी आप जानते हैं, पिछले रिवीजन में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। ABC और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, कहता कि 1 अप्रैल 2021 को देयर बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट कहता है जी 1 अप्रैल 2021 का, कि उसमें 20 करंट अकाउंट है एसेट साइड में। जब भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिखेगा, यानी कि आपका फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, फिर लैंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, BR है, डेटर्स है, स्टॉक बैंक, गुडविल है, ओहो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है। अगर नीचे में गुडविल के बारे में कुछ ना बोले, तो एडमिशन के पहले जो गुडविल दिखता है बच्चे, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अरे इस बैलेंस शीट में जितने भी नाम दिख रहे हैं, जितने भी नाम, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में, उनको हटाना है, उनको उनकी वैल्यू को बढ़ाना है, कम करना है, सारे घाटे फायदे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट लॉस भी दिख रहा है, दिस इज लॉस। एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या, लॉस होता है। फिर इधर कैपिटल अकाउंट है ABC का, करंट अकाउंट है AC का, कैपिटल रिजर्व है, सारे रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, कोई भी,
ये पार्टनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के छोड़ दूंगा, झगड़े होंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन आपका है। नीचे कहता है कि ऑन द अबव डेट डी इज एडमिटेड, और डी के बाद क्या बता रहा जी, डी विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल एंड विल गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। गुडविल कहता है कि फर्म का 180 पे वैल्यू किया गया, तो अगर फर्म की गुडविल 180 है, 1/6 लेकर आएगा, 180 का 1/6 यानी कि 30,000 गुडविल का पैसा उसको लाना होगा। नया रेशियो कहता है कि 2:1:1 का हो गया। बिल्स रिसीवेबल कहता है कि 14,000 का डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर्ड, विच इज नॉट टू बी, विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर कहता है फोर्थ पॉइंट में, मैंने कई अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाए, ध्यान देना। डेटर्स 20,000 का वेयर फाउंड बैड डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 वेयर अनरिकॉर्डेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 10%। बिल कहता है कि 12,000 का फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वॉज नॉट अकाउंटेड। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहता है इज आउटस्टैंडिंग फॉर द 6 months, देयर बीइंग अ क्लेम फॉर अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेज, लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। सर ये क्या है बताऊंगा, आगे पढ़ो। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाई 20%, whereas value of land building was found overstated या फिर overvalued by 20%। ये पाया गया कितना है। इन्वेस्टमेंट कहता है वे टेकन ओवर बाय सी एट ₹60,000। ओह अच्छे अच्छे पॉइंट्स और आ गए। बी अग्रीड टू पे बिल्स पेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन कहता है कि 5,000 पेड बाय ए, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट आपका। आओ ना मेरे प्यारे बच्चों, आओ ना भोले भोले सुंदर सुंदर, आपके जैसे मेरे अच्छे बच्चे 13 क्वेश्चन करते हैं, बनाओ मेरे साथ यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट। एक बात बोलो, आप किसी से शेयर नहीं करना, रिवोल्यूशन अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर कहीं एग्जाम में आ जाए प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो मेरे बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना, वो इसी अकाउंट को बोल रहा है बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ही तो एडजस्ट कर रहे हैं एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पे। तो ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है। बड़ा क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम इसको यहाँ पे ओपन करें और बड़ा सा अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कई सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट ये लीजिए आप, ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट है। जरा बताओ कितने पार्टनर्स क्वेश्चन में दिख रहे हैं, 3 पार्टनर्स। तो विल ओपन 3 कॉलम्स, 1, 2 एंड 3, ये 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट ले लिया। कौन कौन से पार्टनर्स, ABC ना, तो ABC। ये जो एग्जाम में सजाने का काम होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना, सब कुछ खत्म करने के बाद करना, टाइम बर्बाद नहीं करना पहले लिखने में, अदरवाइज दिक्कत होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब बात उठी है तो दूर तक जाने दो ना, जब बात उठी है तो सब कुछ मुझे करके दिखाने दो ना, आपको क्या दिक्कत है, आप मेरे साथ करो ना, साथ साथ कीजिए, प्रैक्टिस होगा, मजा आएगा आपको। बैलेंस शीट भी हम लोग बना लेंगे बाद में, यहाँ पे ABC और यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको बैंक दिया हुआ, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ बैंक ही है, तो नो डाउट कि हम सारी एंट्री बैंक के थ्रू करेंगे, है ना। ये लीजिए, तो जितनी सारी बातें आएंगी एवरीथिंग विल रिकॉर्ड हियर। शुरू करता हूँ मैं, पहले तो जितने अकाउंट बनाए मेरे बच्चे उसके बैलेंस को लिखो। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस बाई बैलेंस BD, कुछ ना बताए तो हमेशा करंट अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, और ऐसे भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो नाम होते हैं दे हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो ए का 8,000 और बी और सी, सी का 12,000, है ना बच्चे। एसेट साइड का मतलब कि डेबिट बैलेंस 2 बैलेंस BD, और डेबिट का मतलब होता है कि उसने बिजनेस से पैसा ज्यादा निकाल लिया बदमाश ने, 14,000 तो यहां चला गया। कैपिटल अकाउंट का विल हैव क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस BD ABC 353,250, 350,000, 2 लाख, 353 एंड 250 का अमाउंट। कोई डाउट इसमें नहीं सर।
बैंक जो आपके पास है इट्स बैंक आपका 524, तो टू बैलेंस बीडी 5,24,000। अब जिस नाम में जो बैलेंस शीट में दिख रहा है जिसको आपको हटाना ही हटाना है उनको खत्म करो, जैसे कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व है, इट्स ए रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स का है ओल्ड रेशियो में, एवरीथिंग विल बी डन इन द करेंट अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये कहता है 30,000 का अमाउंट 3:1 ओल्ड रेशियो में, तो 30,000 यानी कि 15,000, 10,000 एंड 5,000, खत्म होगी बात कैपिटल रिजर्व का। और यहां मेरे बच्चे एसेट साइड में देयर इज प्रॉफिट लॉस, यानी कि लॉस 18,000 का, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 18,000 टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, 9,000, 6,000 एंड 3,000। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मैं बढ़ता हूं जी, क्योंकि बैलेंस शीट में जितने नाम थे उनका ट्रीटमेंट कर लिया हमने, अब जो चीजें आएंगी सामने से देखते चलेंगे। गुडविल मैंने भी छोड़ा हुआ, क्योंकि गुडविल के बारे में क्या बोलता हूं सुनेंगे पहले। पॉइंट नंबर 1 में आइए, डी 1,00,000 कैपिटल का पैसा लेकर आएगा और गुडविल का, तो मेरे बच्चे बैंक में टू डीज करंट मत लिख देना, कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल का पैसा तो कैपिटल में ही जाएगा, और वो सॉरी कैपिटल के नाम पे कितना लेके आ रहा है 1,00,000 रुपीज, 1,00,000, और फिर ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जरा मुझे बताइए प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, तो 180 में 1,60 जितना वो गेन करेगा, तो मेरे बच्चे 180 का 1,60, लेकिन काम करे क्या, हम लोग ना यहाँ पे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, कहीं दूसरा पार्टनर गेन ना कर रहा हो, अदरवाइज वो भी लाएगा, तो वर्किंग नोट्स में आपने कहा पार्टनर्स के नाम, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना, पॉसिबिलिटी है ना, जब ओल्ड न्यू दिया रहेगा ना तो आप हमेशा ऐसे कर लेना, ओल्ड आपका 3:6, 2:6, 1:6 और न्यू रेशियो क्या बता रहा है पॉइंट नंबर 2 में 2:2:1:1, तो 2:6, 2:6, 1:6, 1:6, चेक कीजिए सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, 3:6 माइनस 2:6 इट्स 1:6, 2:6, 2:6 नील, 1:6, 1:6 नील, 1:6, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है ये गेन कर रहा है, अच्छी बात है। फिर तो कितना जी आप लेकर आएंगे, जितना आप गेन कर रहे हैं, मतलब 1:6, तो गुडविल फर्म का वैल्यू क्या गया 180, ये ब्रैकेट में आपको बता रहा हूं, आपको कोई खास जरूरी नहीं यहां दिखाना, उसका 1:6 यानी कि 30,000 ये हो गया। और मेरे बच्चे ये प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेगा, सिर्फ ए लेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर गुडविल, और ए में क्या करेंगे आप 30,000 यहां पे दे देंगे, तो जो 1,00,000 है उसके कैपिटल में चला गया पैसा, कहां चला गया जी, ओ डी का बनाया नहीं मैंने, गलत है माफ कीजिए, यहां पे बी आप सोच रहे थे कि सर क्या कर रहे हैं डी, बट मैंने जगह छोड़ा था यहां पे डी के लिए, ये देखो आप डी तो ये जो आपका बैंक में 2D, तो D में क्या बोलेंगे बाय बैंक, कैपिटल अकाउंट में, करंट में मत दिखा देना, कितना 1,00,000 रुपीज का अमाउंट, क्लियर ना, ये सर वो भी तो करंट अकाउंट जाएगा, फिर D का भी तो यहाँ पे आएगा, मैं क्या करूँ, माफ कीजिए मुझे, जगह बना लेते हैं ना, D का ये रहा, और यहाँ पे हम लोग D का इधर बना देते हैं, ठीक है आगे बढ़ेंगे। अब सर ओल्ड पार्टनर्स का बना लो ना, क्या जाता है, आगे बढ़ना। अब देखो गुडविल का पॉइंट 1 का हमने ट्रीटमेंट कर दिया, अब मुझे बताइए बैलेंस शीट में जो पहले से 50,000 परचेज गुडविल है क्या उसके बारे में नीचे कुछ बोल रहा है, नहीं बता रहा है, जब ना बताए तो हमेशा उसको राइट अप कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, तो यहां पे टू गुडविल अकाउंट है ना, जो भी बैलेंस शीट में दिख रहा है मेरे बच्चे अगर उसको हटाना है तो क्योंकि ओल्ड के बीच में दिख रहा है ओल्ड के बीच में हटा देंगे, तो आपने क्या करना है गुडविल जो आपका वहां पे 50,000 था ओल्ड रेशियो क्या था 3:1, वो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा यार अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी, वो गुडविल जो है ना पहले से बैलेंस शीट में अब आपको 60 दिख रहा होगा, आप सोच रहे हो कि सर क्यों बोल रहे हैं, और मैंने यहाँ पे
बैंक का जो अमाउंट है ना वो आपका 5/4 लिखा हुआ है, तो बैंक एक्चुअली 5/4 है, अब चेंज किया है एक्चुअली, आपको पहले से दिख रहा होगा, और 60 गुडविल है, तो हटाओ ना रेशो 3:1, तो 30,000 20,000 and 10,000 ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में पहले से दिख रहा है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा, जब तक वो कहे ना कि आपको उसी वैल्यू पे मेंटेन करना है। अगर वो कहेगा कि नहीं भाई आपको दिखाना उसी वैल्यू पे, तो आपको पता हम क्या करेंगे, बाकी का डिफरेंस से हम आपका करते थे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में, अभी देख लेना आप उसको। तो पॉइंट वन खत्म हो गया, पॉइंट टू, नाउ कम टू पॉइंट नंबर थ्री, बिल्स रिसीवेबल 14,000 का हमने बैंक से डिस्काउंट किया था मेरे बच्चे, और वो कहता है कि डिसऑनर्ड हो गया। तो आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा कि बिल्स रिसीवेबल अगर बैंक से डिस्काउंट कराया गया है, मतलब हमने बिल बैंक को बेचा था और वो डिसऑनर्ड हो गया, तो पता क्या करते हैं हम लोग यहां पे करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मतलब जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो अब हमें क्या करना होगा, डेटर से पैसा लेना होगा और बैंक से पैसा हमारा अकाउंट से निकल जाएगा, बैंक वाला हमारे अकाउंट से निकाल लेता है। अभी समझाने वाला नहीं हूं, अगर दिक्कत है इसके बारे में तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वीडियो मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब पर रखा, उसको देख लेना समझ में आ जाएगा। तो डेटर्स टू बैंक, मेरे बच्चे डेटर्स इंक्रीज हो रहा है और बैंक कम हो रहा है, कितने से 14,000। तो जब बिल आपका डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हुआ तो आपका डेटर्स बढ़ेगा और बैंक कम हो जाएगा, क्योंकि एक एसेट्स बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, हमारे इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट जो है बच्चे वो ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड है। बट हाँ, डेटर्स हमारा 14,000 से बढ़ गया, बैंक कम हो गया, तो बैंक में एंट्री लेकर आ जाऊं बाय डेटर्स अकाउंट, है ना, कितना 14,000, और क्योंकि डेटर्स अकाउंट बना नहीं रहे तो हम बैलेंस शीट में सीधे उसको देख लेंगे। जानबूझ के डेटर्स पे अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाले हुए। अब आइए फोर्थ पॉइंट में, डेटर्स 20,000 का फाउंड बैड लो, मतलब 20,000 के डेटर्स डूब गए, और कहता है डेटर्स 15,000 के अभी अनरिकॉर्डेड है। पॉइंट नंबर थ्री में डेटर्स बढ़ा बैंक कम हो गया, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं, कोई घाटा फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक एसेट्स बढ़ा दूसरा घट गया, छोड़ दो उसको। यहां पे पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या दिख रहा है कि 20,000 के डेटर्स आपके बैड डूब गए मेरे बच्चे, तो हमें घाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा इस 20,000 से, डेटर्स आपका 20,000, ठीक है। और यही नहीं, कहता है कि 15,000 के डेटर्स जो है ना वो अभी अनरिकॉर्डेड है, मतलब थे बट बुक में रिकॉर्ड नहीं था, तो रिकॉर्ड कर लो, तो 15,000 से डेटर्स आपके बढ़ भी जाएंगे। मैंने डेटर्स के बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे डाल दिए हैं ताकि एग्जामिनर किसी तरीके से आपको लेकर आए, परेशान ना हो, ठीक है। एंड कहता कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, हमें प्रोविजन बनाना है, तो हमने क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको मैंने बताया हुआ है कि प्रोविजन बनाने से डेटर्स कम नहीं होते, एस्टिमेट कितने पे बनेगा जी, तो चेक करते हैं कि डेटर्स अब हैं कितने एक्चुअली जिस पे हमें प्रोविजन बनाना है। मेरे बच्चे बैलेंस शीट में डेटर्स आप देखो पहले से थे 87,000, तो बैलेंस शीट में डेटर्स पहले से थे 87,000 वो लिख दिया हमने, उस 87 के बाद एक तो 14,000 के डेटर्स ये बढ़े जो बिल डिसऑनर्ड हुआ था उसका 14,000, इसके बाद 15,000 से डेटर्स हमने और बढ़ाया जो अनरिकॉर्डेड थे, और इसमें से हमने ये 20,000 डेटर्स डूब गए बैलेट्स हो गए जिनको हटा दिया, तो अब हमारे पास डेटर्स इतने रह गए बशर्ते कि आगे कोई डेटर्स पे पॉइंट ना हो। तो क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, मैंने आगे कोई पॉइंट डेटर्स पे रखा नहीं है मेरे बच्चे, तो डेटर्स इतने हैं। इसका 10% का आपको प्रोविजन, डाउट है कि जो डेटर्स रह गए इसका भी 10% आपका डूब जाएगा, तो मुझे बताइए 87,000 प्लस आपका 14,000 प्लस आपका 15,000 और माइनस आपका 20,000, यह हो गया 96,000 और 10% यानी कि 9,600 रुपीज का अमाउंट, वी हैव क्रिएटेड अ प्रोविजन, क्लियर ना। ये सारे पॉइंट्स क्लास में किए हुए, बस उसको इकट्ठा करके समझा रहा हूं, आगे पढ़ो, ऐसे मत देखो मुझे आप, गंदा लगता है मुझे, आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ में कहता है कि बिल फॉर 12,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वेर नॉट अकाउंटेड, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, पे करना है, अभी तक बुक में रिकॉर्ड ही नहीं, अकाउंट मतलब रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड कर लो, लायबिलिटी है जी टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना, न्यू बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे इसको कितना है 12,000, वो भी यहां पे आ गया। आगे बढ़ेंगे,
कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर सिक्स मंथ. आज हमें क्या देखा कि बैलेंस शीट में जो बैंक लोन है ना 2 लाख, देखो ना बैलेंस शीट में 2 लाख का बैंक लोन दिख रहा है. उस 2 लाख पे मेरे बच्चे जो रेट लिखा था ना स्टार्टिंग में, वो उसका पर एनम रेट होता हमेशा. एक बच्चा प्यारा सा मुझे डाउट में पूछा था, आई थिंक सीए इंटर का बच्चा था, कि सर ये बैंक लोन जो 2 लाख है 12% लिखा हुआ है, ये रेट पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्यों पर एनम माने? अरे बदमाश, लोन के आगे जो रेट होता ना इट्स ऑलवेज पर एनम, हमेशा होता है हमेशा. तो 2 लाख पे 12% 24,000 का इंटरेस्ट एक साल का बना. कहता है कि 6 महीने का बकाया तो 6/12 यानी कि 12,000 का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. ये 12,000 जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है कहीं बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. जीरो पे लाइबिलिटी है. अब 12,000 पे लेके आना, इट्स एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी को बढ़ाना होगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और फिर न्यू बैलेंस शीट में चला भी जाएगा लाइबिलिटी, है ना. हम लोग जो भी अनरिकॉर्डेड है उसको लेकर आते हैं ना बच्चे, वही काम कर रहे हैं. ठीक है. फिर कहता है 7th पॉइंट में, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द कैपिटल प्रॉफिट लॉस वाला कर दिया था ना. हाँ जी सर, क्या पूछे? कुछ नहीं, आगे बढ़ो. पॉइंट नंबर 7, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेज लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम. फर्म पे किसी ने क्लेम कर दिया है, कुछ डैमेज हो गया था और फर्म के लिए को पे करना है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो लायबिलिटी फॉर डैमेजेज. इस पर सब लायबिलिटी बढ़ते जा रही है यार. लायबिलिटी फॉर डैमेजेज है ना, लायबिलिटी फॉर डैमेजेज. और कितना मेरे बच्चे? ये कहता है कि लायबिलिटी फॉर डैमेजेज आपका क्रिएट हुआ है 8,000 का. सारे घाटे हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे. फिर आगे बढ़ेंगे आप 8th पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है? स्टॉक आपका 250 का, 250 की वैल्यू हमें रिड्यूस करना कितने से जी? 20%. तो 50,000 से, और फिर से घाटा रिकॉर्ड हुआ. स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी 50,000 से कम कर दी गई. आगे बढ़ेंगे आप. कहता है इसके बाद आपका कहां चला गया बदमाश. हाँ जी, 8th पॉइंट था, वेर एज लैंड बिल्डिंग जो है बच्चे वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 20%. वॉज फाउंड मतलब ये जो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको दिख रहा है ना, ये 350, ये 20% कहता है कि ज्यादा है. मैं इसको भी ना 260 कर दूंगा, 260. और आप प्लीज बुरा नहीं मानना, 10,000 से इसको बढ़ाया ना, तो 10,000 से मुझे कुछ कम करना पड़ेगा, और BR को 10 से कम करे तो मतलब आपको BR 24 ही दिख रहा होगा आपके बुक में, अभी मैंने चेंज किया है. बट एनीवे, लैंड बिल्डिंग जो 360 है, 360,000, वो कहता है कि वो ओवर वैल्यूड है बाय कितना जी आपका? 20%. तो मेरे बच्चे यानी कि लैंड बिल्डिंग जो है ना ओवर वैल्यूड है, कम करना पड़ेगा. ओवर वैल्यूड है एक्चुअली, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग. ये जो 360,000 है ये 20% से ओवर वैल्यूड है, यानी कि 120 के बराबर है. तो जितना ज्यादा यानी कि 20% निकालो कितना, जो जिससे कम करना है, तो 360,000 डिवाइड बाई 120 इंटू आपका 20, ये हो गया 60,000 का अमाउंट. समझ रहे हो मैंने क्या किया? अरे जो क्वेश्चन में 360 का अमाउंट दिया हुआ है ये 120% है, 20% ज्यादा, तो इसकी सही वैल्यू यानी कि 100 कितना निकल के आ जाएगा? 3 लाख रुपीज. तो 360 - 3 यानी कि 60 से वैल्यू हमने कम कर दिया. ओवर वैल्यूड है, ज्यादा पर दिख रहा तो कम कर दो, तो हमने वही वैसे कर लो, या फिर 120 तो 20 मतलब जितने ओवर वैल्यूड हुआ कितना वो हमने निकाल दिया. लैंड बिल्डिंग भी हमारा हो गया. इन्वेस्टमेंट कहता है कि सी लेकर चला गया 60,000 पे. ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, जरा सुनना. इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस शीट में था कितने का? 73 का, और मेरे बच्चे सी लेकर चला गया 60,000 पे. जब भी इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट्स किसी को देते लेते हो ना, पहले उसको रिवैल्यू कर लो. तो 73,000 जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में था वो उसकी वैल्यू यानी कि आज 60,000 रह गई होगी, तभी वो लेके गया 60 पे, घाटा हुआ. टू इन्वेस्टमेंट कितना जी? 73 का था, उसकी वैल्यू 60 रह गई, तो 13,000 का हमने एक तो घाटा रिकॉर्ड किया. क्लियर यहां पे? अब जरा बताओ इसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 60 का. अब 60,000 का इन्वेस्टमेंट आपके पास से चला गया
और कौन लेके चला गया? आपका सी, तो सीज करंट अकाउंट, ये 60-60। मेरे बच्चे बैलेंस शीट जो नया बनेगा, जितने से इन्वेस्टमेंट कम होगा ना हमारा, उतने से पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कम होगा, तो रिवोल्यूशन में नहीं आएगा। रिवोल्यूशन में तभी हम डालते हैं, हमने बहुत प्यारे तरीके से आपको बताया, जब बैलेंस शीट टैली नहीं कर रहा, मतलब एक तरह कम ज्यादा हो रहा है, तब तो करेंगे। यहां पे देखो आपका इससे क्या हुआ, बैलेंस शीट टैली कर गया एंट्री से, नहीं जाएगा रिवोल्यूशन में। यहां भी क्या हुआ जी, आपका 60 से इधर कम हुआ, 60 से यहां पे नहीं जाएगा, यहां तो तब जाता जब दोनों कुछ कम ज्यादा होता है। तो मैं इसकी एंट्री कर लेता हूं, सीज करंट अकाउंट में क्या बोलेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट है ना, वो लेके चला गया। और कितने पे लेके चला गया, तो 60,000 पे, 60,000 पे। क्लियर यहां तक? यस सर। आगे पढ़ेंगे आप, बी अग्रीड टू पे बिल्स पेबल एट 10% डिस्काउंट। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में आपका 90,000 का है, 90,000 का, और 10% डिस्काउंट पे कहता है कि मैं पे कर दूंगा। तो ये मतलब बी जो है वो 10% डिस्काउंट पे उसको बोल रहा है कि मैं पे करूंगा। तो पहले तो बीपी की लायबिलिटी कम होगी, जो 90,000 था उसमें 10% कम करो, डिस्काउंट मिल रहा आपको, तो हमें फायदा हो रहा है बाय बीपी। कितना जी, 90,000 का 10%, पहले हमने फायदा रिकॉर्ड कर लिया, कितना 9,000। इसके बाद अब हमारा जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें बीपी कितने का रह गया, 81,000 ही तो रहा, 90 में 9 कम कर दिया तो 81 रह गया, और 81,000 पे कौन लेके चला गया, बी। बी कहता है कि मैं पे कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बी पे करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो गई बीपी, और वो किसको हमें देना पड़ेगा, क्या नाम है उसका, बी को, तो टू बीज करंट अकाउंट। बी के करंट में हम क्या बोलेंगे, बाय आपका बिल्स पेबल अकाउंट। और अमाउंट कितना आपका हो गया जी, यहां पे कितना हो गया अमाउंट, बिल्स पेबल, बी अग्री टू पे बिल्स पेबल कितना कर दिया था हमने, 81 ना, तो 81,000 का ये, समझ रहे हो ना, फर्म की लायबिलिटी बिल्स पेबल की खत्म हो गई, लेकिन वो अब आपका पेमेंट फर्म किसको करेगा, बी को करेगा, तो बी के अकाउंट में जाके वो ऐड कर दिया। और फिर कहता है एक्सपेंसेस ऑन रिवोल्यूशन, ये जो रिवोल्यूशन हुआ उस पे एक्सपेंस ऑफ 5,000 का जो ए पे कर रहा है, तो बच्चे ए पे करेगा तो फर्म तो ए को पैसा पे करेगा है ना, और अगर ए को पे करेगा फर्म तो फर्म को घाटा, टू एज करंट अकाउंट, कितना 5,000। अगर फर्म पे क्या होता तो टू कैश है, टू बैंक लिखते हैं, फिर बैंक में एंट्री उसकी जाती है, ये भी खत्म। कुछ और है इसमें, नहीं सर, बस आप इसको क्लोज कर लेना, प्रॉफिट लॉस निकाल लेना, प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स करंट में ला देना, क्लोज करना, इसका अकाउंट चला जाएगा बैलेंस शीट में। जो करंट कैपिटल अकाउंट है उसका भी बैलेंस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। बैंक का बाई बैलेंस सीडी सही निकाल के बैलेंस शीट में, और अपडेटेड जो फिगर है हर एक एसेट्स लायबिलिटी का वो भी कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, ये सब मैंने आपको अब बता दिया है ना, बैलेंस शीट बताना थोड़ा सिखाऊंगा, इतना क्वेश्चन आप लोगों ने किया, मेरा काम सिर्फ एडजस्टमेंट सिखाना है ना, रिविजन करा रहा हूँ बच्चे। हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का, जो पिछले वाले में पढ़ा, यहां भी बता देता हूं। अगर मान लो एग्जामिनर कहता कि भैया पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो ऑल देयर एसेट्स लायबिलिटी एट ओरिजिनल वैल्यू, मान लो कहता, मतलब जितना वैल्यू पहले था उसी पे, तो ये जो आपको क्या किया, जितने आपके नाम आए ना, हम लोग फिर इसके बाद क्या बनाते हैं जी, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। और जितनी एंट्री इस साइड आई है वो सारी एंट्री इस साइड चली जाएगी, जितनी एंट्री इस साइड आई है वो इधर रिवर्स हो जाएगी। अगर यहां पे प्रॉफिट आया होगा तो यहां पे लॉस आ जाएगा। ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में मिलता है मेमोरेंडम का, ऑल पार्टनर्स मतलब न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में, और फिर उसका एंट्री हम इसके रिवर्स में ला देते और काम पूरा। फिर जो नया बैलेंस शीट बनता है उसमें सारे एसेट्स लायबिलिटी आपके पुराने फिगर पे दिखते हैं। हो सकता है कि एग्जामिनर कहे कि भैया ये तो सब ठीक है, वो सिर्फ कह दे कि आपको ना बिल्स पे, मान लो वो कह दे कि आपको क्या करना, लैंड बिल्डिंग को और स्टॉक को ही सिर्फ पुराने फिगर पे दिखाना, ये भी कह सकता है, हम लोगों ने किया हुआ है। अगर सिर्फ इन एसेट्स के बारे में कहेगा कि पुराने फिगर पे दिखाना है तो इनका सिर्फ रिवर्स एंट्री यहां पे आएगा, और फिर जो घाटा फायदा होगा जो भी आएगा न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में, ये पक्का है, यहां पे जो भी आएगा न्यू पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर्स न्यू रेशियो में।
फिर जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो होगा मेरे बच्चे ये आपके पुराने फिगर पे दिखेगा, पुराने फिगर पे। क्लियर है? यहाँ पे डेटर्स कितने पे आएगा, तो डेटर्स का सही फिगर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये, और उसमें से इतना प्रोविजन को माइनस करते हुए दिखाएंगे। ये क्वेश्चन आप कर जाएंगे। चलिए, इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको इसका पूरा थ्योरी भी करा दूं। हम लोगों ने कमिट किया है, रिविजन कर रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में जल्दी मेरे इस नोट्स के अंदर में इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है। सेक्शन 31 का डिस्कशन हमने फंडामेंटल के रिवीजन क्लास में भी किया था कि सेक्शन 31 में कहा है कि भैया अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो एग्रीमेंट, वो जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो एज पर द आपका बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल जितने पार्टनर्स हैं सबके कंसेंट में, या फिर जैसे उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि न्यू पार्टनर्स का एडमिशन कैसे करेंगे, कौन उसका राइट लेगा, कौन अधिकार, मतलब कौन उसको बारे में डिसाइड करेगा, वही पढ़ेंगे बोल्ड अक्षरों में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, न्यू पार्टनर्स शैल नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सभी लोगों के सहमति होगी तभी, या फिर अनलेस इट इज अग्रीड अदरवाइज, अगर किसी दूसरा एग्रीमेंट है कि नहीं जी कोई नया पार्टनर आएगा तो इस तरीके से आएगा, ये लोग डिसाइड करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से। सेक्शन याद रखना, सेक्शन 31 आ सकता है। क्या आफ्टर एडमिशन न्यू पार्टनर्स के पास क्या राइट है? राइट है फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर लेने का, राइट है जी कि पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट्स है उस एसेट्स उसका भी क्लेम होगा। अगर यही तो राइट है कि भैया मेरे पास राइट है जी, राइट टू टेक आपका पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, राइट टू टेक मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, राइट टू टेक आपका क्लेम ऑन द एसेट्स, फर्म का एसेट्स उसका भी क्लेम बन जाएगा, बोलो ना, ये तो होता है। हाँ, लायबिलिटी भी कुछ होती है। लायबिलिटी क्या? फर्म की लायबिलिटी का ऑब्लिगेशन अब आपका हो जाएगा, उनको पे करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर में भी आ जाएगी। तो वही सारी बात है, अगर फर्म को कोई लॉस होगा तो उसमें जैसे प्रॉफिट में आपका राइट था तो लॉस में आपका ऑब्लिगेशन होगा, लॉस भी शेयर करना पड़ेगा, वो मैंने दिया हुआ है। तो यहां पे हमने क्या क्या देखना, सेक्शन 31 एक याद रखना होगा जी कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज नेसेसरी और एज पर द एग्रीमेंट रिटन अमंग द पार्टनर्स, उसके हिसाब से एडमिशन होता है। राइट ऑफ आज है, राइट ऑफ पार्टनर्स क्या है, तो राइट ऑफ पार्टनर्स ऑफ क्या बताना, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी पूछ दे तो लॉस में आपका ऑब्लिगेशन है जी, लायबिलिटी है। उसके बाद जो बिजनेस की लायबिलिटी उसमें भी आपका ऑब्लिगेशन है, तो ये आपकी लायबिलिटी हो जाएंगी। और एक चीज बता दूं कि अगर एडमिशन किसी पार्टनर का होता है तो दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, है ना, यही तो पढ़ा हमने, जो एग्रीमेंट है बच्चे वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, मतलब जब भी प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का, फिर से फर्म क्रिएट की गई, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद गुडविल क्या होता है बता चुका हूं। इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होगा जी, ओल्ड रेशियो खत्म हो जाएगा, 0.1 पढ़ रहे हैं, ओल्ड रेशियो खत्म हो जाएगा, नया रेशियो बनेगा, ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, नया पार्टनरशिप आएगा, नया पार्टनरशिप मतलब न्यू पार्टनरशिप इज एक्चुअली द एग्रीमेंट ओनली, तो नया एग्रीमेंट बनेगा। फिर पॉइंट नंबर टू में न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट आपका, ये तो होगा जी, इफेक्ट होगा। न्यू और इनकमिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट आपका कैपिटल, उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नया पार्टनर राइट उसके पास आएगा एसेट्स को बेचने का, लायबिलिटी को पे करने का ऑफ द फर्म, है ना, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उनको हम एडजस्ट कर देते हैं, एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं। इफेक्ट मतलब कि क्या उस दिन करना होगा, तो सब चीज करते हैं। गुडविल को हम आपका जी आपका यहाँ पे आपस में एडजस्ट करते हैं। एग्जाम में आ जाए कि एडजस्टमेंट्स कौन कौन सा करना पड़ता है ऑन द एडमिशन, तो न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट करना होगा, एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करना होगा, एक्यूमुलेटेड जो लॉसेज है रिजर्व है उसको उसका एडजस्टमेंट करना होगा, अपडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना होगा कैपिटल में, तो ये एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है। न्यू रेशियो में बता चुका हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता चुका हूँ, इन सब पे दो दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, सब समझा दिया मेरे बच्चे। फिर सारे क्वेश्चन शुरू हो गए आपके। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको बता चुका हूँ, प्राइवेटली पे किया तो क्या होगा, सब क्या बताऊँ इसके अंदर, मैं सब समझा चुका हूँ प्रैक्टिकली। हिडन गुडविल मैंने बता दिया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में बता दिया है कि उसको हम रिवैल्यू करते हैं, और ये भी आप जानते हैं मैंने वहां बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो आपके पास से बचना नहीं चाहिए।
फिर इसके जितने केसेज सब बता दिए, लास्ट में आप आएंगे तो एक थ्योरी मैंने दिया हुआ है रिवोल्यूशन अकाउंट में और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट में, मैंने बता दिया रिवोल्यूशन बनाते हैं क्यों, टू रिवैल्यू ऑल एसेट्स लायबिलिटी, मेमोरेंडम क्यों बनता है, टू शो ऑल रिवैल्यूड एसेट्स लायबिलिटी एट देयर ओरिजिनल वैल्यू, रिवोल्यूशन अकाउंट में जो घाटा फायदा होगा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, जो मेमोरेंडम में होगा ऑल पार्टनर्स न्यू रेशियो में। रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद आपका जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें फिगर्स चेंज होते हैं, मेमोरेंडम के बनने के बाद फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। वही तीन चार पॉइंट्स है, क्या दिक्कत है, खत्म हो गया। काश ये चैप्टर और चलता, मुझे कुछ और रिविजन कराने का मन करता, लेकिन मेरे बच्चे मोर देन एनफ है। याद रखना, खत्म कर रहा हूं क्लास बोलकर, कि जो बच्चा इस रिवीजन क्लास के बाद, जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सारे, क्योंकि मेरे बच्चे सारे कॉन्सेप्ट सारे क्लास रिवीजन क्लास में कवर करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और कहीं से कुछ भी आ सकता है, जबकि क्लास में मैंने इस चैप्टर में कम से कम 23-24 घंटे आपके साथ डिवोट किए हैं। तो आपने क्या करना है, एक एक आपको पेज पलटना है, अच्छा ये सर ऐसे कराए थे, ये सर ऐसे कराए थे, क्योंकि अच्छा खासा आपने हाथ से प्रैक्टिस भी कर लिया, अच्छा सर ने ऐसे कराया था, काम खत्म। गुडविल का ट्रीटमेंट में एक चेंजेस मैंने बता दिया, उसको आपको अप्लाई करना है, अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। आप शक्ति फील करें, इंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो डाउट सेशन टाइम पे आपके साथ रहता हूँ। अगली क्लास में एक और चैप्टर के साथ आऊंगा और रिवीजन कराऊंगा। अभी पार्टनरशिप का रिवीजन पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा, डिसोल्यूशन आएगा, बहुत कुछ आने वाले हैं। आप सबको बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू जी। Hello, I am Mansi. I am pursuing CA Foundation. Hello friends, my name is Umair Raza. I am a CA final student. Myself Damini Singh and I am currently pursuing CA Inter with COC. मैंने class 11th में local tuition classes लिए थे and मेरे concept बहुत poor थे। मैंने एक दिन YouTube पे संतोष सर का video देखा था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैंने decide किया कि मुझे classes उन्हीं से purchase करना है। Then I purchased classes from COC Education and scored very good marks. And वो काफी अच्छी तरीके से पूरे syllabus को cover करते हैं। For me, COC Education is the one step solution to clear all my doubts and my concepts. Oh, thanks to COC ke aur main abhi target kar raha hu ke rank lao. Thank you so much Santosh sir, thank you. Thanks to COC.